तो ये करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स के कई सारे मैंने पहले भी बनाए हैं और एक ये सतत अपडेट होते रहेंगे। पिछले दो मास्टर वीडियो हैं जो आपको अवश्य देखना चाहिए, उनको देखने के बाद ही आपका कंप्लीट होगा जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो दो मास्टर वीडियो तो आपको देखना ही देखना है। इससे पुराने भी पड़े हुए हैं, आप जो भी एग्ज़ाम देखे जाएं करंट अफेयर्स के ये सभी ज़रूर देखें। ठीक है, ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी और इससे हम लोग हमेशा जो है करंट को अपडेट करते चले जाएंगे। तो ये आपका करंट अफेयर्स मौजूदा समकालीन जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन होगा यदि आप सभी उन वीडियो को भी देख लेंगे, उससे समग्र हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रयास किया, मैं अभी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैं चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चीज़ों को हम आराम से डिस्कस करेंगे, परेशान होना नहीं है। इस अवधि में एक कंसंट्रेशन बना के रखना है मेरे साथ, ठीक है। आपको पूरा का पूरा ध्यान क्लास के अंदर लाना है, बाकी मेरा मेरी टीचिंग शैली होगी, पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपके पूरे ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास करूँगा, चीज़ों को समझाऊँगा। इसमें बहुत सारा जो है नॉलेज है जो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, बहुत कम समय में मिलने वाला है। ठीक है, तो आराम से सुनना है, कोशिश सुनने की करना है और चीज़ों को हम लोग डिटेल में भी करेंगे, हम डिटेल में चीज़ों को कर भी रहे हैं, है ना। तो ये पूरे जितना भी मास्टर वीडियो है इसमें काफ़ी चीज़ें हैं आपकी, लगभग लगभग सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर समेटने का काम किया है। फैक्चुअल नॉलेज भी इसमें है और इसमें मैं कुछ एनालिसिस वगैरह भी आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूँगा जब कोई टॉपिक ऐसा आएगा जिस पे मुझे ज़रूरी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दो सलाह ज़रूर देता हूँ, पुराने मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स के ज़रूर देखने हैं। दूसरा, जनगणना का एक मैंने मास्टर वीडियो बनाया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेंसस से कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और सेंसस के उस वीडियो सीरीज़ में मैंने ये प्रयास किया था कि मैंने जो भी सेंसस से जुड़ा हुआ आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है वो भी वहाँ पर प्रयास किया था कि आपको दो डेटा तो होता ही है, डेटा के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, वो मैंने प्रयास किया है। नगरीकरण में एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें नगरीकरण कम्प्लीट होगा, सेंसस आपकी 1-2 साल और बचा है फिर नया डेटा आ जाएगा, तो इसलिए मौजूदा समय में सेंसस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो जनगणना आपको देखना है और करंट अफेयर्स के वो सारे वीडियो देखने हैं, ये आपका अपडेटेड वीडियो है, आज तक के लिए अद्यतन है। आज कौन सी डेट है, हम बैठे हुए हैं, है ना, हम लोग 28 सितंबर पे चर्चा कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स आपका जितना भी है 15 सितंबर तक का है, ठीक है, 15 सितंबर तक ये पूरा का पूरा अद्यतन है, 15 सितंबर तक का डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पुराने के दो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको वो सारी चीज़ें जो है एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस बोर्ड में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, अगले 2 घंटों में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कितने बड़े स्तर पर चीज़ों को हमें करना है। मैं आप लोगों को एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, वो समझाने का प्रयास करूँगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको मैंने यहाँ पर भी कुछ इशू इसके यहाँ पर भी मैंने लिखे हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ ही विधिक घटनाक्रम भी है। विधिक घटनाक्रम में तो यदि मैं लिखना चाहता तो इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट बिल किए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं बिलों में, 35 से ज़्यादा तो अधिनियम अभी संशोधित हुए हैं, तो वो तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर विधिक घटनाक्रम जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उन पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपकी, जो भी इम्पॉर्टेंट इस समय की चीज़ें हैं। बाकी IR में वो सारे विषय कि किसी देश के साथ क्या संबंध है या किसी देश से क्या आपकी जो है वार्ताएं हैं, वो एक अलग विषय होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय है। मेरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में मैं IR का भी एक मास्टर वीडियो आपको दूंगा जिसमें कंप्लीट सभी देशों के साथ एक हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव लेते हुए अभी तक का मैं उसमें करवाऊंगा। तो IR एक अलग ही सेक्शन बनाएंगे और IR में बेसिक से लेके उसका करंट तक अपडेट करेंगे, बहुत जल्द उसको इसी साल में करने का प्रयास करूंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई जो घटनाएं जो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रखती हैं वही मैंने यहाँ पे रखी हैं।
पर्यावरण के मुद्दे जितने भी ज़रूरी हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे रखा है। इसके बाद जो है आर्थिक घटनाक्रम में जो चीज़ें मुझे लगी हैं कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे बैंकों का विलय सब मुद्दा है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे रखा है। इसके अलावा कुछ रैंकिंग और सूचकांक होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ सर्वेक्षण है, कुछ रैंकिंग है, कुछ सूचकांक है ना, एक बहुत लंबी लिस्ट मैंने यहाँ पे सूचकांकों की बनाई है। जितने सूचकांक आपके होते हैं इन्हीं में से कोई ना कोई आपको ज़रूर आएगा, हर साल पूछता है सूचकांक, तो सूचकांक भी हम यहाँ पर जान लेंगे। यहाँ पे साइंस एंड टेक से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी मैंने यहाँ पर प्रयास किए हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर खेल परिदृश्य के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे, जो भी मौजूदा समय में जो खेल हुए हैं उसमें जो विजेता और उपविजेता रहे हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, और जो आगामी आने वाले समय में वो खेल होने संभावित हैं कहाँ होंगे, कहाँ उनका आयोजन होगा, उनकी विषय वस्तु भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारे पुरस्कार हैं जो लगातार, जैसे भारत रत्न भी इस बार दिए गए है ना, तो इनके बारे में सारा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। रेमन मैक्सेस पुरस्कार भी इस बार दिए गए, रविश कुमार जी को मिला है, तो हम जो है सारे पुरस्कार मैं यहाँ पर पूरी लिस्टिंग लेके आया हूँ, पुरस्कार लगभग काफ़ी हैं आपके, इन्हीं में से आपको पुरस्कार मिल जाएंगे। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, जो भी एग्जाम है यूपी के, सभी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जितना मुझे मिला है उसका बजट का थोड़ा सा सेक्शन जितना पूछा जाता है वो आपको। इसके बाद सैन्य अभ्यास एक बड़ा मुद्दा रहता है वनडे एग्जाम में, सैन्य अभ्यास भी पूछता है, तो सैन्य अभ्यास भी मैंने यहाँ पे दिया है। पीसीएस वगैरह में भी सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं, तो सैन्य अभ्यास आपको मैं यहाँ पे, मैंने बहुत बड़ी लिस्ट सैन्य अभ्यास की यहाँ पर जो है रिसर्च करके डाली है, तो सारी की सारी आपको मिल जाएगी, इनसे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे बिहार स्पेशल मैंने पूरा डाला है बीपीएससी एग्जाम के लिए, और बिहार के जो भी एग्जाम आपके होंगे उसमें बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, बिहार के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत प्रयास किया है, अथक मेहनत की है इसके लिए, तब जाके मुझे इतना करंट मिल पाया है। बिहार में मुझे भी पहली बार पता चला कि वहाँ पे करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और मुझे भी बहुत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डेटा मुझे मिला नहीं, लेकिन जो भी मिला मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। इसके बाद मैंने कुछ नियुक्तियाँ लिखी हैं, और ये नियुक्तियाँ उनमें बहुत मैंने सेलेक्टिव ही लिखा है, जो आम समय में बहुत चर्चा में रही हो या फिर जो पूछी जा सकती हैं बस उतनी ही। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है कुछ मिसलिनियस टाइप में जो चीज़ें मुझे लगी हैं तो मिसलिनियस में भी डेटा डाला है। यदि सच कहूँ तो ये आपका लगभग 4 या 5 मैगजीन और इंटरनेट का समुच्चय है, यहाँ तक कि अंत समय जब आता है इसको कंप्लीट करते करते, ग्राफिंग करते करते, तो मेरे पास डेटा की कमी ही हो जाती है, मुझे भी लगता है कि अब मैं कहाँ से पाऊँ कि मैं इसे फुलफिल करूँ। ठीक है, तो ओवरऑल अपने आप में समग्र है, इसमें चीज़ें ऐसी नहीं हैं। यदि आप दोनों सीरीज पुरानी देख लेंगे और इसे देख लेंगे, आपको बहुत बेहतरीन, आपका करंट अफेयर्स से यदि जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे उस एग्जाम में वो सब आपको इसी बोर्ड से मिलने वाले हैं। ठीक है, जीएस के अलग हैं, जीएस का भी आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं, और उससे भी आपके तो लगभग यदि मेरे पूरे मास्टर वीडियो यदि कोई देख के जाए एग्जाम में, तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं वहाँ पे उसको 80 से 90 क्वेश्चन तक का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में 20 से 25 क्वेश्चन तो कम से कम अब आते ही हैं, वो सारे आपके हो जाएंगे, और जीएस के जितने भी टॉपिक हैं सबसे 10-12 क्वेश्चन वहाँ से निकलते हैं। ठीक, सेंसस से यदि आप सेंसस वाला मास्टर वीडियो देखोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत कर देना तो बताना, उसमें मैंने 5 या 6 राज्यों की भी सेंसस ली है हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस की, है ना, तो उसको भी देख के। अब चलिए इसे शुरू करते हैं, इसे मैं एक एक करके डिकोड करता हूँ। ठीक, शुरू करें, प्रारंभ करें। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक बड़ा मुद्दा है ना, बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का, एनआरसी का, आप लोग इस समय बड़ा चर्चा में रहा। आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा दस्तावेज है जहाँ पर भारतीयों के नाम दर्ज हैं, एनआरसी कुछ नहीं है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भारतीयों के नाम दर्ज हैं, भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज हैं। 1951 में इसे बनाया गया था, ठीक है, और 1951 में बनाने के बाद अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ गई। देखो, ज़रूरत बहुत पहले से थी, दरअसल 70 के दशक से ही नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर भारत में बड़े स्तर पे घुसपैठ होने लगी है ना, और उस घुसपैठ के खिलाफ असम जैसे क्षेत्रों में जो समस्याएं उत्पन्न हुई उस घुसपैठ के परिणाम स्वरूप, तो वहां पे बड़े स्तर पे आंदोलन भी प्रारंभ हुए,
और उस आंदोलन के कारण से एनआरसी की मांग लगातार उठ रही थी कि एनआरसी के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए और अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए ताकि देश में शांति व्यवस्था बना के रखी जाए, ठीक है, स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो एनआरसी इसी के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज़्यादा सक्रियता में लेते हुए इस पर निर्देश भी जारी किए कि आपको अब एनआरसी को अपडेट करना है। अभी असम एकमात्र राष्ट्र है जिसके पास अपना खुद का एनआरसी है, बाकी के क्षेत्रों में आने वाले समय में गृह मंत्रालय के ऊपर है, लागू करते नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अद्यतीकरण यानी उसे अपडेट करने की प्रक्रिया जो है वो दिसंबर 2013 से प्रारंभ कर दी गई है ना, ताकि वहाँ पे जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको चिन्हित किया जाए और जो भारतीय नागरिक नहीं है उन्हें अयोग्य करार देते हुए है ना उस क्षेत्र से उनको निष्कासित किया जाए। तो असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करना है हमें एनआरसी के माध्यम से और उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से 1989 से ही इस मुद्दे पे लगातार जो है आंदोलन चलते रहे हैं असम वाले क्षेत्र में। और असम इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए उस समय एक असम एकॉर्ड हुआ था, असम समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत 24 मार्च 1971 में ये बात हुई थी कि प्रवासियों को पहचाना जाएगा और पहचानने के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये घटना 1971 से चली आ रही है, आज की घटना नहीं है, ठीक है। आज तो इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो प्रवासियों को पहचान कर उन्हें निर्वासित करने का प्रावधान किया गया है। एनआरसी भारतीय नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर है। 31 अगस्त का मैं डेटा बताता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ा दी थी, 31 अगस्त 2019 को एनआरसी लिस्ट में 19 लाख लोग अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। 19 लाख एक बड़ी संख्या होती है। असम के 19 पहले डेटा आया आपका 30 जुलाई को, 30 जुलाई में लगभग 40 लाख के आसपास लोग थे, ठीक है। जो लेटेस्ट डेटा है जो मैंने देखा है निर्वाचन आयोग की साइट में देखा, ये निर्वाचन आयोग का डेटा है, आप एक बार जाके देख भी सकते हो। तो एनआरसी में 19 लाख लोग लगभग अयोग्य हो चुके हैं, इनको 120 दिनों का टाइम दिया गया है। ये चाहे इनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, 100 से ज्यादा ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ये चाहे तो अपील कर सकते हैं वहां पे और अपने जो भी 15 दस्तावेज कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इन 15 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज इनके पास है तो एनआरसी के लिए योग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनको अपना जो है वहां पर वो करना है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में इनमें से बहुत सारे डाउटफुल वोटर हैं जिसको निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो डाउटफुल वोटर जब तक उनका मामला इशू क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो वोट अभी देंगे। असम में जो भी चीज़ें होंगी सरकार उनका सहयोग भी कर रही है, लेकिन इनमें से जो भी लीगल होंगे उनको पहचान कर वहां से बाहर करना मुख्य उद्देश्य यही है इसका एनआरसी का, ठीक है। तो ये है आपका बहुत बड़ा मुद्दा, काफ़ी समय से चला रहा है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी चुनाव हुए थे, ये आएंगे एग्जाम में चुनाव, जब जिस साल भी हुए हैं उस साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो चुनाव से क्वेश्चन आए हैं। आम चुनाव 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से लेकर 19 मई की अवधि में 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव कराए गए थे और 17वीं लोकसभा है, लोकसभा भी पता होना चाहिए, आम चुनाव है, 17वीं लोकसभा के चुनाव हैं और इसके लिए 443 सीटों के लिए चुनाव संपन्न किए गए। टोटल 500 कितनी सीटें हैं, हैं कितनी लोकसभा में टोटल सीटें, 552, लेकिन 552 में चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है 545 सीटों में जिनमें से दो तो एंग्लो इंडियन की हैं, है ना, तो बची 545, तो 543 है ना, 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। दो सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित रखी जाती है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यदि प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये स्पेशल पावर होती है कि उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रतिनिधित्व हो गया चुनाव के दौरान ही आगे तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो एक स्पेशल राइट दिया गया है। चलिए, तो 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न किया, 7 चरणों में ही हुए चुनाव ये, और इसके नतीजे आए थे 23 मई 2019 को, ठीक है, 23 मई 2019 को इसके नतीजे आए थे। नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे क्योंकि देश की सत्तारूढ़ पार्टी और बहुत बड़े स्तर पे है ना 303 सीटों पे पूर्ण बहुमत लेकर आई, जो कि आम तौर पे पिछले कुछ समयों से देख रहे थे हम कि विखंडित बहुमत की जगह अब देश की जनता पूर्ण बहुमत पे ज़्यादा विश्वास करने लगी है। पिछले पंचवर्षीय से लेके इस पंचवर्षीय तक जनता ने ये समझ लिया है कि यदि हम
केंद्र की सरकार को पूर्ण बहुमत देंगे तो डिसीजन लेने में आसानी होगी और काम बहुत कारगर तरीके से होंगे। तो पूर्ण बहुमत पाते हुए 303 सीटों में भाजपा, यदि टोटल एनडीए को देखें, है ना, पूरे गठबंधन को देखें भाजपा के, तो एनडीए की टोटल जो थी वो 353 सीटें थी, जिसमें और कांग्रेस को 52 सीटें मिली। कांग्रेस इस बार भी विपक्ष की योग्यता से रह गया, ठीक है, तो 52 सीटें, लेकिन फिर भी अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस के नेता बनाए गए। 52 सीटें जो है आपकी कांग्रेस की हैं। यूपीए को टोटल यूपीओ को मिला दें, यानी कांग्रेस का जो गठबंधन दल है उसको 91 सीटें मिली हैं, और जो अन्य दल हैं जैसे कि आपका महागठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, है ना, या फिर अदर के कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जो दल हैं उनको जो है 97 सीटें मिली थी। तो एनडीए को मिली थी 553, जिसमें भाजपा को 303 मिली हैं, है ना, एनडीए उसके सहयोगी दल मिला के एनडीए बनता है। यूपीए को 91 मिली थी, अन्य दलों को 97 मिली हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट प्रणाली का उपयोग किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप ऐसा करिए, एक बूथ की जगह एक विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों में कम से कम इसे लगाइए, ताकि वेरीफाइड किया जा सके कि वोटर ने, ये एक ऐसा प्रणाली है जब आप जाते हैं मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो मताधिकार का प्रयोग करते समय जिस आपने ईवीएम में जो बटन आपने दबाया, क्या वो बटन उसी के पास गई, उसके लिए आपको एक पर्ची स्लिप दिखाई देती है। वो स्लिप आपको मिलेगी नहीं, वैसे वो स्लिप वहां पे आपको मेंशन होगी, दिखाई देगी, शो करेगी, तो बीपी पैट के थ्रू इसको किया जाता है। तो इस बार जो है बड़े स्तर पे जो है बीबी पैट किया गया इसमें। अब बीबी पैट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। ईवीएम में स्लिप जनरेट करके प्रत्येक वोटर के रिकॉर्ड को सक्षम बनाने की प्रणाली है ये। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछता है फुल फॉर्म, कई बार पूछा है, वनडे एग्जाम वगैरह में ज़्यादा पूछ लेता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद बनी हैं, ठीक है, 78 महिला सांसद हैं इसमें, और ये 17% है, जो कि पहले से ज़्यादा है, ठीक है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा है, 17% है। सबसे युवा सांसद जो हैं ये चंद्राणी मुर्मू करके हैं, बीजू जनता दल के हैं ये, क्योंझर और उड़ीसा से चुन के आते हैं। ये 25 साल की उम्र है, सबसे युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू, ठीक है, परेशान मत होइए, सब चीज़ें आप इसको जब दोबारा देखेंगे सब आपको याद आएगा, बस सुनना है मुझे अच्छे से, ये ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के से चुन के आए हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता चुने गए हैं ये, है ना, हर पार्टी अपना एक नेता चुनती है ना, विपक्ष का नेता अलग बात है, पार्टी का नेता होना अलग बात है, ठीक है। विपक्ष का नेता होता है कि वो फिर पूरे के पूरे जितने भी दल जो सत्ता में नहीं है उस दल के साथ का वो एक लीडर बन के निकलता है और वो कैबिनेट स्तर की पावर रखता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो एलिजिबिलिटी नहीं रही तो अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस का नेता चुना गया है। जब नई नवेली लोकसभा चुन के आती है तो उसकी शपथ ग्रहण करने के लिए सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वीरेंद्र कुमार, याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर पूछेगा, वीरेंद्र कुमार जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, ये भी भाजपा के ही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बनाया गया, है ना, ये कोटा राजस्थान से, दक्षिणी कोटा से चुन के आते हैं, ओम बिरला जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैं जब देख रहा था मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया, शायद ये आपको एक आंकड़ा रोमांचकारी लगे, देश के पहले वोटर हैं श्याम शरण नेगी, ये हिमाचल प्रदेश से पहले वोटर, आज भी जिंदा हैं, इन्होंने पहली बार वोट डाला था 1952 में, और ये पहले वोटर, यानी पहली बार इन्होंने ही वोट डाला था, और आज भी जिंदा है, जब से जिंदा तब से अभी तक, कभी इनको जो है आप लोग एक बार सर्च करिएगा, देखिएगा, है ना। तो इन्होंने इस बार भी 2019 में भी इन्होंने वोट डाला, श्याम शरण नेगी देश के पहले वोटर थे, ठीक है। और इसके बाद जो है पहले आम चुनाव में भी इन्होंने वोट डाला था। 30 मई को शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, है ना, बिम्स्टेक जिसमें भारत जो है अगुवाई करता है, तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्र हैं उनसे जुड़ा हुआ एक संगठन है, बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था इसमें। एससीओ के अध्यक्ष को बुलाया गया था, किर्गिस्तान मॉरिशस के राष्ट्रपति को भी बुलाया गया था, और विधानसभा, इसी समय विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, ठीक है, इसी दौरान, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी पड़ जाते हैं तो करवा लिए जाते हैं, तो 4 जगहों पे विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार बनी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनी, चंद्रबाबू नायडू चले गए,
सिक्किम में पीएस गोले की सरकार बनी और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार बनी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है ये नए मुख्यमंत्री बने उस समय पे। ठीक है, चलो तो ये अलग मुद्दा है, आगे बढ़ते हैं। ये डेट याद रखिएगा, एक डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 14 फरवरी है ना, भारत में 14 फरवरी एक, आप लोग उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, 14 फरवरी को देश में एक बड़ा कायराना आतंकी हमला हुआ, फिदाहीन हमला हुआ, देश की सेना सीआरपीएफ में किया गया है ना, हमारे देश के जवानों का एक काफिला जब जा रहा था तो उस पर फिदाहीन हमला हुआ और एक ट्रक उड़ा दिया गया। 14 तारीख के आगे 13 दिन बाद जो है 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक की गई। ये डेट याद रखिएगा, एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को की गई। ये मैंने लिखा क्यों है, दरअसल अभी हुआ क्या, मनमोहन सिंह जी देश के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी हैं, लेकिन हमने कभी किसी को बताया नहीं। ये सरकार जबरदस्ती सबको बताती फिर रही है, कान कान में जाके बताया एयर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, हमने भी किया था। तो सेना सामने निकल के आ गई और सेना ने कहा नहीं, 2016 से पहले भारत में कभी एयर स्ट्राइक, कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। ठीक है, तो उस कारण से पूरा मुद्दा गहमा गहमी में था। बाकी एयर स्ट्राइक आपको डेट पूछी जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक की डेट बहुत पूछी गई है। उन्होंने कहा कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 9 सितंबर 2016 को, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, 29 सितंबर 2016 को, एक म्यांमार वाली जो सर्जिकल स्ट्राइक है उड़ी, यदि आपने देखा हो तो पहले म्यांमार में जाते हैं, वो भी एक सर्जिकल स्ट्राइक है ना। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, शल्यक प्रहार, यूपीएससी ने इसका अनुवाद किया था शल्यक प्रहार, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, आसान भाषा में होता कुछ नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक के अंतर्गत क्या होता है, एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जिसमें एक से अधिक सैन्य लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया जाता है, एक से ज्यादा टारगेट बनाए जाते हैं और उन टारगेट को भेदित करने के लिए टीमें बनाई जाती हैं, वो जा करके उस टारगेट को अपने अचीव करते हैं और तुरंत वापस लौट आते हैं, इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं आसान भाषा में, है ना, यही होता है आमतौर पे, चाहे तो उनको जो भी टारगेट वहां पे फिर वो, तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसमें एक से अधिक सैन्य लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया जाता है और उसके हमला करने के पश्चात सैन्य निकाय तुरंत वापस लौट आती है, इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, है ना। चूंकि वायुसेना ने किया तो इसको एयर स्ट्राइक नाम दे दिया, है ना, अभी इसको नौसेना करती तो वाटर स्ट्राइक नाम दे देते, तो ये तो चलता रहेगा। ये दो तीन डेटे याद रखिएगा, 26 फरवरी वाली लेटेस्ट एयर स्ट्राइक थी, अभिनंदन वर्धमान का नाम जानते हैं, वीर चक्र से सम्मानित भी इस बार अभी उन्हें किया गया है, है ना। तो और 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी आपकी, 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक टू है, वो वन नहीं है, पहली सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में हुई थी, ये सेना ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा है ना, आमतौर पे हम उसी को मानते हैं। सेना ने कहा कि पहली यदि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक कही जाए जिसमें हम लक्ष्यों को भेदने गए और वापस लौटे, वो 9 सितंबर 2016 को हुई थी, इसके अंतर्गत ये है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। और उन्होंने कहा इससे पहले 16 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने ऑफिशियली नहीं किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निर्वाचन आयोग ने मेघालय में एक यहाँ पे पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, फिर से सुनिए, मेघालय की एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री हैं कनराड के संगमा। ठीक है, इनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। कैसी पार्टी बना दी गई है, राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं कई स्तर की हो सकती हैं, राज्य स्तरीय पार्टी होती है, एलिजिबिलिटी बनाई जाती है उन सब के लिए, मैं पढ़ाऊंगा जब कभी पॉलिटी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग आपको सर्टिफिकेट देता है कि आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं या राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो ये जो आपकी मेघालय के मुख्यमंत्री के कर्नाल्ड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब टोटल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है, 8। ठीक है, 8 पार्टियां हो गई हैं जो राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में जानी जाती हैं, बाकी क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा ने एक अभियान चालू किया है, यदि इस ऑपरेशन को मैं सीधा सीधा नाम लूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर को सुन के ऐसा लगता है कोई जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का होगा, नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट का नहीं है। आमतौर पे आप देखते हैं
कि आप जैसे अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाएं या किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाएं तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े खड़े टिकट 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 ऐसे चिल्लाते रहते हैं, है ना। वो टिकटों की काला बाजारी करते हैं। आपको राजधानी का टिकट चाहिए, किसी का भी चाहिए, खड़े खड़े आपको दे देंगे टिकट। तो ये टिकटों की काला बाजारी खत्म हो सके उसको लेकर रेलवे के RPF ने, ये एक रेलवे सुरक्षा बल ने बृहद स्तर पर टिकट दलालों को पकड़ने का अभियान चालू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर। किससे जुड़ा हुआ ऑपरेशन थंडर? रेलवे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेलवे में टिकटों की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है। तो ये अभियान चल रहा है बड़े स्तर पे। यदि आप वहाँ जाके टिकट 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 पकड़े गए और आप लेते पकड़े गए, दोनों पकड़े जाओगे, ठीक है। तो इसलिए उनसे सावधान रहिएगा। अगला है, ये एक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बनाया जा रहा है ना। एक यूनिवर्सिटी है ये, और ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है, रेलवे यूनिवर्सिटी, है ना। अभी तक ऐसा नहीं था, इनिशिएटिव नहीं किया गया था। ये बड़ोदरा में बनाया जा रहा है, गुजरात में है, ठीक है। बड़ोदरा, ये यहाँ से प्रधानमंत्री जी चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन उस सीट को छोड़ देते हैं जीतने के बाद। क्यों? बनारस गंगा मैया ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये बड़ोदरा से जो है यहाँ पे एक संस्थान बन रहा है जिसको राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। यह राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान यानी एक ये इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी का भी काम करेगा। अगला, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा मुझको ऐसा लगा क्योंकि मैंने देखा इसे, भारत का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबा लगा, मुझे लगा कि ये जो छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले मान लो, क्योंकि अभी चर्चा में रहा है। तो एक रेलवे स्टेशन है साउथ का, ये साउथ ही में हो सकते हैं इतने लंबे लंबे नाम। तो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का नाम है जिसका नाम है पुरातची थलाईवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। MG रामचंद्रन तो आप जानते हैं नाम ही। तो ये 57 अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट आते हैं इसमें। ये देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है, ठीक है। तो MG रामचंद्रन याद रखिएगा, ठीक है। आगे, नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं। 26 जुलाई 2019 को कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। 26 जुलाई 2019 में है हम लोग, 1999 में कारगिल में, कारगिल को लेकर के ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उसके 20 साल पूरे हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सैन्य स्मारक भी बन चुका है, है ना, राष्ट्रीय सैन्य स्मारक। ये इसकी नींव पड़ी 2015 में जो है, ये तो है बहुत पहले से कि राष्ट्रीय सैन्य स्मारक बनना है, लेकिन इसको जो कार्य योजना के रूप में लाया गया 2015 में लाया गया, है ना। 2015 में हमने 50 साल पूरे किए थे भारत पाकिस्तान युद्ध के, है ना, 50 साल पूरे हुए थे। और उसमें ही, चूँकि वो उस दौरान मैं भी गया था, यहाँ पे बड़े स्तर पे प्रदर्शनी लगी हुई थी इंडिया गेट के पास, वहीं पर जो है घोषणा हुई थी और वहीं पर ही वो बनाया गया है। बहुत अच्छा है, जा सकते हैं, कभी भी खाली टाइम मिले तो घूमने भी जाना चाहिए आपको। इस पर अभी मैं चर्चा भी करूँगा। तो 26 जुलाई 2019 को कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय में कि अभी विजय 20वीं विजय गांठ मनाई गई है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला, नेक्स्ट, 18 जुलाई 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने दो प्रोग्राम चालू किए हैं। पहला प्रोग्राम है दीक्षारंभ और दूसरा प्रोग्राम है परामर्श। दो योजनाएं चालू की हैं इन्होंने। पहला प्रोग्राम है दीक्षारंभ, दीक्षा, अब चूंकि ये संस्कृत के विद्वान व्यक्ति हैं तो ऐसे ही नाम अब रखेंगे ये। तो दीक्षारंभ एक इन्होंने प्रोग्राम चालू किया, दूसरा परामर्श। दीक्षारंभ का मतलब है कि यदि आप किसी विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको समग्र जानकारी बताई जाए कि यहाँ पे कौन पढ़ पढ़ के गया है, इसी यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, है ना। तो युवाओं को, छात्रों को जब स्नातक स्तर पर कहीं पर एडमिशन लिया जाएगा तो सरकार आपको क्या है पूरी जानकारी देगी उस विश्वविद्यालय की, उसके महत्व को बताएगी आपको। तो इसको दीक्षारंभ के नाम से ये प्रोग्राम चालू किया गया है। दीक्षारंभ के तहत छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के साथ ही उसकी समग्र जानकारी उन्हें बताई जाएगी, जैसे उसकी रैंक क्या है भारत में उस विश्वविद्यालय में जिसमें वो पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और क्या क्या उसको मिला गया है। दूसरा है परामर्श योजना। परामर्श योजना शिक्षकों के लिए बनाई गई है ताकि शिक्षण संस्थानों को गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके, है ना। शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए UGC के तत्वाधान में परामर्श योजना चलाई जा रही है। तो ये दो योजनाएं हैं, पहला है दीक्षारंभ और दूसरी है परामर्श योजना, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट, करतारपुर कॉरिडोर ये चर्चा में ही रहेगा, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो, है ना, आए दिन इसकी चर्चा होती रहेगी। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है ये भारत के पंजाब प्रांत में गुरदासपुर एक जगह है, है ना, भारत के पंजाब प्रांत में गुरदासपुर में डेरा बाबा नामक स्थान से ये कॉरिडोर चालू होता है और पाकिस्तान के करतारपुर तक जाता है। दो जगह हैं, पहला है आपका, मैंने पहली जगह का नाम बताया बाबा डेरा बाबा, ठीक है, दूसरी जगह मैंने आपको करतारपुर बताया। ये दरअसल सिख धर्म के लिए एक तीर्थ स्थान की तरह है क्योंकि गुरु नानक देव के जीवन से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों जो साइट्स हैं। डेरा बाबा में गुरु नानक जी ने अपने जीवन का बहुत समय वहाँ पर व्यतीत किया है, और जो ये दूसरी जगह है जिसको करतारपुर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर करतारपुर को ये पूरा का पूरा एक कॉरिडोर डेवलप किया गया है ताकि बिना वीजा के वो जा सकें वहाँ पर, आपस में वीजा ना लेना पड़े उनको, और अपनी जो है उनके जो श्रद्धा है जो अपनी वो उनके उसको जा कर के वहाँ पर पूर्ण कर सके। तो भारत के पंजाब प्रांत में गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से शुरू होती है ये, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल में करतारपुर को ये जोड़ता है पूरा कॉरिडोर। करतारपुर में स्थित ये जो कॉरिडोर है ये गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, और करतारपुर में ही गुरु नानक जी ने अपना काफ़ी समय व्यतीत करते हुए 1539 AD में अपना शरीर त्याग दिया था, वहीं पर उनके जीवन का देवासान हो गया था, है ना। तो लंबे समय तक रहे थे और सिख धर्म के लिए ये तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थल है जहाँ पर बिना वीजा के आपस में आ जा सके। तो भारत पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर है। अभी चर्चा में इसलिए थी क्योंकि पंजाब प्रांत के गवर्नर ने वहाँ पर बड़े स्तर पर, चूँकि कॉरिडोर बनना है तो भूमि चाहिए उसके लिए, तो भूमि का आवंटन करवाया था, बस इसलिए ये बहुत चर्चा में है। ये आमतौर पर आता रहेगा, करतारपुर कॉरिडोर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आमतौर पर ये सुनाई देगा और भारत पाकिस्तान रिलेशन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है, है ना, जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजना है एक ही उद्देश्य से बनाई जाती हैं। पहला उद्देश्य होता है कि बाढ़ की समस्या से समाधान हो, वहाँ पे डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े। तो अभी ये परियोजना तो बहुत पुरानी परियोजना है लेकिन अभी इसमें री इन्वेस्टमेंट किया गया है, फिर से पैसा लगाया गया है इस परियोजना में, और 16 जुलाई 2019 में इसमें पुनः निवेश करते हुए 1600 करोड़ रुपये लगाया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एक बांध बनाया जा रहा है, गुरुत्व बांध है, कंक्रीट से बन रहा है, और ये बांध भारत का सबसे ऊँचा बांध होगा जब ये बन जाएगा। अभी कौन सा है, टिहरी गढ़वाल, है ना, अभी सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी गढ़वाल है, लेकिन आने वाले समय में आपका सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे बनने वाला है दिबांग में। अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, जब पूर्ण होगा तो ये सबसे बड़ा बनेगा। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नीति आयोग कॉपरेटिव फेडरलिज्म के लिए काम करती है, सहकारी संघवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरी है। तो इसने एक ये स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट का एक संस्करण इन्होंने जारी किया 25 जून 2019 को, और इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने बताया है, इसमें तहत जो राज्य हैं, राज्यों में लगातार जो प्रोग्रेस हो रही है उस प्रोग्रेस के आधार पर उनको रैंक प्रदान करना, दो कैटेगरी बना दी गई हैं, छोटे राज्यों की अलग, बड़े राज्यों की अलग। बड़े राज्यों की प्रोग्रेस के आधार पे, वहाँ पर प्रगतिशीलता के आधार पे अलग तरीके से उन्हें रैंक देना, और छोटे राज्यों को अलग तरीके से रैंक देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बढ़ेगी और एक दूसरे से बेहतर बनने की भावना बनेगी। तो ये कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव नीति आयोग के द्वारा लिया गया है। तो अभी इसकी रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट आपकी फरवरी में आई थी, और 25 जून 2019 को इसकी दूसरी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत क्या किया गया है, जो भी राज्य हैं बड़े राज्यों में, केरल को, केरल जानते हैं नाम ही से समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारे देश का फिनलैंड है, केरल, जैसे कोई चीज़ होते हैं हाँ सबसे आगे यही होगा। तो बड़े राज्यों में केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनको समग्र प्रदर्शन के आधार पे शीर्ष रैंक मिली है, सबसे ऊपर की रैंक इन्हें मिली है, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और, ठीक, इसके आधार पे। इसके बाद हरियाणा,
राजस्थान और झारखंड को वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोग्रेस तेजी से कर रहे हैं, इनको भी शीर्ष आधार पर दिया गया। कई कैटेगरी बनी हुई हैं, एक है समग्र प्रदर्शन के आधार पर, एक है वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर। तो वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर हरियाणा को नंबर एक मिला है और समग्र प्रदर्शन के आधार पर केरल को अलग मिला। ठीक है, ये है बड़े राज्यों के। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर मिजोरम को मिला है, समग्र प्रदर्शन के आधार पर मिजोरम को मिला है, और वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर त्रिपुरा को मिला है। चार मैंने स्टेटों के नाम बता दिए। पहला है बड़े स्टेट, छोटे स्टेट, दो कैटेगरी बांटो, बड़े स्टेट और छोटे स्टेट। बड़े स्टेट में दो कैटेगरी बांटो, समग्र प्रदर्शन के आधार पर और वार्षिक वृद्धिशील के आधार पर। समग्र के आधार पर बड़े स्टेट में केरला है ना, और यहाँ पे है ना, वार्षिक में आपका हरियाणा है। इसके बाद यहाँ पे छोटे में जाएंगे तो आपका समग्र में मिजोरम है और वार्षिक में त्रिपुरा है। ये इसका नाम है, इस रिपोर्ट का नाम है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट। राज्य स्वस्थ होंगे और उससे भारत का प्रगतिशीलता बढ़ेगी, उसी से ये पूरा बनाया गया है और इससे इसका बेनिफिट धीरे धीरे देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मनरेगा। मनरेगा से ऐसे काम किए जाते हैं जिससे मानव का जीवन प्रभावित हो, लेकिन अब सिर्फ मानव का जीवन प्रभावित नहीं होगा, अब एक गैर मानव का भी जीवन प्रभावित होगा। पहला जीव बना है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर का भी अब मनरेगा के तहत प्रभावित होने वाला, उसके जीवन को प्रभावित करने वाला पहला गैर मानव बना है। तो गोल्डन लंगूर क्या है, पूरा गोल्डन लंगूर को मनरेगा से प्रथम गैर मानव लाभार्थी के रूप में घोषित किया गया है। दरअसल है क्या, पूरा प्रसंग क्या है, 5 जून 2019 को असम के बोगाई गांव में मनरेगा को क्या कर दिया गया है, बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। अब मनरेगा वाले महज सड़क नहीं बनाएंगे, मिट्टी नहीं, अब पेड़ पौधे लगाएंगे बड़े स्तर पर। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो जंगली क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र, ये सब बढ़ेगा, और उससे गोल्डन लंगूर जो वहाँ पाए जाने वाली प्रजाति है उसकी आवासीय सुविधा बढ़ेगी, उसकी भोजन की तलाश बढ़ेगी, और भोजन की तलाश के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से उसकी मौतों को भी पता लगाया जा सकेगा। तो पहला गोल्डन लंगूर एक ऐसा जानवर बना है जो कि मनरेगा के तहत प्रभावित होगा, लाभ प्राप्त करेगा। समझ पा रहे हैं, है ना, मनरेगा तो जानते ही हैं, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, हाँ, तो ये इसके माध्यम से जो है अब गोल्डन लंगूर को भी जोड़ दिया गया, तो ये पूछा जा सकता है आमतौर पे, है ना। अगला नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इस पे तो मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा किसी दिन, इस पे मैं पूरा का पूरा एक क्लास लूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ बातों की चर्चा करूंगा और इस पे मैं कुछ अपने सुझाव भी दूंगा जो मुझे इस पे अच्छे लगे, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बड़े मुद्दे चल रहे हैं इसमें, लैंग्वेज को लेकर मुद्दा चल रहा है, एक त्रिभाषा सूत्र करके मुद्दा निकल के आ रहा है ना, हिंदी को क्या किया गया, थोपना चालू कर दिया गया। इसके तहत ऐसा कहना है उन स्टेटों का जहाँ पे हिंदी नहीं है, तमिलनाडु जैसे स्टेटों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के तहत आप हमारे ऊपर आप भाषाओं को लाद रहे हैं, आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। दरअसल त्रिभाषा सूत्र का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, ठीक है। पहली एक वैश्विक लैंग्वेज सीखनी होगी, वैश्विक लैंग्वेज क्या है, क्या है, इंग्लिश सीखनी चाहिए आपको। साउथ ने कहा हाँ हमारी, हमें तो अच्छी इंग्लिश आती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप आपको एक राष्ट्रीय भाषा सीखनी पड़ेगी, राष्ट्रीय भाषा किसे बता दिया गया, हिंदी, यहीं पे विरोध की जड़ थी, ठीक है। और आप एक स्थानीय भाषा सीख सकते हैं जो आपकी हो, ठीक है, तो स्थानीय भाषा तो उनकी ठीक है, उनको तमिल, लेकिन राष्ट्रीय भाषा के रूप में आप हिंदी कैसे थोप दिया, है ना। संविधान में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो इसको लेके तमिलनाडु में और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी बातें निकल के आई, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र कार्यक्रम मैं अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019 में आई है, इसकी अध्यक्षता की है के कस्तूरी रंगन जी ने, ये याद रखिएगा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली ये समिति थी, इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा इनको प्रस्तुत करना था और इन्होंने प्रस्तुत भी किया। ये क्या कर चाहती है, ये जब ये पूरा मसौदा का मैं सिर्फ सार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस नीति के तहत भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गई है, है ना, भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गई है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेगी, देश को एक न्याय संगत और जीवंत समाज में लगातार बदलने में योगदान प्रदान करेगी। कुछ ऐसी शिक्षा नीति हमें बनानी है,
ठीक है, उसको लेके विभिन्न पाठ्यक्रमों को हमें पुनरावलोकन करना है। तो अभी इस प्रक्रिया में इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको जो इसमें समझने वाली बातें हैं, पहली चीज़ ये डेट याद रखिए 31 मई 2019, दूसरा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने ये पूरी नीति वो की, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत सारे डेटा है इसमें और इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे क्लास में कि क्या होना चाहिए हमारे देश की आगामी शिक्षा नीति। वैसे इसमें बहुत प्रगतिशीलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार ने अभी बहुत सारे विद्यालयों को सभी को ये कहा था कि आप एक थिंक टैंक के रूप में इसमें विचार करिए और जो आवश्यक सुझाव भेजिए, है ना। तो हम भी इस पर डिस्कस जरूर करेंगे। आगे चलते हैं, अभी यहीं पर कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम और है, इस पर और चर्चा कर लेते हैं। एक मुद्दा है आपका, प्रधानमंत्री जी ने एक जो राष्ट्रीय समर स्मारक है जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, 25 फरवरी 2019 को देश के पहले राष्ट्रीय सामरिक जो स्मारक है, जो आपका इंडिया गेट के जस्ट बगल में बनाया गया है, है ना, उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ये दिल्ली के सी हेक्सोमन या इंडिया गेट के पूर्व में स्थित छतरी के आसपास ये बनाया गया है। और स्मारक को बनाने वाले का नाम है, यानी कि इसके जो वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है, ये चेन्नई के हैं। इनका नाम है योगेश चंद्र हासन। एक एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन हालिया समय में पूछा गया था, तो मैंने इसे भी डाल दिया, ठीक है। चेन्नई के हैं योगेश चंद्र हासन। कहाँ पर है ये स्मारक? देखो, इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत अच्छे से जो हमारे देश के जो जवान हैं उनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई गई, दिखाई गई हैं, उनके मूर्तियां लगाई गई हैं जो शहीद हुए हैं, और बहुत अच्छा बनाया गया है। कभी आप जाइए उसको देख के आइए, ठीक है। कभी मैं भी जाके मैं उस पर तो पूरी पूरी एक क्लास ही बनाऊँगा, तभी मेरा दिल भरेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय स्मारक का, ये याद रखिएगा। अगला है एक राष्ट्र एक कार्ड। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अलग मुद्दा है, ये एक राष्ट्र एक कार्ड का मुद्दा है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दुनिया भर के कार्ड यूज करते हो। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब आप एक राष्ट्र एक कार्ड, है ना, उसके तहत कह रहे हैं 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री जी द्वारा अहमदाबाद में परिवहन गतिशीलता हेतु स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ किया गया है। देश में ही ये बना है कार्ड। इस कार्ड के तहत आप बहुत सारे कार्य कर सकेंगे, जैसे कि आपको बस में यात्रा करनी है, मेट्रो में यात्रा करनी है, वो कार्ड ही काम करेगा। आपको अलग अलग स्मार्ट कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। या फिर आपको पार्किंग शुल्क भरनी है, या फिर आपको कुछ खरीदारी करनी है, या फिर आपको पैसा निकालना है, कुछ भी करना है एक ही कार्ड से करो। तो एक राष्ट्र एक कार्ड की परिकल्पना डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ावा देगी और हमें आसान बनाएगी, हम 50 कार्डों से बचेंगे, इसको लेकर ये बेहतर करेगी। तो ये भी बैंकों द्वारा जारी किया जाएगा और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड की तरह ये भी होगा, ठीक है। तो एक राष्ट्र एक कार्ड जो है ये 4 मार्च 2019 को इसे जारी किया गया। निष्ठा कार्यक्रम, ये भी कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, निष्ठा कार्यक्रम। और ये अध्यापकों को शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम कार्य करेगा, ठीक है। तो अभी ये भी संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, वंदे मातरम एक्सप्रेस के बारे में आपने सुना है, ट्रेन 18 भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम इसका ट्रेन 18। जानी किस लिए जा रही है? शताब्दी ट्रेनों के हिसाब से जो गतियां शताब्दी ट्रेनों की थी उससे ज़्यादा गति होगी, उसको रिप्लेस करेगी आने वाले समय में ये ट्रेन। और ये जो है बहुत हाईटेक ट्रेन है, है ना। और इसमें जो है इसको 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली से वाराणसी के मध्य जो है वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से, इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। निर्माण इसका चेन्नई में हुआ है ना। चेन्नई में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है, वहाँ पर ये पूरी बनी है ट्रेन, और 160 किलोमीटर प्रति घंटा के नाम इसके हिसाब से चल सकती है। आप चाहें तो आप इस पर सफ़र कर सकते हैं, है ना। ये अभी संचालित है ट्रेन आपकी, दिल्ली से वाराणसी ये आती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में एक है, और धीरे धीरे अभी ट्रेन 20 का भी अभी चल रहा है कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, राम जन्मभूमि विवाद। इस समय बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे, आमतौर पे बहुत ज़्यादा आप इस समय आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और इस पर डिस्कशन भी चल रहा है। और रंजन गोगोई जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के सक्रिय दिख रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चाहते हैं कि 18 अक्टूबर से पहले ही जितनी भी समस्त कार्यवाहियाँ हैं इसकी सुन ली जाएँ और इस पर डिसीजन आ जाए। उन्होंने ये भी कहा बड़े उत्सुकतापूर्वक कि ये पहला केस होगा जिसमें कुछ ही हफ्तों में इस पर हम सुनवाई करके इस पर डिसीजन देने वाले हैं, है ना। तो रोजाना सुनवाई इसकी चल रही है। दरअसल पहले क्या किया, पहले ये पूरा मुद्दा जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दो धर्मों के बीच में, है ना, दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो एक
धार्मिक समुदाय मानता है कि उनके जो है जो हमारे जो, अब देखो इन चीज़ों को आप लोग अन्यथा ना लें, इन चीज़ों पे जब भी डिस्कशन होगा तो इसमें बहुत सेकुलर होकर के आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप यदि किसी भी धर्म समुदाय से आप रखते भी हैं, आस्था रखते हैं, तो उस आस्था को एक तरफ रख के इस पर चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हिंदू समुदाय ये मानता है कि श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ उनका जन्म हुआ है। 1930 में जब बाबर था, उसका सेनापति मीर बाकिर ने उसको गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया, और तब से वो मस्जिद बन गए लोग, ठीक है। वो पूरा मुद्दा है, उस पर पूरी कहानी है, मैं उस कहानी को यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कार सेवकों के द्वारा 6 दिसंबर 1992 में उसको ढहा दिया गया है ना, उस पूरे विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। दरअसल पूरा का पूरा यदि मामला देखें तो 2.87 एकड़ जमीन है जो विवादित है और कुछ नहीं। उसको लेकर के 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था, जिसमें सुन्नी वफ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा, ये तीन पक्षकार हैं। तीनों पक्षकारों के बीच में पूरी संपत्ति को उन्होंने तीन भागों में बांट दिया था, ठीक है। जिसको लेकर ये तीनों जो संगठन हैं, इन तीनों भी सहमत नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि पहले मध्यस्थता पैनल के माध्यम से मामला सुलट जाएगा, लेकिन मामला नहीं सुलटा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक मध्यस्थता पैनल भी बनाया था। और मध्यस्थता पैनल में तीन लोग थे, पहले थे इसके चेयरमैन जो थे वो जस्टिस थे इब्राहिम खलीफुल्ला जी, ठीक है, और श्री श्री रविशंकर जी को आप जानते ही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से हैं, और श्री राम पंचू, ये सीनियर वकील हैं। तो तीन लोगों को मिल करके एक मध्यस्थता पैनल बनाया गया, जिसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं निकला, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया 25 जुलाई 2019 से कि वो डेली अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की भाषा के हिसाब से डेली सुनवाई का मतलब होता है तीन दिन सुनवाई, ठीक है, तीन दिन सुनवाई। मैं उस पर कभी बताऊँगा कि तीन दिन कैसे होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला है और ये बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। इस पर जो है अब देखिए, बहुत जल्द डिसीजन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं विधिक मामलों में। भारत में ये हमेशा से होता रहा है, हमारे यहाँ का जो लॉ सिस्टम है वो हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का है ना। और संविधान में कहा भी गया है कि हम आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी भी तरीके से धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पे, लिंग का मतलब है महिला पुरुष के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। और राज्य यदि भेदभाव करेगा तो भेदभाव सकारात्मक होगा। सकारात्मक भेदभाव के अंतर्गत ही रिजर्वेशन सिस्टम आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पर ट्रिपल तलाक की एक बड़ी समस्या थी। ट्रिपल तलाक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिपल तलाक को बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। ये ट्रिपल तलाक विधेयक पारित किया गया, बहुत जल्द पारित हुआ ये विधेयक। लोकसभा से 25 जुलाई को पारित हुआ, राज्यसभा से 30 जुलाई को पारित हुआ। ये पारित हुआ लेकिन इससे पहले से ये काम कर रहा था, क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के रूप में था। आपको ये पता है कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कोई सदन एक ना चल रहा हो या दोनों सदन ना चल रहे हो, तो राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से देश की आवश्यकताओं और जरूरतों को समझते हुए कानून बना सकते हैं। तो दो ऑर्डिनेंस इसमें लाए गए थे, पहला ऑर्डिनेंस सेप्टेम्बर में आया था और दूसरा ऑर्डिनेंस आपका फरवरी में आया था, है ना। और बाद में जो है इसको पारित कर दिया गया आपका, ये ऑर्डिनेंस 25 जुलाई 2019 को पारित हो गया और ये राष्ट्रपति की सहमति इसको बहुत जल्द मिल गई और ये जो है आज समय लागू भी है। ट्रिपल तलाक से मतलब क्या, इस अधिनियम में ट्रिपल तलाक का मतलब क्या दिया गया है? देखो, तलाक ए सुन्नत अलग चीज है, तलाक ए विद्दत अलग चीज है। इसमें तलाक ए विद्दत को अवैध घोषित किया गया है, ठीक है। अहसन हसन जो है उस पर कभी चर्चा करेंगे हम। तो यहां पे तलाक का मतलब यह है, दरअसल तलाक ए सुन्नत में यह होता है कि तलाक यदि दिया गया, मान लीजिए एक बार बोला गया, तो उसके बाद एक समयावधि ली जाती है और वो जरूरी नहीं कि वो प्रभावी हो, कुछ समय उसको खत्म भी किया जा सकता है, फिर दूसरा तलाक होगा, फिर कुछ समय बाद तीसरा होगा। लेकिन यहां पे क्या मुद्दा है कि बस अभी मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया, तलाक 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 खत्म, बात है ना, और फिर वो वापस नहीं हो सकता है। तो ऐसे तलाक को इलीगल घोषित किया गया है, तलाक विद्दत को, है ना। इसको समझते हैं, मैं इसकी परिभाषा बहुत आसान भाषा में लिखता हूं। तलाक का अभिप्राय तलाक विद्दत या तलाक के किसी अन्य रूप से जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है और उस तलाक को पलट नहीं सकता, यदि उसने तलाक दे दिया और उसको वापस नहीं ले पा रहा, ऐसे तलाकों को क्या कर दिया गया है, इलीगल कर दिया गया है। यदि कोई ऐसा तलाक देने वाला पुरुष पकड़ा जाता है तो 3 साल की कारागार सजा प्लस जुर्माना होगा उसको,
ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं को सोशल जस्टिस प्रदान करने के लिए ये बिल लाया गया और ये बिल अब प्रभावी है। ट्रिपल तलाक विधेयक, ध्यान रखिएगा क्या है, तलाक विद्वत। ठीक, नेक्स्ट अगला है आपका मोटर वाहन संशोधित विधेयक। खूब सुन रहे हैं आप, 2.5 लाख का जुर्माना लग रहा है, 85,000 का जुर्माना लग रहा है ना, लगातार ये पूरी आप डेली कुछ ना कुछ सुनते हैं। तो दिक्कत ये है, बात ये नहीं है, इसका अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि जितने भी हादसे होते हैं उन हादसों में बारंबारता में न्यूनता लाई जाए, लोग जो है रूल एंड रेगुलेशन से चलें। दरअसल होता अभी तक क्या था, जुर्माना इतना कम था कि 100-200 रुपए में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और आप बहुत बेपरवाह थे अपनी ज़िंदगी के लिए, और अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बेपरवाह थे आप दूसरे की ज़िंदगी के लिए बेपरवाह थे। जो भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते वो अपना जीवन नहीं परेशान करते, अपना तो करते ही हैं, अपना तो जाते हैं लेकिन अपने साथ किसी और के जीवन को भी परेशान कर देते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है ना, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। ये 15 जुलाई को ये विधेयक जो है, 24 जून को तो मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिली और 15 जुलाई को इसको जो है बिल को भेज दिया गया। और इस बिल का नाम था, ये बिल क्या करेगा काम, क्या रोड सेफ्टी और हादसों की संख्या में कमी लाने का काम करेगा। और इसको कमी कैसे लाई जाएगी, भारी जुर्माना है इसमें, भारी जुर्माना प्लस सजा की दी गई है। बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, हेलमेट लगाने पे क्या नहीं मिलेगा, बिना डीएल के चलोगे तो क्या होगा, कागज़ नहीं रखोगे तो क्या होगा, मैं आपको एक दो चीज़ें जैसे बता देता हूँ। जैसे कि कोई कार निर्माता कंपनी है जो कार बनाती है, शायद ये नहीं जानते हो, यदि कोई कार निर्माता कंपनी है और कार बनाने में यदि किसी प्रकार की अनियमितता का बरतती है तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया, कितना, 100 करोड़ रुपए। या तो 100 करोड़ रुपए जुर्माना भरे यदि किसी भी प्रकार की कार की मानकों को वो पूरा नहीं करता है तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा या 1 साल की सजा जाएगा। तो जो सजा पहले चला जाएगा, सोचेगा 100 करोड़ तो मैं कमा नहीं पाऊंगा 1 साल में, है ना। तो यहाँ पे ये एक बहुत सख्त बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, कंपनी निर्माताओं के लिए भी एक कानून है। इसके अलावा इसमें ये बनाया गया है कि यदि आप हिट एंड रन करते हैं, किसी को हिट करके भाग जाते हैं, है ना, तो उसमें आपको सजा भी मिलेगी और साथ साथ आपको 2 लाख रुपए, यदि मर जाता है वो व्यक्ति हिट एंड रन करने के बाद तो 2 लाख रुपए आपको जिसको लगेगा भी और सजा तो होगी ही होगी। यदि हिट एंड रन करने के बाद उसको किसी प्रकार का शरीर में उसके विकलांगता आ जाती है या चोटिल हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो 50,000 रुपए देना पड़ेगा, पर साथ में सजा भी करनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत प्रभावी कानून है, हिट एंड रन, हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन रन नहीं करना, उतर के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, है ना। रन किए यदि पकड़े गए, सलमान खान से पूछे बताएगा वो, तो 1 साल हिट एंड रन का मामला जो है इसमें बहुत ये भी सख्त बनाया गया है आपका पूरा का पूरा मामला। एक चीज और है, यदि आप नाबालिग हैं और धोखे से पापा की गाड़ी को चालू कर दिया आपने और ले गए, तो पापा तो गए, पहले तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा लर्निंग, लाइसेंस 25 साल की उम्र तक अब आपका नहीं बनेगा। दूसरा, पापा के 25,000 रुपए गए, ठीक है, 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा और ये भी हो सकता है कि आपके पापा को जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो सारे प्रावधान इसमें भी किए गए, बहुत सख्त है ये कानून और इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है, आप देखिए जा करके, ठीक है। लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है, पुलिस नहीं हो तो लोग कुछ नहीं करने, पुलिस के प्रभाव में या फिर जैसे भी, अब लोग कम से कम धीरे धीरे सुधर रहे हैं, 1 साल बाद मुझे लगता है सब सुधर जाएंगे। मैं भी थोड़ा विरोधी था लेकिन अब मैं अच्छा हो गया हूँ इस बिल को लेकर, ठीक है। अगला नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सरकार बहुत फास्ट काम करती है, इसी में देखिएगा कितनी जल्दबाजी दिखाई इन्होंने। राज्यसभा में प्रस्तुत किया, पहले तो माहौल बनाया, दूसरा कुछ बता के, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, ठीक है, बताया आतंकवादी आए थे, सेना ने कहा हमने उनको मारा, ये दिखाया, वीडियो वीडियो जारी किया, धोखे से पता चला 5 तारीख को बिल पारित पहुंच गया, 5 ही को पारित भी हो गया, राज्यसभा में 5 को किया, 5 को पारित कराया, लोकसभा में 6 को किया, 6 को पारित कराया और राष्ट्रपति को पकड़ा दिया, 9 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, बिल पारित, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से अप्रभावी,
जितना विशेष राज्य जो भी था खत्म, अब जम्मू कश्मीर दो भागों में बांट दिया गया है, दोनों यूटी के रूप में रहेंगे। एक यूटी को पावर यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख रीजन को, जम्मू कश्मीर को विधानसभा दे दी गई और लद्दाख रीजन को यूटी के रूप में वहां पर प्रशासक बैठा करके पूरा प्रशासन चलाना है। वहां पर अभी कमेटी बना दी गई है जिनका काम है कि उसकी उसके संसाधनों का आवंटन करना, वहां पर कमेटी का काम है कि वहां पर प्रशासन तंत्र विकसित करना, उसकी रिपोर्टें आ रही हैं। 31 अक्टूबर को इसको लागू करना है पूरी तरीके से, तो 31 अक्टूबर बहुत जल्द आने वाली है, एक महीना ही बचा है, 31 अक्टूबर से ये बिल वहां लागू हो जाएगा और प्रभावी रूप से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस बिल से अनुच्छेद 370 और 35 से गए। ठीक, आगे नेक्स्ट अगला है, ये आपका एक बिल आया है एनआईए को लेकर के, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इस पे अभी क्वेश्चन भी आया था, है ना। एनआईए को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब देखो इनके बहुत सारे राइट्स हैं, मैं सारे नहीं लिख सकता हूँ, मैं बिल लिखने लग जाऊँगा तो मुझे बहुत, है ना, तो मैंने सार लिखा है, पूरा सार तत्व तो लिखा है कि दो लाइनों में आपको पूरा बिल समझ में आ जाए। ठीक है, तो एनआईए एक बहुत ही प्रभावी जांच संस्था है, देश में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को लेकर के जो भी घटनाएं होती हैं उनकी जांच करती है, खासकर आतंकवादी घटनाओं के लिए ही इसे बनाया गया है, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को, है ना। अब इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। अभी आपने देखा कि श्रीलंका में जब पूरा मुद्दा था, श्रीलंका में ईस्टर में जो हमला हुआ उसमें एनआईए गई जाँच करने, पता है आप लोगों को, है ना, एनआईए गई जांच करने। तो अब इसको क्या किया गया, बहुत सारे स्पेशल पावर दी गई हैं एनआईए को। सबसे पहला काम एनआईए को ये किया गया है कि जो भी कानून भारत में है, इस भारत के कानून के तहत इसको संशोधन करके कि इसके तहत एनआईए बाहर भी जा करके कहीं भी जांच कर सकती है, यानी देश के अंदर तो करेगी ही, बाहर भी जाकर जांच कर सकती है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ दिया गया जिनकी जांच एनआईए के द्वारा ही की जाएगी, वो बहुत सारे चीज़ों को इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एक ये आपका बिल है, इंपॉर्टेंट बिल है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस वगैरह में, यूपीएससी भी सीरियस ले रहा है, एग्जाम में आ सकते हैं। बिल बहुत सारे थे लेकिन मैं सारे नहीं ले पाया, जितने लिया है मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनको ज़्यादा लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट है, आपके सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या जो है, जो जस्टिस होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस तो एक ही होगा, है ना, अभी के हिसाब से चीफ जस्टिस एक ही है, मुख्य न्यायाधीश, है ना, और जो न्यायाधीशों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, अमेंडमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं, अभी फिर अमेंडमेंट हुआ है, अब कितनी हो गई, है ना, 33 हो गई है, न्यायाधीश 33 होंगे, 30 से 33 कर दिए गए हैं, चीफ जस्टिस को अलग रखिए ना, है ना, टोटल मिला के 34 हो गए हैं, पहले 31 थे, टोटल मिला के अब 34 हो गए हैं पहले। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होती, अब ये बढ़ाने की जरूरत इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार लगातार बढ़ता जा रहा है ना, और इस पे तो और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खंडपीठें स्थापित करे, है ना, एक खंडपीठ जो है साउथ में कम से कम होनी चाहिए, एक जो है पूर्वी भारत में होनी चाहिए, ताकि लोग वहाँ के, अब वहाँ के जो तमिलनाडु के व्यक्ति को न्याय चाहिए वो दिल्ली क्यों आए, उसके लिए तो न्याय महंगा पड़ जा रहा है ना, ऐसे तो आ नहीं जाएगा कि विलुप्त होके आ गया। तो न्याय प्रणाली सस्ती हो, सबकी पहुंच आसानी तक जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पे लगातार बात चल रही है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट अपनी खंडपीठ डाले, दिल्ली में तो है ही, है ना, जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मेरठ में आ जाए, है ना, लखनऊ में खंडपीठ है, एक मेरठ में आनी चाहिए ताकि यहाँ के आसपास के जितने भी केस हैं हम हाईकोर्ट यहीं से ही पैनल को हम संभाल ले, अभी जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाते हैं सब लोग, है ना, तो वो सारी चीज़ों के लिए चलता रहता है। न्यायिक प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना है, जब आधारभूत संसाधन होंगे तो जरूर किया जाएगा। तो अभी न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा के 33 किया गया है, ठीक है, एक संशोधन विधेयक ला करके, इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश जोड़ के 34 हो गए, याद रखिएगा, पूछे गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुरुआत में 7 हुआ करती थी, 7 से बढ़ते बढ़ते आपके कितने हो गए, 31, अब कितने हो गए, 34। ठीक, अगला बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े हुए, ठीक, ये हो गए आपके राष्ट्रीय और विधिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अभी और आएगा, बहुत सारे राष्ट्रीय में बहुत चीज़ें होती है, जैसे अभी इकोनॉमिक जो आपका, ये भी राष्ट्रीय मुद्दे ही हैं, है ना, साइंस एंड टेक भी आपका राष्ट्रीय है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अभी आपके बहुत सारी, सब राष्ट्र ही है राष्ट्र, लेकिन इसको थोड़ा सा कैटेगरीफाइज कर देते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। पहली बात, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी प्रधानमंत्री जी इस समय अमेरिका में है और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया उन्होंने। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां अधिवेशन 18 सितंबर से, है ना, 5 अक्टूबर तक ये आयोजित हो रहा है, चल रहा है, अभी रनिंग फेज पे है, 18 सितंबर से
5 अक्टूबर 2018 तक आयोजित हो रहा है और इसके अध्यक्षता कौन है ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि इस महासभा के जो अध्यक्ष बनाई गई वो महिला बनाई गई हैं, ठीक है, महिला हैं। इनका नाम है मारिया फर्नांडा एस्पिनोशा, ठीक है, इक्वाडोर की हैं। ये चौथी महिला हैं अभी तक में, पहली महिला भारत की ही थी। कौन, क्या नाम था, पंडित नेहरू की बहन जो थी विजयलक्ष्मी पंडित, है ना, वो पहली थी इसकी अध्यक्ष और ये चौथी बनी अभी तक में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं उन सभी के, चारों के, तो ये शायद पूछा जा सकता है कि इस समय की महासभा की अध्यक्षा कौन है। मारिया फर्नांडा एस्पिनोशा, ये आपकी इक्वाडोर की हैं, चौथी महिला हैं ये। 1949 में विजयलक्ष्मी पंडित के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी, 1969 में एनजी ब्रुक्स जो है लाइबेरिया की थी इनके द्वारा की गई थी, और हया ससिर अल खलीला ये जो है बहरीन की थी 2006 में इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब जो है आपकी इस बार जो है मारिया फर्नांडा एस्पिनोशा इक्वाडोर की हैं, यूनाइटेड नेशन की चौथी महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं महासभा की, जनरल असेंबली की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका ये G20 पूछता है कहाँ आयोजित होगा, कहाँ आयोजित हुआ था, है ना। तो G20 एक संगठन है, एक ग्रुप है जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं समय समय पर मिलते रहते हैं आपस में, मिलकर विभिन्न मुद्दों पे, वैश्विक मुद्दों पे चर्चा करते हैं, इसीलिए बहुत सारे वैश्विक संगठन बनाए गए हैं ताकि विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष हैं एक जगह पर मिले और उन चुनौतियों पर डिस्कशन करें, है ना। तो ये एक G20 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसका अभी 28 जून से 29 जून 2019 तक ये जो है इसका सम्मेलन, माफ कीजिएगा, हाँ 28 जून 29 जून, दो डेट हैं, 28 जून 29 जून 2019 को ये सम्मेलन जापान के ओसाका में हुआ था, ठीक है। G20 का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी इस बार का G20 जापान में हुआ था, ओसाका शहर में, इतना याद रखना है बस। अगले साल का कहाँ होगा ये भी याद कर लो, अगले साल का होगा G20 2020, अभी 2029 है ना, 19 चल रहा है, तो अगले साल का सऊदी में होगा, ठीक है। अभी वहाँ हाउदी कर रहे हैं, यहाँ सऊदी कर देंगे, ठीक है, इनका भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री का। अब ये क्या करने लग गए हैं, विश्व के अन्य देशों के नेताओं को चढ़ा देते हैं बढ़िया से और उनको प्रचार करने लग जाते हैं, जैसे अब वहां जाके चिल्ला रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, है ना। तो प्रधानमंत्री हमारे बहुत मंझे मंझाए खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं कोई बनता वैश्विक नेता, ऐसा प्रभावी वक्ता है कि पूरे दुनिया को आकर्षित कर लेते हैं चाहे जहाँ चले जाए। तो कुछ दिन बाद ऐसा ना हो जाए कि पता चला कि स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया बुला रही है, आप आ जाइए, और कहीं धोखे से चुनाव लड़ गए तो पता चला अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, है ना। बहुत प्रतिभाशील आदमी है वो जिस तरीके से ट्रंप को खड़ा करके जितनी बातें उसके बारे में कह डाली, उसको खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं इतना अच्छा कैसे हो गया, है ना। उसको वो पूरा भाषण सुनिए आप, पूरा चढ़ाया, बकायदे से चढ़ाया उसको, है ना, और चढ़ाने के बाद लास्ट में हाथ पकड़े वो कहाँ खड़े हो, चलो घुमा के लाए पूरा। उसको लगा ये सब भी होता है, ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व तो नहीं बनता है, ऐसे नहीं जाकर वहाँ 50,000 की पब्लिक के सामने, है ना, भारत के पक्ष को रखना और इस तरीके से चैलेंज कर देना पूरी दुनिया के सामने, इतना बड़ा इवेंट होना, उसको भी लग गया कि कितनी बड़ी। देखो आप देखते हो इसराइल इतना सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन इसराइल के हर मुद्दे को अमेरिका बड़ी गंभीरता से सुनता है, क्यों, वहाँ पर यहूदी कम्युनिटी है और वहाँ का जितना बड़ा थिंक टैंक है चाहे नासा हो चाहे जहाँ, हर जगह यहूदी बैठे हुए हैं, और अमेरिका को पता है कि यदि इसराइल की नहीं सुनेंगे तो यहूदी, है ना। तो वो भारत में पूरा जो वहां का सिलिकॉन वैली है भारतीयों के द्वारा संभाला जा रहा है, चाहे गूगल के सीईओ को देख लो, जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं सब भारत के हैं, भारतीय मूल से हैं, तो सिलिकॉन वैली हम संभाल रहे हैं, और यहां पर यदि हम अपने भारतीय मूल के होते हुए भी यदि हमारे, तो ये आकर्षक व्यक्तित्व ही करता है। बहुत बड़ा इवेंट था, यह छोटी मोटी बात नहीं थी, है ना। चलो तो कहां पे हम लोग, हाँ G20 सऊदी में होगा, 2021 में इटली में होना है, ये पूछता है कभी आगे पीछे पूछता रहता है। 19 का कहाँ हुआ, जापान में, अगले साल का सऊदी में G20, और उससे अगले साल का इटली में, और उससे अगले साल का भारत में, यानी G20 2022 जब हमारे देश के आज़ादी के 75 साल हो रहे होंगे तो भारत में होगा, ठीक है।
है ना, तो भारत में इसको 2022 में मनाया जाएगा। ये पूछता आगे पीछे करके आपसे पूछ लेगा कि कब का कब होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आसियान शिखर सम्मेलन 34वां हुआ था आसियान कंट्रियों का, तो ये आपका बैंकॉक में हुआ है इस बार का, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, तो वहाँ आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पे एक किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का संघाई सहयोग संगठन कहाँ हुआ है, बिश्केक में। अब मैं बात करूंगा, सब में कॉमन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर चर्चा हुई, इन्वायरमेंट को लेकर चर्चा हुई, सब कॉमन होता है ना, वही मुद्दे होते हैं सबके कॉमन, वैश्विक समस्याओं को ही उजागर अपना अपना पक्ष रखते हैं जो राष्ट्र हैं, और जो इनके एक थीम प्रोजेक्ट हैं, हर एक संगठन का अपना एक थीम प्रोजेक्ट है कि हमें क्या क्या किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उस दिशा पे भी चर्चा होती है और इस पे काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है 21 जून 2019, 21 जून की डेट तो सबको पता है, क्या है, योगा डे है, तो इसका जो है विश्व योगा डे, 5वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी इस बार जलवायु क्रिया, ठीक है, जलवायु क्रिया इसकी थीम मनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2019 में ताइवान की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। देखो भारत में आपने सुना होगा समलैंगिकता अब अपराध नहीं है, लेकिन आप समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते, ये अपराध है, है ना। समलैंगिक विवाह करने के बाद जो है संपत्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता एक दूसरे का, अभी ये लीगल राइट नहीं है। एशिया का पहला देश बना है ताइवान, ठीक है, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है, ठीक है, यानी कि एक ही लिंग के लोग आपस में एक वैवाहिक बंधन में जुड़ सकते हैं। तो मई 2019 में ताइवान की संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार से ये क्या हो गया, एशिया का पहला देश बन गया। अब इसमें बहुत बड़ी बहस छुड़ी हुई है देश में समलैंगिक मुद्दों को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक ये मुद्दा है क्राइस्ट चर्च कॉल, इसके बारे में आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। दरअसल इंटरनेट के माध्यम से बड़े स्तर पे देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी समस्याएं जितनी भी हैं उनको चैलेंज किया जाता है। क्यों, प्रोपेगेंडा फैला के, वीडियो डाल के, है ना, आप देखते हैं ना फेसबुक में व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं, इंटरनेट में ऐसी सामग्री भर गई है कि धीरे धीरे आतंकवाद का, चरम पंथ का, है ना, ऐसी चीज़ों का विकास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई एक ऐसा नेटवर्क है। इसके लिए एक ये संस्था है क्राइस्ट चर्च कॉल, तो भारत अभी क्राइस्ट चर्च कॉल से जुड़ गया है। इसके माध्यम से ये इस संस्था का मुख्य कार्य ये है कि क्राइस्ट चर्च कॉल का काम है कि जितना भी इंटरनेट में ऐसा सामग्री पड़ा हुआ है जो सामग्री किसी भी देश में हिंसा फैला सकता है, उस सामग्री को ख़त्म कर देना, डिलीट कर देना, धीरे धीरे उसकी पहचान कर करके उसको इंटरनेट से हटवा देना, उसे बैन करवा देना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो क्राइस्ट चर्च काल क्या है, इसका उद्देश्य है इंटरनेट से आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्रियों को हटाना, ठीक, क्राइस्ट चर्च कॉल, ये मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जापान, यहाँ पर कैसा सिस्टम है, आज भी यहाँ पे राजतंत्र चलता है, राजा है यहाँ पे, है ना, 126वां जो है सम्राट के रूप में गद्दी संभाले है अभी एक राजकुमार है नारुहितो, है ना, नारुहितो आए हैं और नारुहितो ने नया शाही युग आरंभ किया है, और नारुहितो के सम्राट बनते ही यहाँ पे एक नए युग की शुरुआत हुई है जिसको रीवा युग के नाम से कहा जाता है, ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले। तो यहाँ पे एक नए सम्राट बने नारुहितो, राजकुमार ही हैं, और इनके द्वारा जो है अभी यहाँ से रीवा युग की शुरुआत हुई है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दरअसल होता क्या है, आमतौर पे अमेरिका के द्वारा बहुत सारे देशों की मुद्राओं को निगरानी में रखा जाता है, उनके क्रय विक्रय को, उनके एक्सचेंज रेट को, इन सब चीज़ों को, है ना, बहुत सारे ट्रेड वार भी इसका एक विषय हो सकता है, है ना, तो भारत की मुद्रा को भी ये अभी निगरानी में रखा हुआ था, लेकिन अभी इसने उस सूची से हटा दिया है, भारत की और स्विट्जरलैंड की। तो अभी हालिया समय में 28 मई 2019 को अमेरिका ने भारत और स्विट्जरलैंड की मुद्रा को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है, ठीक, निगरानी सूची से बाहर, इसलिए इससे क्या होगा, ये जो निगरानी सूची है, ये निगरानी सूची करती क्या है, मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर नजर रखती किसी दूसरे देश के, तो अब ये भारत के साथ नहीं होगा, अभी तक हो रहा था, अभी चाइना की मुद्रा को रखा है, ट्रेड वार चल रहा है, तो ये भी बन सकता है, दो हैं स्विट्जरलैंड और भारत।
ये एक द्वीप बड़ा फेमस चल रहा है, चागोस द्वीप, हिंद महासागर में आप देखेंगे, जो आपका ये है अफ्रीका, अफ्रीका तट से जुड़ा हुआ है, वहीं पे मॉरिशस है नीचे, उसी के पास ये चागोस द्वीप समूह है पूरे, है ना। ये औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने तो दुनिया भर को गुलाम बना रखा था, तो औपनिवेशिक काल में चागोस द्वीप समूह जो हैं वो ब्रिटिश अधिकार में थे और आज भी बने हुए हैं। कई बार मॉरिशस ने दबाव बनाने का प्रयास किया कि ये द्वीप पे अधिकार उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो द्वीप उसी के ही हैं, लेकिन चूंकि भू सामरिक स्थिति ऐसी होती, हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बना के रखनी है, ट्रेड दुनिया का चल रहा है, तो कोई भी अब छोड़ने को तैयार नहीं है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी मॉरिशस गया, जहां पे उसके पक्ष में ही निर्णय आया, लेकिन उस निर्णय को मानने को तैयार नहीं है ब्रिटेन। तो अभी क्या हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन की महासभा है, जनरल असेंबली है, उसने क्या किया है, एक अबाध्यकारी, यानी वो बाध्यकारी नहीं है, एक अबाध्यकारी प्रपोजल पारित किया है ब्रिटेन के खिलाफ कि आपको चागोस द्वीप समूहों को मॉरिशस को वापस कर देना चाहिए। बाध्यकारी होता तो करना पड़ता, बाध्यकारी है ही नहीं, ठीक है, तो वो संप्रभुता की बात मान के हो सकता ना करे, हो सकता आने वाले समय में जैसे दुनिया भर के द्वीप हो गए वो मिल जाएंगे। बहुत जगह पे ब्रिटेन बैठा हुआ है, जैसे जिब्राल्टर जलसंधि में बैठा हुआ है ना, वो हिस्सा स्पेन का है लेकिन अपना बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि वहां से उसको बड़े स्तर पे कस्टम ड्यूटी मिलती है, बहुत सारे जहाजों का आवागमन होता है, तो उसका जो है उसको ट्रैफिक मिलता है, चार्ज मिलता है, उसको टैक्स मिलता है, टैक्स कलेक्शन, तो ऐसी जगहों को उसने काफी पकड़ रखा है। अगला नेक्स्ट, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मैंने बताया, इस बार 78 महिलाएं आ गई हमारे यहाँ पे, है ना। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत अभी के संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के हिसाब से 149वें स्थान पे है, महिलाएं बहुत कम है, लिंगानुपात सकारात्मक नहीं है वहां पे, ठीक है, तो 149वें स्थान पे है। पहले नंबर पे रवांडा, जहां पे 61% महिलाएं, कैसे चलती होगी संसद पता नहीं, है ना, 61% महिलाएं रवांडा में है, चलने देती होंगी, कैसे चलाती होंगी एक बार इसको देखना होगा। भारत में महज 11% महिलाएं हैं, कुछ तो गायब रहती हैं, है ना, तो लेकिन तो बहुत कम है, ये कम से कम 33% तो होना चाहिए, इतना तो कम से कम बनता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, WHO ने अभी एक पहल चालू की है, सेफर करके पहल चालू की है, और ये सेफर का मतलब है जो अल्कोहल के प्रयोग से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उससे जो है लोगों को उसमें कमी लाना है, उस तरीके की मौतों में कि जो नशा करने के कारण से लोग जो मर रहे हैं उनकी मौतों में कमी लाना, इस पहल का मुख्य उद्देश्य है सेफर का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है सऊदी अरेबिया 21 जून 2019 को, अभी ये बहुत फेमस हो चुके, फेमस क्या, चर्चा में है, चर्चा में क्यों है, अभी देखा ना ट्रेल वाला पूरा ऑयल डिप्लोमेसी चल रही है बड़े स्तर पे, किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑयल डिप्लोमेसी, है ना। ईरान पे दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हुए हैं, आप जानते ही हैं, अमेरिका ने दुनिया भर के प्रतिबंध लगा रखे हैं, और चूंकि ईरान पे प्रतिबंध लगे हैं, उसका तेल बिक नहीं रहा है, वो अपना उत्पाद भी नहीं कर पा रहा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे होगा, ज़्यादा कौन करेगा, सऊदी अरेबिया, है ना। तो अभी सऊदी अरेबिया के तेल ठिकानों पे ड्रोन से हमला कर दिया गया है। अभी ड्रोन से हमला किसने किया, ये अभी है ना, कई जो है वहाँ पे जो संगठन है ऐसे, उन्होंने स्वीकारा भी, लेकिन ईरान के ऊपर शक जा रहा, क्यों, उसने अपने तेल संगठनों को बंद कर रखा जिससे उत्पादन कम हो गया, अभी तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे, तो अब ईरान चूंकि उत्पादन बढ़ा रहा है तो पूरी ऑयल डिप्लोमेसी पे भरा हुआ है पूरा कहानी, और बहुत बड़ा दिमागी अमेरिका इसमें बैठा हुआ है, अमेरिका पूरी ऑयल डिप्लोमेसी सऊदी अरेबिया के थ्रू चलाता है, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे इस पे। आप यदि इस दौरान थोड़ा सा भी गौर किए हों तो जितनी भी इमरान खान से वार्ता हुई या भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई, उस दौरान जो पत्रकारों ने सवाल पूछा, ट्रंप हमेशा ईरान की तरफ यही बात कहते, ईरान आतंकवादी मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, ईरान आतंकवादी देश है मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये एक 21 जून 2019 को सऊदी अरेबिया ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त कर ली है, ये पहला देश बन गया है ना, इस आधार पे 39वां सदस्य बना है इसका, और ये काम क्या करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको FATF भी बोलते हैं, ये संस्था का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना, तो धन शोधन और आतंकी फंडिंग पर ये रोक लगाता है,
ठीक है। तो ये एक संस्था है जिसमें अभी सऊदी अरेबिया 39वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, इस बारे में आप जानिएगा। एक और ये मैंने भी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ही इसको देखा और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको रख लिया। एक अभी रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट। ये क्या है? हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से जापान और सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं, देखो आप जो है ना पासपोर्ट आपको एक ही कंट्री का रखना होता है, जैसे भारत में एकल नागरिकता है तो आप भारत जैसे देश में यदि आप नागरिक रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही पासपोर्ट यूज करना पड़ेगा। यदि आप अदर कंट्री का पासपोर्ट यूज करने लगेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, है ना, आप एक ही कंट्री के पासपोर्ट के। और आमतौर पर होता भी यही है, जितने भी नागरिक हैं सब किसी न किसी कंट्री का पासपोर्ट यूज करते हैं। तो आप किसी दूसरे देश में जा सके, है ना, उसके लिए वीजा ऑन अराइवल ऐसे करके बहुत सारी सुविधाएं होती हैं कि पहले से वीजा का मतलब होता है, पासपोर्ट तो आपका एक राष्ट्रीय पहचान है कि आप पर्टिकुलर देश से आए हैं, उस देश की आप अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखते हैं पर्टिकुलर देश की पासपोर्ट के थ्रू। वीजा होता है कि आने की अनुमति लेना, जैसे मुझे आपके घर आना है तो पहले मैं आपको फ़ोन करके आऊँ, मैसेज करके आऊँ और आप जब मुझे टाइम बताएं तब मैं आपके पास पहुँचूंगा। वैसे वीजा के माध्यम से जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो देश आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है, सारी चीज़ों को जानता है, फिर अनुमति देता है कि आप उनके देश में प्रवेश कर सकें। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जापान और सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं, जापान के जो पासपोर्ट रखते हैं और सिंगापुर का पासपोर्ट रखते हैं, वे विश्व में सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि 179 देशों ने इन देशों के पासपोर्ट धारकों को अपने यहां पर बिना वीजा के आने की अनुमति दे रखी है। यानी कि आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे और आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए और मैं आपके घर आऊं तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना विश्वास करते हैं, है ना, आपने कहा रे आप पूछोगे, है ना, आप तो बता दो मैं आपको लिवा के ले। तो ऐसा सिस्टम जो है इन देशों ने, तो ये विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रखने वाले दो हैं, जापान और सिंगापुर। भारत अभी बहुत कम पीछे है, भारत का आपका स्थान 86वां आता है। स्थानों में आएंगे तो हम निराश होने लगते हैं, अभी स्थान में आपको पढ़ाऊंगा सूचकांक पढ़ा के निराशा ही आने वाली है, बहुत पीछे रहते हैं हम लोग। पता नहीं कब सही होगा, मुझे नहीं पता, सही नहीं होगा, हम ही सही नहीं होने। मैं अभी आपको बताता हूँ, भारत के लोगों के साथ उत्सवधर्मी लोग हैं, हम लोग उत्सवधर्मी लोग हैं, हम कभी डाक कवर में बहुत खुश हो जाते हैं, डाक कवर के बाद हुआ तो फिर गणपत उत्सव पे आ जाते हैं, गणपत उत्सव खत्म हुआ तो विश्वकर्मा जयंती मना लेते हैं, विश्वकर्मा जयंती खत्म हुई तो फिर हम चालू हो जाते हैं जय माता दी जय माता दी। तो हम उत्सवधर्मी लोग हैं, हम इन्हीं चीज़ों में अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, लगे रहते हैं कोई ना कोई। अभी मैं अभी देख रहा था, इस समय चल रहा है ना, तो हम देश की ट्रैफिक और सब अपने हिसाब से चलाते हैं खूब, फिर पूरा धूमधड़ाका कोई दूसरे को, तो इस तरीके के देश के लोग, और ऐसे ही रैंकिंग होगी फिर, कैसी रैंकिंग होनी है, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँचे, कहाँ पे, अच्छा हम 86वें, हाँ। तो भारत जो है यहाँ पर भी थोड़ा सा, बहुत सारे देश जो है हमें ये नहीं कहते कि आप बिना खटखटाए आ जाओ, वो कहते पहले पूछो फिर आओ। तो अभी 58 देश ही हैं जिनसे भारत के संबंध ऐसे हैं, जहाँ पे वीजा और अराइवल की सुविधा है वहीं पर जाके। तो ये आप, भारत अभी 86वें स्थान पर है, नंबर एक वाले याद रखिएगा, भारत का शायद ना पूछे, जापान और सिंगापुर। ये हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट मैंने चूंकि पहली बार पढ़ी थी, ये काफ़ी समय से जारी हो रही है क्योंकि इसके कई संस्करण, 15वां संस्करण शायद आया है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क, ये बनाया गया था सौर पुत्र देश, विषुवत रेखा के आसपास वाले देशों को हमारे प्रधानमंत्री और उस समय थे फ्रांसवा ओलांद, है ना, दोनों ने मिलकर, फ्रांस ने मिलकर एक नया संगठन बनाया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क। इसके तहत बहुत सारे देश अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं, 76वां देश अभी जुड़ा है जिसका नाम है पलाऊ, पलाऊ जुड़ने वाला 76वां देश बन गया है, ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, कतर ने अभी क्या किया है, तेल निर्यातक देशों का संगठन है एक ओपेक, जितने भी देश ऑयल कंट्री गल्फ कंट्री हैं उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है जहां पे ऑयल पाया जाता है, तो उनके संगठन से कतर ने अपने आप को अलग कर लिया है। बहुत सारे रीजन है उनके, बहुत सारे चीज़ें मैं बताऊँ, ठीक है। तो कतर ने तेल निर्यातक देशों के संगठन से अपने आप की सदस्यता खत्म कर ली, 3 दिसंबर को उन्होंने घोषणा की थी, 1 जनवरी 2019 से वो लागू हो गया है, वो नहीं रहे। अगला, जैसे मोहम्मद का संस्थापक, जानते हैं आप इसको,
क्या नाम है, मसूद अजहर, इसको 1 मई 2019 ये डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है वनडे एग्जाम में ज़्यादा ही पूछते हैं, 1 मई 2019 को इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कर दिया, चरमपंथी समस मानते हुए, आतंकवादी मानते हुए एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। अभी तक चाइना इसका विरोध करता आ रहा था, वीटो करता आ रहा था, अब वो फाइनली समझ गया कि भारत के आगे उसकी नहीं चलेगी। अगला है 19 अप्रैल 2019 को चीन के गुइझाऊ शहर में एक नया ग्रुप बना है, एक नए प्रकार का अलायंस बना है, ये बनते रह रहे हैं लगातार, ये हमारा जो है ना, 19 अप्रैल 2019 को चीन के गुइझाऊ शहर में पांच चाय उत्पादक और उपभोग करने वाले देश हैं, उन्होंने मिल करके एक नया अलायंस बनाया जिसको बोलते हैं एशियन टी अलायंस बनाया गया, जिसमें पांच देश कौन कौन से, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी इसमें, भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, ठीक, भारत भी बड़े स्तर का चीन उत्पादक और उपभोक्ता, चाय उत्पादक और उपभोक्ता है, बाकी कंट्रियों में भी खूब चाय होती है और ये निर्यात भी करते हैं, भारत में तो जितनी चाय बनती है कम पड़ जाती है, ठीक है ना, हम उत्सव धर्मी देश हैं तो हम खूब चाय पीते हैं और पिलाते हैं। अगला नेक्स्ट कहाँ पे हैं, टाइम मैगजीन के द्वारा अभी 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई, इसमें 3 आदमी भारत के भी हैं। पहले तो ये बहुत आने वाले समय मुझे लग रहा है कि कहीं पता चला अमेजॉन के संस्थापक बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यदि जियो ने भी अमेजॉन के तर्ज पे लॉन्च कर दिया अपना ऑनलाइन ट्रेड सिस्टम जिसकी तैयारी वो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अमीर आदमी हो गए, पता नहीं आपको, बहुत पैसे वाले लोग हो गए, धीरे धीरे इनकी संपत्ति कितनी हुआ करती, डबल ट्रिपल हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री है ना, विश्व की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, अभी IOC को पार करके भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है कुल राजस्व में, इसका टोटल टर्नओवर IOC से बड़ा है, ज़्यादा हो चुका है। तो मुकेश अंबानी का नाम है इसमें पावरफुल आदमियों में, है ना, दूसरा है एक मेनका गुरु स्वामी है, अभी ये चूंकि बहुत चर्चित थे LGBT कम्युनिटी को लेकर, ये एक वकील हैं, ये भारत की हैं और बहुत ज़्यादा इस समय चर्चित थी, मेनका गुरु स्वामी और अरुंधति काटजू, तो LGBT कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर ये कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, तो ये 3 लोगों का नाम टाइम्स मैगजीन ने दिया है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है, मुकेश अंबानी, मेनका गुरुस्वामी, अब किसी को लग रहा हो कि प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं है तो ध्यान, उसमें टेंशन लेने की आप बात जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका नाम कहाँ है बताऊंगा अभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा बृहद अंतर सरकारी संगठन बनाया जिसका नाम है G77 ग्रुप 77, ठीक है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसके तहत जो है बहुत सारे विकसित अर्थव्यवस्थाएं नहीं है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा गया है, ठीक है, ताकि इनको एक मंच प्रदान हो सके और इनकी समस्याओं का समाधान हो, इसकी अध्यक्षता फिलिस्तीन को दी गई है, अभी तक मिस्र के पास थी, इसका अध्यक्ष अब फिलिस्तीन को बना दिया गया है जो कि एक ऑब्जर्वर कंट्री है उसको इसमें, तो अभी G77 की अध्यक्षता फिलीपींस को मिली है। अगला नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण को लेकर के अभी एक रिपोर्ट आई है, विलुप्त होने वाले प्राणियों को लेकर के ये कभी रिपोर्ट आई है, विलुप्त होते प्रजातियों पर जैव विविधता रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट को IPBES एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में उसने कहा है कि कुछ रीजन है, उसने तो बहुत ब्रॉड स्केल में किया है, मैंने यहाँ पे सारगर्भित रूप में 5 पॉइंट लिखे हैं कि 5 कारणों से ये प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, 5 चीज़ों के चेंज देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या मिल रहा है, भूमि और समुद्र का उपयोग जो हम कर रहे हैं उसमें बदलाव आ रहा है, भूमि और समुद्र के प्रयोग में बदलाव आ रहा है, पहली चीज है ना, उसके इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे, जैसे भूमि का जंगल कटाव हम कम करते जा रहे हैं, वहाँ पर जो जितना जंगल रहना चाहिए उतना भी नहीं रहने दे रहे हैं, है ना, तो हम धीरे धीरे जो भूमि का जितना भी इकोसिस्टम है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, और समुद्र के इकोसिस्टम पे भी हम ट्रेड के नाम पे, वहाँ पर भी बड़े स्तर पे रिसर्च के नाम पे वहाँ पर भी अब घुसपैठ कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक बदलाव के कारण से ये प्रजातियाँ विलुप्त हो रही, पहला कारण उन्होंने बताया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रजातियों का विनाश हो रहा है, कारण क्या है, बहुत सारी विदेशी प्रजातियाँ उस इकोसिस्टम में प्रवेश कर जा रही हैं, दिक्कत ये हो रही है कि उन जो भी प्रजातियां हैं उनके इकोसिस्टम को आपने खराब कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगी, लेकिन जहां जाएंगी वहां के इकोसिस्टम को खराब कर देंगी, है ना,
आपने पढ़ा है ना प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक तृतीयक, तो मान लिए तृतीयक कभी घुस गया प्राथमिक तो उनका खा जाएगा पूरा। तो जो खाद्य श्रृंखला है वो अव्यवस्थित होती जा रही है जिसके कारण से प्रजातियां खत्म हो रही हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये एक बड़े स्तर की है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण से इस कारण से भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रदूषण की समस्या ये भी एक समस्या है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भारत में पूरे विश्व की टोटल यदि प्रजातियों की बात की जाए तो 7-8% प्रजातियां पूरे विश्व की भारत में निवास करती हैं, जिसमें से इन्होंने कहा कि भारत में 45,000 पौधे पाए जाते हैं। एनवायरमेंट का ये कभी भी लिखना है तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। भारत में 45,000 पौधे पाए जाते हैं और 91,000 जीव पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रकार के हैं, यानी स्वदेशी भी हैं हमारे इंडिजनस भी हैं और बाहरी जो हैं वो भी हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि लगभग 41% प्रजातियां खतरे में हैं, मरने के कगार में हैं, रेड डाटा बुक में उनके नाम चढ़ने चालू हो गए हैं। इसमें से कुछ का नाम मैं बताता हूँ जो लगातार पूछे जाते हैं। एक तो इसमें देखो कैटेगरी बना दी गई है, एक कैटेगरी आपकी संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो रही हैं, वो खतरे की तरफ बढ़ रही हैं, है ना, लाइट ब्लिंग होने लगी है ना, अभी रेड नहीं हुई लाइट पूरी तरीके से, लेकिन तो हिम तेंदुआ ये संवेदनशील आ चुका है, धीरे धीरे ये भी खत्म, अब धीरे धीरे प्रभावित होने लगा है। दूसरा है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस पर अभी क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये अति संकट ग्रस्त हो चुके हैं। भारतीय गिद्ध आप देख रहे हैं, गिद्ध दिखाई देता है ना, भारतीय गिद्ध अति संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। इसके बाद एक है जो फोर ग्राउंड वेको, ये अति संकटग्रस्त में ये भी आता है। एशियाई हाथी संकटग्रस्त खत्म हो चुके हैं। तो ये करके कैटेगरी बनाई गई है और इन कैटेगरी के तहत भारत की जितनी भी प्रजातियां हैं 41% प्रजातियां जो है खतरे के निशान पर पहुँच चुकी हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो इकोसिस्टम है यदि हम इसको हम संभाले नहीं तो हमारे यहाँ पे भी वो प्रजातियाँ चली जाएंगी, जो कि खाद्य श्रृंखला का एक बहुत अभिन्न अंग है। एक प्रजाति मरने से कितनी प्रजातियों पे प्रभाव पड़ता है ये आप समझ नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए किसी भी साल, मान लीजिए प्राथमिक हमारे लिए, मान लो मैं वेजिटेरियन हूँ शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो यदि किसी साल उपज ना हो, है ना, मेरे क्षेत्र में अकाल पड़ जाए और मेरे पास इतना धन भी ना हो कि मैं खरीद सकूँ तो मैं तो मर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो आधारभूत चीज़ें थी, है ना, फसल ही नहीं हुई उस क्षेत्र में, और फसल नहीं होने के कारण वो उस जगह के उत्पाद बहुत महंगे हो गए, मेरे पास वैसे भी धन नहीं था और मैं खरीद नहीं पाया और मैं अकाल का शिकार हो गया। पहले ऐसे ही होता था, बड़े बड़े अकाल आते थे, निपट जाते थे, गाँव के गाँव चले जाते थे। तो प्रजातीय एक चीज़ खत्म होने से, मान लो एक बार, अब तो बफर स्टॉक दुनिया भर की सरकार व्यवस्था बना के बैठी हुई है कि 2-3-4 साल यदि अच्छे से सूखा पड़ता है या कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी बाढ़ की आपदा आप देख रहे हो इस समय क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल पड़ा है। आप यहाँ से मथुरा के उधर निकल जाओ, पापियों की धरती है बची हुई है ना, उधर का पूरा जितना माहौल देख, बारिश कितनी बारिश, लबालब बारिश, मैं तो पहली बार देख के आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। नदियों को MP ने पूरे डैम खोल दिए हैं, उत्तर प्रदेश डुबाए पड़ा है वो, ठीक है, इतना ज़्यादा पूरा पानी हो रहा, लगातार बारिश हो रही है। कल मैं लखनऊ से फ़ोन आया, लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है, सड़कें जा रही हैं, ख़त्म हो रही। तो अभी क्या कंडीशंस बहुत बुरी हैं, अभी बिहार ने अल्टरनेटिव वहाँ पे इमरजेंसी घोषित की गई इस चीज़ को लेकर के, तो स्थिति बहुत है ना दुर्लभ हो रही है चीज़ों को लेकर के। तो ये क्या है, सब क्लाइमेट चेंज का रीज़न है, सब क्लाइमेट चेंज है जो जिसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर हम लोग ये हम बात कर रहे थे, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जैव विविधता रिपोर्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी क्या हुआ है, इसी सब समस्याओं को लेते हुए कई देशों ने आपातकाल की घोषणा कर दी। कैसा आपातकाल? जलवायु पे आपातकाल, है ना। अभी हमारे देश में ऐसा सिस्टम अभी नहीं बना, संविधान में तो राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासनीय व्यवस्था है, कर सकते हैं, संसद तो तुरंत कुछ भी कर सकती है। तो अभी मई 2019 में ब्रिटेन, फ्रांस तथा आयरलैंड की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी। जलवायु आपातकाल की घोषणा किसने की? ब्रिटेन, फ्रांस तथा आयरलैंड की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी। सबसे पहले किया ब्रिटेन ने। तो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बना? ब्रिटेन बन गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जलवायु आपातकाल, रीजन बस यही है कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं। नेक्स्ट, अगला चलते हैं, एक नया युग जुड़ गया है। ज्योग्राफी में आपने सुना होगा जुरासिक इरा था, कार्बन फेरियस एक इरा था, फिर प्लास्टोसीन, फिर होलोसीन, अब होलोसीन आपका भी सबसे नया युग था, नवयुतन युग था। अब उसके बाद एक और युग आ गया है,
है ना। इस युग का नाम इसको रखा गया है एंथ्रोपोसीन, मानव के नाम पे एंथ्रोपोसीन युग इसका नाम रखा गया है। 21 मई 2019 को एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप के वैज्ञानिकों ने मतदान किया और घोषणा की कि पृथ्वी के इतिहास में एक युग और जोड़ दिया जाएगा जो होलोसीन के बाद माना जाएगा। ठीक है, इसका नाम एंथ्रोपोसीन इसलिए रखा क्योंकि इस युग में मानव के कारण से सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचा, इसलिए इस युग का नाम एंथ्रोपोसीन रख दिया इन्होंने। तो एक अभी नया युग जुड़ गया है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन। ठीक है, तो ये एक नया अभी आया है, अपडेट ही आया है, ज्योग्राफी में जुड़ा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा बड़ा एक्टिव रहता है, संविधान का गार्जियन है, संरक्षक है, समय समय पर देखता रहता है कि सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, सुपरविजन करने की सुप्रीम पावर भी उसे दी गई है ना, उसको अथॉरिटी भी दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम भी जो है देश में प्रदूषण हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 2020 से हम BS6 मानक के वाहनों को चलाएंगे। BS6 वाहन ये यूरो 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 जोन जो है उसके मानकों पर ही आधारित है और इसके द्वारा जो है प्रदूषण नियंत्रण के मापक के रूप में इसको रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है 1 अप्रैल 2020 के बाद मात्र BS6 इंजन युक्त जो कार हैं या वाहन हैं उनका ही पंजीकरण की अनुमति होगी। यदि आप अभी जो भी BS4 अभी धीरे धीरे देखना, अभी वाहन बहुत सस्ते हो जाएंगे, अभी लोग ले भी नहीं रहे ना, देख रहे ना कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ गई है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि अगले साल से BS6 चालू हो जाएगा। अब BS6 तो वैसे अब दिल्ली NCR में तो आज चालू हो चुके हैं, अभी क्या 2016 से ही चालू कर दिया गया था। ठीक है, अनुमति दे दी गई थी, तो अभी लोग जो है इस चीज़ का भी देखिएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत बड़े स्तर का मंदी आने वाली है, बड़े स्तर की, और गाड़ियां बहुत सस्ती मिलेंगी आपको, बहुत सस्ती गाड़ियां मिलेंगी, यदि चाहो तो खरीद सकते हो इसी अवधि में। तो सस्ती का मतलब ये नहीं कि फ्री की मिल जाएगी, है ना, लेकिन मिल जाएगी, आसानी से लोन मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चालू हो चुका है, टाटा ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, वो गाड़ियां जिनमें वेटिंग आती थी अभी वो गाड़ियां आसानी से मिल जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी BS6 माना कान है, तो जो BS4 है या तो वापस जाएगा, उसको BS6 में अपग्रेड करेंगे या तो आपको सेल आउट कर देंगे पहले ही, तो उस पर लगा। जैसे BS3 अभी जब मुझे याद है 1 साल पहले अभी BS3 मानक की जो स्कूटी थी या गाड़ियां थी बिक रही थी तो सस्ते में उसकी सेल लगा के बेची गई, यहां तक कि स्कूटी 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार की बिकी सेकंड हैंड के भाव में। ठीक है, तो आप चाहें पंजीकरण लेकिन आपको पहले ही कराना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे पंजीकरण नहीं होगा, रद्द माना जाएगा, इसलिए आप अभी बात करके खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 के बाद BS6 इंजन युक्त वाहनों को, इसको बोलते हैं भारत स्टेज, ठीक है, 2020 में इनको लागू कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ये उत्सर्जक मानक हैं, उत्सर्जक मतलब प्रदूषण उत्सर्जक मानक हैं और जो यूरोपीय मानकों पर ही आधारित हैं। 8 जून 2019 को एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुवैत में दुनिया का सबसे गर्म दिन, इतना गर्म दिन तो कभी नहीं हुआ था जितना गर्म कुवैत उस दिन हो गया, पता नहीं कैसे इतना टेम्परेचर सह ले गए कुवैत के लोग, है ना। 8 जून 2019 को कुवैत में दुनिया का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, टेम्परेचर कितना था 63 डिग्री, हमारे स्वस्थ शरीर के टेम्परेचर से लगभग दोगुना तो नहीं है लेकिन दोगुना के आसपास, है ना, 63 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया वहाँ पे। धूप जब सूरज की रोशनी आ जाती है, छांव के टाइम पे 52 डिग्री के आसपास था, तो 52 से 63 डिग्री में फ्लक्चुएट किया। उसी समय जो सबसे गर्म जगह है आपकी वो सऊदी अरेबिया में है, वहाँ पे उस समय 55 डिग्री टेम्परेचर था, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया वहाँ पे, और ये भी क्लाइमेट चेंज का ही एक रीजन माना जाता है। ठीक है, तो एक ये अभी एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया 8 जून 2019 को कुवैत को दुनिया का सबसे गर्म दिन, 63 डिग्री धूप में ये टेम्परेचर बढ़ा था। ठीक है, चलिए अब आपको दुनिया के कुछ अमीरों की संपत्तियों के बारे में बताते हैं, है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उनमें से बिल गेट्स सब जो है थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, बिल गेट्स से ज़्यादा पैसा हो गया है, हाँ, अमेजॉन के मालिक, खरीद खरीद के दे दिया पैसा आपने सारा। तो 5 मार्च 2019 को अरबपतियों की 33वीं फोर्स सूची जारी की गई है, ये संस्था है जो लगातार ये जारी करती रहती है। $131 बिलियन की इसकी कुल संपत्ति है, और अभी इसने तलाक भी लिया मैडम से अपने, उसको काफ़ी संपत्ति दी, इसके बाद भी इतनी है, मैडम भी बहुत अमीर हो गई इनकी एक ही संपत्ति में। तो $131 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, अमेजॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस। ठीक है,
बहुत सारी सर्विसेज हैं। आपको शायद लग रहा हो कि सिर्फ ये बस सामान बेचते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पास क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, जो सर्वर होस्टिंग दुनिया भर की चीज़ें प्रदान करता है, इंटरनेट से जुड़ी हुई बहुत सारी, अमेजॉन प्राइम है, अमेजॉन बहुत सारी इनके प्लेटफॉर्म है। आप किस पे चर्चा करें। नेक्स्ट अगले चलते हैं। दूसरे नंबर पे आपके हैं बिल गेट्स साहब, काफ़ी पीछे हो चुके हैं, 96.5 बिलियन, इनको टाइम नहीं लगता, पकड़ लेंगे, ठीक है। अगले हैं वॉरेन बफेट साहब, फिक्स हैं, कभी दो तीन होता रहता है इनका मामला। वॉरेन बफेट ये तीसरे नंबर पे हैं। विश्व की सबसे धनी महिला, महिलाओं में वैसे ये तो 15वें स्थान पे आती है, लेकिन महिलाओं में देखा जाए तो ये फ्रैंकोइस वेनेकोर्ट नाम है इनका, ये हैं। और भारत में अंबानी भाई साहब हमारे 13वें नंबर पे हैं, $50 बिलियन इनके पास है, ठीक है। $50 बिलियन के साथ मुकेश अंबानी है, धीरे धीरे संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अच्छी बात भी है, भारत में भी करोड़पति हैं, बड़े स्तर पर अरबपति हैं। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2019। एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, जिसको अंकटाड बोलते हैं आप लोग, है ना, अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं निवेश सम्मेलन, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट के तहत इन्होंने कहा है कि भारत में 2018 में FDI बढ़ा है, है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ा है, पिछली बार की तुलना में, 2017 की तुलना में 2018 में भारत में FDI बढ़ा है और ये FDI 6% बढ़ के $42 अरब हो गया है। और FDI आने पर, FDI समझ रहे हो कि नहीं, बाहर का पैसा, विदेशी पैसा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है भारत में 10वें स्थान पे भारत आता है। पहले नंबर पे अमेरिका पे लोग पैसा ज़्यादा जाते हैं, दूसरे नंबर पे चाइना है, भारत 10वें नंबर पे है। सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आता है हमारे यहाँ पे, मॉरीशस से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, मॉरीशस से, मॉरीशस के लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में, ठीक है। नेक्स्ट नागालैंड में, अभी ये तो एक तरीके से कहा जाए, बहुत ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन मैं श्रम मंत्री को सुन रहा था, श्रम एवं रोजगार मंत्री जो हमारे हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि नागालैंड में इस बार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर, यानी बहुत तेज़ी से बेरोजगारी दर जहाँ बढ़ी है वो नागालैंड है, 21.4% के साथ नागालैंड सबसे बेरोजगारी दर वाला देश बना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले, प्रधानमंत्री जी द्वारा 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बनाना है, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन को आसान भाषा में समझाएं तो $5,000 अरब की इकोनॉमी बनाना है। अभी कितने की है, है ना, अभी हमारी है 2,750, 2.75, इतने बिलियन की मौजूदा हमारा आकार है, जो कि बहुत कम है। तुलना करते हैं हम लोग जो है, बहुत बड़ी बात सोचते हैं, अमेरिका 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 21 ट्रिलियन बहुत होता है, है ना, गिनती नहीं गिन पाओगे, इतना जीरो है इसमें। अमेरिका 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम कितने की इकोनॉमी है, 2,700। अभी हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत कम हो गया है, प्रधानमंत्री बहुत आसानवित आदमी है, है ना, और अपने भाषण में जोश जोश में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, बोल तो गए हैं कि 5,000 अरब डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे नहीं पता। कह रहे हैं हम राज्यों से सहयोग करेंगे, नीति आयोग ने कहा है कि हम चक्रीय इकॉनमी, इसमें एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है चक्रीय अर्थव्यवस्था का। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अनुपयोगी पदार्थों को भी उपयोगी बना देंगे, भारत के लोग इतने समझदार हैं, है ना, रिसाइकिल करेंगे, जो प्रोडक्ट यूज भी नहीं हो सकता उसको भी यूज करा देंगे, तो उससे हमारा जो है, हमें हमारा उससे मैक्सिमम, मतलब ये समझ रहे हैं कि गन्ना है, एक बार जूस निकल गया तो फिर से उसको डालेंगे, है ना, तो जूस है, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, है ना, पानी डाल के निकालेंगे तो पानी पिलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर कई सारे आपको प्रोस्पेक्टिव देखने, FDI इसका महत्व है कि भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, नीति आयोग बहुत खुश होकर के बहुत सारी चीज़ें के सुझाव दे रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं नहीं हम राज्यों के सहयोग से कर लेंगे चीज़ें, तो बहुत आसान्वित है और ये एक हमारा विजन भी है। यदि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में चले गए तो विश्व के तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। अभी जापान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब हम 5 ट्रिलियन में पहुंच रहे होते तो जापान क्या कर रहा होगा, वो सिर्फ 5 ही में रहेगा क्या, बढ़ेगा नहीं क्या, उसके दिमाग नहीं है क्या उनके पास, तो वो उससे आगे जाएगा तो फिर कैसे तीसरे में पहुंच जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। ये 24 में वो बहुत आगे हो जाएंगे, है ना, तो हो सकता है हम चौथे तीसरे तक
लगभग लगभग रहेंगे। अब देखते हैं कैसे होगा। वैसे भारत के लोग वही जो डार्क कामड़ है और ये सब दुनिया भर की चीज़ों में ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो मुझे इन पर भरोसा है नहीं। अगला मसाला बांड, ठीक। मसाला बांड क्या होता है? अब आपको लग रहा होगा कि दालचीनी, इलायची है ना, इसको सब खरीदने के लिए बॉन्ड चाहिए। मसाला बॉन्ड क्या है समझो, इकोनॉमी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। केरल भारत का पहला राज्य बना है, केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने बाजार में विदेशी निवेश के लिए मसाला बॉन्ड जारी किए हैं। आसान भाषा में मसाला बॉन्ड समझाता हूँ, मसाला बॉन्ड कुछ नहीं है, विदेश में जारी करने वाले ऐसे बॉन्ड हैं जो विदेशी मुद्रा में ना जारी करके भारतीय मुद्रा में जारी किए जाते हैं। नहीं समझे? मतलब कि मुझे आपसे यदि पैसा चाहिए तो मैं डॉलर में नहीं लूँगा, रुपये में ही दीजिए मुझे, यदि आप निवेश करना चाहते हैं। नहीं समझे? कोई विदेशी निवेशक आता है तो वो डॉलर में निवेश ना करके रुपये में निवेश करे, कन्वर्ट करके दे मुझे। इससे क्या फ़ायदा होगा बताओ? इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, हमारी मुद्रा भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में परिवर्तित होने लगेगी यदि हम मुद्रा को हम अपनी मसाला बांडों के माध्यम से ही करने लग जाएं, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होगा? दूसरा होगा कॉरपोरेट विदेशी निवेशकों से स्थानीय मुद्रा में हम धन मंगवा पाएंगे। तो ये जो है मसाला बॉन्ड जारी किया गया, केरल पहला बना है, आगे जो है बड़े स्तर पे देखो अदर स्टेट या जो भी है वो जारी करेंगे। अगला एक ये कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी, आप लोग इसके बारे में बड़ा सुन रहे होंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी सुनी होगी, एक बहुत पहले हमने क्रिप्टो करेंसी सुनी थी, भारत में तो अभी इल्लीगल है। RBI का स्पष्ट जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल रखा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से क्या है, अवैध है, ठीक है। इसका किसी प्रकार का लेन देन ये सब चीज़ें यहाँ पे वर्जित है, ये एक मुद्रा के रूप में प्रचलन नहीं है, लेकिन विश्व में मुद्रा के रूप में प्रचलित हो चुकी हैं। अभी एक बिटकॉइन का दाम लाखों रुपए में चल रहा है, जिसके पास एक बिटकॉइन रखा है वो 4 लाख 5 लाख इस तरीके से उसकी वैल्यू हो गई है। है क्या ये चीज़, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? देखो ये एक मनी क्या क्या है, एवोल्यूशनी, अब ये अगला चरण है। जैसे आपने देखा एक समय बार्टर सिस्टम था, हम क्या करते थे, गेहूं देते थे, गेहूं के बदले प्याज ले लेते थे, प्याज के बदले टमाटर ले लेते थे। अभी भी चलता है, देखते हो ना गांव में, अभी वो फेरी वाले आते हैं, फेरी वाले साड़ी लिए होते हैं, कोई प्याज लिया होता है, कोई गुड़ लिया होता है ना, उनको आप कुछ भी दे दीजिए, 5 किलो चावल दे दीजिए, उसके बदले में आपको सामान दे देंगे जो आपको चाहिए होता है। बहुत सारे मैंने महिलाओं को देखा, वो बाल इकट्ठा करती रहती हैं अपना, है ना, वो क्या होता है बच्चों को जो है वो चाट वो आते हैं ना वो क्या बर्फ वाले, हाँ उनको जो है उसके माध्यम से वो, ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम है, अब उनका उत्पाद है वो उसका उपयोग करती हैं तो कोई गलत नहीं है। तो बार्टर सिस्टम पहले एक तरीका था, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जो है मनी का एवोल्यूशन हुआ, धातु की मुद्रा प्रवेश की, धातु की मुद्रा के बाद धीरे धीरे जो है करेंसी जो है वो आपकी, अभी देखा जाए तो धीरे धीरे कागज़ की मुद्रा आनी चालू हो गई, कागज़ की मुद्रा के बाद जो है आपने देखा प्लास्टिक मनी आनी चालू हो गई, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या है, प्लास्टिक मनी है। अब अगला भविष्य है क्रिप्टो करेंसी। प्लास्टिक मनी में एक मीडिएटर बैठा हुआ है बीच में, कौन बैठा हुआ है, बैंक। मैं कोई भी डिजिटल करूँगा पेमेंट गेटवे के थ्रू जाएगा। आसान भाषा में आपको आज क्रिप्टो करेंसी समझा दूंगा, 2 मिनट में समझ जाओगे। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आभासी डिजिटल मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी है, ये आभासी डिजिटल मुद्रा है ना। आम तौर पे एक वैलेट होता है, जैसे पर्स होता है ना वैसे एक डिजिटल वॉलेट बन जाता है आपका, जो भी अभी जैसे कि ये इसलिए चर्चा में क्योंकि फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है 2020 में, इसकी क्रिप्टो करेंसी आनी है जिसका नाम है लिब्रा, है ना, लिब्रा आने वाली है। और क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और इसका भी उपयोग आप लेन देन के रूप में कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में यदि आपको समझाना चाहूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जहां पर कोई भी मध्यस्थ नहीं बैठा होगा आपके पैसे के लेन देन में, समझ गए कि नहीं। अभी यदि पैसे का लेन देन आप डिजिटली कर रहे हो तो किसके माध्यम से कर रहे हो, बैंक के माध्यम से। मैं आपने मुझसे मेरा बैंक नंबर लिया, FSC कोड लिया, नाम लिया, पैसा ट्रांसफर किया, तो आपके बैंक ने मेरे बैंक से संपर्क किया, फिर मेरे अकाउंट में गया, फिर मैंने निकाला, उसमें क्या होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू मीडिएटर खत्म हो जाता है, मध्यस्थ नहीं होता,
तो इसीलिए आरबीआई टैक्स का कैसे पता चलेगा, ये तो पूरा ब्लैक मनी हो गया पूरा काम, है ना। इस सब चीज़ों के लिए एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वैसे आरबीआई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इस समय रिसर्च कर रहा है, ठीक है, काफ़ी समय से वो भी इस पे रिसर्च कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कहाँ पे हम लोग, समझ में आया क्या क्रिप्टो करेंसी? थोड़ा सा इस समय बहुत है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस चली थी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। आप लोगों के यदि बस ज़्यादा टाइम हो तो बिटकॉइंस का, वैसे उसके लिए बहुत सिस्टम चाहिए, बहुत बड़ा ढांचा चाहिए, बिटकॉइंस की माइनिंग कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं, एल्गोरिदम होता है, उन्हें सॉल्व करना होता है, मैथ के कैलकुलेशंस हैं। इसका एक सतोसी, बिटकॉइंस का छोटा रूप है सतोसी, जैसे रुपया का पैसा, डॉलर का सेंट, वैसे इसमें भी सतोसी होता है। कुछ सतोसी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सतोसी मिल मिल के बिटकॉइंस बनेंगे। एक बिटकॉइंस की कीमत लाखों में, तो माइनिंग होती है, वो कैलकुलेशंस, उसका पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। तो अभी ये क्या कर रही है, फेसबुक भी 2020 में अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा लॉन्च कर रही है, है ना। ये एक प्रकार की आभासी डिजिटल मुद्रा होगी, इसका उपयोग लेन देन के लिए किया जाएगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जहाँ पे मध्यस्थता का अभाव, आसान भाषा में। बाकी आप लोग जब कभी होगा डिटेल से मैं उस तरह टेक्निकल चीज़ें भी बता दूंगा। इसमें बहुत सारी हैं, जैसे एक इरिथियम, ये भी आपकी क्रिप्टो करेंसी के रूप में चल रही है। रिप्पल, ये भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में चल रही है। लाइट क्वाइन, ये भी क्रिप्टो है। बिटकॉइन, अभी आने वाली है लिब्रा। भारत में सब इलीगल है, अभी भारत में ये अवैध हैं। हो सकता है फेसबुक की जब लॉन्च हो तो हो सकता है भारत सरकार इसको सहमति दे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण भंडार। विश्व में किसके पास कितना सोना है, हमारा देश का सोना कहाँ रखा है, आरबीआई के पास, आरबीआई की तिजोरी में सारा का सारा सोना रखा, मंदिर में सब नहीं रखा है, ठीक है। और मंदिर में जो रखा है वो किसी को नहीं पता है किसके पास कितना रखा है, आरबीआई के पास सारा का सारा देश का स्वर्ण भंडार है। और ये देश का जितना भी स्वर्ण भंडार है उसमें एक रिपोर्ट अभी आई है, विश्व स्वर्ण परिषद ने ये रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा आरबीआई के पास दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, 10वें नंबर पे बहुत ज़्यादा स्वर्ण भंडार है। जिसके हिसाब से कितना सोना है हमारे पास, 612 टन है। अमेरिका के पास कितना है, 8133 टन है, हमसे कितना गुना ज़्यादा है। चाइना के पास, जर्मनी उसके बाद आता है, चाइना तो 6वें नंबर पे आता है, जर्मनी के पास 3369 टन है, भारत के पास कितना है, 612 टन, बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना, 612 टन सोना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री अपने राजस्व के आधार पे, टर्नओवर के आधार पे अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ करके कहाँ सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। टर्नओवर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री, इस समय कालांतर, ठीक है। अभी एक बहुत बड़ी चीज़ें चल रही है, बैंकों का विलय। सरकार चाहती है कि कुशल प्रबंधन बने, बैंकों में आधारभूत ढांचा हो, बैंकों की सब लोगों तक पहुँच हो, इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, बैंकों के विलय, मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बैंकों का विलय कर रही है, है ना। इसके लिए तीन चार कई चरणों में ये काम करना है। पहले चरण में 2017 में हुआ था, एसबीआई और उसके सहयोगी 5 बैंकों को विलय कर दिया गया, एक बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, उसमें भारतीय महिला बैंक बनाया गया था, बड़ा खुशी खुशी में कि हम मुंबई में महिला बैंक बनाएंगे, वो 1000 करोड़ की पूंजी रख के, लेकिन बाद में उसको भी एसबीआई में मिला दिए, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बैंकों में प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा, कस्टमर ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। उस कारण से सरकार चाहती है कि अब देश में 2-4 बैंक ही रहें बड़े बड़े, बस जाकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे और बहुत अच्छे से सबको, कस्टमर्स को सुविधा प्राप्त हो। तो भारत सरकार ने पहला बैंक विलय का काम किया, ये एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों को मिला दिया और भारतीय महिला बैंक को भी मिला दिया। 2018 में हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को मिला दिया। अभी आप सुन रहे होंगे बैंक के कर्मचारी अभी हड़ताल में जाने को तैयार हैं, क्यों, एक नई तैयारी चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी, आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर देना है, इसको लेकर चर्चा चल रही है, ठीक है। और यदि ये होता है तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है, जो कर्मचारी हैं बेचारे वो थोड़ा सा, है ना, तो ये अभी ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो रहा है। चलिए, ये बिलो का प्रस्ताव आ चुका है और इसको लेके बैंक कर्मचारी हड़ताल, दुनिया भर की धमकियां दे रहे हैं। आगे चलते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। डेटा देखो, डेटा तो ऐसे ही होता है, डेटा को क्या करेंगे, आप चीज़ों को बस समझते जाइए, बस कुछ नहीं है, बस आराम आराम सुनते जाइए। इसे जैसे ही दोबारा सुनेंगे आप, आपको बिल्कुल रेफ्रेश होके पूरा डेटा आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, ये पहली बार है तो हो सकता है। अगला है राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक,
ठीक है, ये सूचकांक है। मैं कुछ अभी सूचकांक पढ़ाने वाला हूँ, कुछ सूचकांक पढ़ाऊंगा, कुछ रैंकिंग पढ़ाऊंगा, जैसे अटल रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण में गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का पहला है ना स्थान प्राप्त हुआ है, भारत का नहीं यूपी का, भारत के हिसाब से 13वें नंबर पे है, है ना। और विश्व की एक रिपोर्ट आई है अभी कि गाजियाबाद विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है, इसको नो गार्बेज। अब पता नहीं ये विश्व वाले कैसे नापते हैं इन्हें, और दूसरे शहर मिलते नहीं है, है ना, गाजियाबाद को ही पकड़ लिए इस बार, है ना, सोचे कुछ बोलेगा नहीं। तो ये फाइनली जो है इतनी सफाई की गई, वास्तव में गाजियाबाद इसमें बहुत स्वच्छ है आपका, कहीं पे जहाँ पर भी कूड़ादान डाले जाते थे उनको कूड़ादान विलुप्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे दिख रहे हैं, अब ऐसे आप कूड़ा डाल नहीं सकते, बिल्कुल साफ सुथरा शहर दिख रहा है, हर जगह पुताई पेंटिंग हर चीज़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में खूब भारत ने 19 में खूब काम किया, ठीक है, लेकिन पता नहीं पीछे पड़ गए विदेशी। तो अब इसमें जो है ये आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2018 आया था, इसके तहत क्या है कि जो जो भी राज्य हैं वहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंधन में होने वाली प्रगति को नज़र रखने के लिए सूचकांक जारी किया जाता है, और राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने। इसमें कई कैटेगरी बना दी गई हैं, एक कैटेगरी है इसमें फ्रंट रनअप की कैटेगरी है, जिसमें आंध्र, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब ये सब हैं इसके अंतर्गत। दूसरा जो है कंटेनर है इसमें उत्तराखंड और आपका एस्पिरेंट में है, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश है, और एस्पिरेंट में आकांक्षी में आपका बिहार आता है, ठीक है। तो ऐसे करके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और नीति आयोग द्वारा ये पूरी पहल की जा रही है, इसके तहत चार कैटेगरी में बांट के राज्यों में एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाया जाता है। स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण 2018, इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है ना लगातार, ये अब देखो इस पूरे बेल्ट से आपको एक दो क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है कुछ नहीं। इसमें रेलवे स्टेशनों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, A1 कैटेगरी और A कैटेगरी, ठीक है, A1 कैटेगरी और A कैटेगरी। स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण 2018 के तहत A1 कैटेगरी के 75 स्टेशनों में जोधपुर को पहला स्थान मिला है। A1 कैटेगरी में जोधपुर नंबर एक, कहाँ है जोधपुर, राजस्थान में, जहाँ लोग नहीं वहाँ साफ सुथरा तो रहेगा ना, जोधपुर को यूपी में शिफ्ट करके देखो फिर बताते हैं। A1 श्रेणी के 75 स्टेशनों में जोधपुर पहले नंबर पे है, A श्रेणी के 332 स्टेशनों में मारवाड़ को प्रथम, ये भी राजस्थान का है, लोग ही नहीं है साफ सुथरा तो रहेगा, तो मारवाड़ को भी प्रथम स्थान मिला, A1 में जोधपुर, A में मारवाड़ को प्रथम स्थान प्राप्त है। और यहाँ पे क्षेत्रीयता के आधार पे, जैसे क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ है ना रेलवे, पूर्वी जोन, उत्तर पश्चिम, मध्य जोन, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, 16 जोनों में बटा हुआ उत्तर रेलवे, है ना। तो रेलवे की क्षेत्रीय रेलवे रैंकिंग में उत्तर पश्चिमी रेलवे, यही है पूरा उत्तर पश्चिमी रेलवे जो राजस्थान वाला पूरा बेल्ट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे को नंबर एक इसमें स्थान प्रदान किया गया पूरे के पूरे जोन को। इसके बाद A1 में सबसे अस्वच्छ कौन सा है, मथुरा यूपी का, ठीक है, तो यूपी में है ना, आप जोधपुर डाल दोगे तो भी हम मथुरा बना ही देंगे। नेक्स्ट अगला है अटल रैंकिंग। अटल रैंकिंग क्या है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए, राष्ट्रपति के द्वारा नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों को रैंक प्रदान की जाती है, इनोवेशंस के आधार पे जो भी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों के आधार पे एक रैंक प्रदान की जाती है, जिसे अटल रैंकिंग के नाम से जानते हैं। इसमें दो श्रेणियों में किसी भी संस्थान, दो श्रेणियां बनाई गई हैं इसमें, एक श्रेणी बनाई गई है उन संस्थानों को जिनको सरकार पैसा मुहैया कराती है, एक श्रेणी बनाई गई है उन संस्थानों को जिनको सरकार पैसा मुहैया नहीं कराती है। दो प्रकार के संस्थान है, एक सरकार के संस्थान है, एक प्राइवेट सेक्टर के संस्थान है। तो इसके तहत कुछ नहीं, सिंपल आसान भाषा में, जो भी देश में इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहां पर रिसर्च और R&D चल रहा है, उन सभी क्षेत्रों को हमें चूज करना है कि कहां पे बेहतर काम हो रहा है, और उनको जो है, ठीक है, उनको जो है रैंक प्रदान करना, अवार्ड देना, और उन पे कंपटीशन का वातावरण पैदा करना, ताकि देश में चीज़ें चलती रहें। तो एक तरीके से पुरस्कार योजना है और कुछ नहीं, ठीक। अब इसमें क्या क्या है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषित जितने भी संस्थान हैं उसमें नंबर एक स्थान किसको मिला है, IIT मद्रास को, नंबर एक में है IIT मद्रास, और जो निजी सेक्टर के संस्थान है उसको मिला है BIT तमिलनाडु को। BIT का फुल फॉर्म है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला नंबर निजी में मिला है,
और साउथ के हैं दोनों, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास को सर्विस सेक्टर, उसमें पीएसयू सेक्टर मिला है, यानी सरकार के वित्त पोषित सार्वजनिक सेक्टर में मिला है। ठीक, ये अटल रैंकिंग है, इतना ही जान लो। बाकी पांच इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी बॉम्बे आता है, आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली, फिर आपका ये के भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु, फिर आईआईटी खड़गपुर। ये पांच संस्थान टॉप फाइव के लिए रैंक में, अटल रैंकिंग में रखे गए हैं। नंबर एक है मद्रास और उधर है बीआईटी, बस दो याद रखने हैं। इसके बाद दूसरी एक रैंकिंग बनाई गई है, दूसरी रैंकिंग है आपकी इंडिया रैंकिंग। ये तो है अटल रैंकिंग, दूसरी बनाई गई इंडिया रैंकिंग। इसके तहत क्या है, ये भी 8 अप्रैल 2019 को जो है ये रैंकिंग जारी की गई है, और इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत, इसके तहत क्या करना है, देश के जो पूरे देश के जितने भी संस्थान में उसमें टॉप इंस्टीट्यूट हमें ढूंढना है और उसको रैंक देना है, उसको अवार्ड प्रदान करना है। तो इसमें भी आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पे यहाँ पे कौन सा है, आईआईटी मद्रास। वहाँ पे कौन सा था अटल रैंकिंग में, आईआईटी मद्रास सार्वजनिक क्षेत्र में, और प्राइवेट में वीआईटी। बस इतना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में दो हैं, आईआईटी कानपुर है और बीएचयू है, ये और याद रखिएगा। यूपी का 6वें नंबर पे आईआईटी कानपुर और बीएचयू 10वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा है इंडिया रैंकिंग में, पहले नंबर पे आईआईटी मद्रास, अटल रैंकिंग में पहले नंबर पे वित्त पोषण में आईआईटी मद्रास, और प्राइवेट सेक्टर में वीआईटी। बस ये और क्या है, कुछ नहीं है। ये दो रैंक बनाई गई ताकि इनको पुरस्कार दिया जाए, अगली बार प्रतिस्पर्धा का वातावरण हो। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। 6 मार्च 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया था, और इस स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर नंबर एक, ये फिक्स है, इसने अपनी जगह बिल्कुल बना रखी है। इंदौर नंबर एक हो गया है, ये बना ही हुआ है। बिहार का सहरसा सबसे गंदा अंतिम स्थान पे आया इस बार, ठीक है। बिहार का सहरसा, खुश मत होइए, पिछली बार उत्तर प्रदेश का गोंडा था, ठीक है। तो बिहार में सहरसा जो है सबसे अंतिम स्थान पे, 425 शहर थे और 425वें नंबर पे सहरसा आया है। टॉप 50 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 13वें नंबर पे आया है, ठीक है। ये एक खुशी की बात है, इसको गार्बेज फ्री सिटी, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का भी कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होता है, इस रूप में इसको रैंक दी गई है, ठीक है। कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, कहीं कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो ये हो गया। हाँ, अभी इस समय अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 चल रहा है, जिसमें नोएडा प्रतिभाग कर रहा है, शायद गाजियाबाद इस बार प्रतिभाग नहीं कर रहा है। तो नोएडा की जितनी गंदगी यहाँ शिफ्ट की जाएगी, उसको फिर रैंक दिलाई जाएगी। अगला है नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण हो गया, याद रखिएगा, ये पूछेगा। इंदौर रट लो, इंदौर ही बार बार आता है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद बस, और सबसे अंतिम है सहरसा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चंद्रयान टू में एक बात, मैं उस रात में जग रहा था जब चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि क्योंकि विक्रम लैंडर जब लैंड हो रहा था तो उसके अंदर कोई था, उसका नाम था प्रज्ञान, है ना, अंदर वो था। चलो विक्रम लैंडर ने भरोसा छोड़ दिया तो प्रज्ञान भी, है ना, कम से कम उसको तो कुछ बातचीत करनी चाहिए। वो गया, वो भी बिल्कुल शांत, वो भी गायब हो गया, दो उसने भी धोखा दे दिया, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा इमोशनल मोमेंट था, वो पूरा का पूरा जब आप सिनेरियो पूरा देखे, वो लैंडिंग हो रही थी, अचानक से उन्होंने क्या किया, अचानक से क्या हुआ कि रिसीवर के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन था वो बंद हो गया, बताया नहीं गया क्या हुआ, मीडिया वाले हमारे तुरंत बता नहीं सकते कि असफल हो गया प्रोग्राम। के सीवान प्रधानमंत्री जी के पास बोले, उनसे कहे उठिए, अब कोई मतलब नहीं है, क्यों बैठे हुए हैं आप। प्रधानमंत्री बैठे रहे लगभग 5-6 मिनट, वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, शायद कुछ आएगा, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था। वो मिसल मंगल मूवी दिखाई गई है ना, उसमें वो क्या करती है, जब पूरा संपर्क टूट जाता है तो पूरा हटका बंद, फिर वो फोन स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला, तो लग रहा था शायद कुछ ऐसा ही कर दें, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो चला गया। अब इसके बारे में पूरा समझते हैं, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहली बार डेट पूछी जाएगी, ये जो आपका लॉन्च हुआ ये डेट, ये 98% सफल प्रोग्राम है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ये असफल नहीं हुआ, के सीवान जी का ये कथन है, ठीक है। क्यों, ऑर्बिटर अभी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो तो एक छोटा सा हमारा था कि हम भैया चंद्रमा को छू के आएंगे, है ना, प्रज्ञान को भेजेंगे और वो उसमें टहल घूम के आएगा, ठीक है। अगले साल, अगले 2022 में तो हम मानव भेज रहे हैं, गगनयान कर रहे हैं, तो अगला 22 जुलाई 2019 को 2:43 में पहली बार इसकी लैंडिंग पहले थी, फिर उसको डिले करके डेट नई डेट आई है, 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर चंद्रयान को लॉन्च किया गया, और इसकी कमान दो महिलाओं ने संभाली,
जैसे मंगल मिशन में था ना, उसमें तो पुरुष था कमान में लेकिन महिलाएं थी। देखो जुगाड़, पूरी सेक सेक के, पूरी कैसे दिमाग, भारतीय जुगाड़ी होते हैं। पीएसएलवी से भेज दिया उसको, ये तो जीएसएलवी से गया था चंद्रयान। पीएसएलवी में ईंधन कम होता है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि इतने लंबी दूरी को लेके, चंद्रमा बहुत दूर नज़दीक है। तो जीएसएलवी था नहीं उस समय क्योंकि विफल हो चुका था प्रोग्राम, हमारा क्रायोजेनिक सिस्टम जो तकनीकी थी वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, तो उसको हम पीएसएलवी से हमने उसको लॉन्च किया था, ये जीएसएलवी से गया। तो ये पहला अंतर्ग्रही मिशन है जिसकी कमान दो महिलाओं में थी, इन महिलाओं के नाम रख याद कर लीजिए, एम विनीता और ऋतु करिधाल, ये दो महिलाएं थी, एम विनीता और ऋतु करिधाल, ठीक है। इस मिशन में तीन चीज़ें थी, पहला था तो ऑर्बिटर, ठीक है, पहला था ऑर्बिटर, दूसरा था विक्रम लैंडर और तीसरा था रोवर, रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो इसके तहत पूरा सिस्टम ये बनाया गया कि सबसे पहले ऑर्बिटर को जाना है चंद्रमा की कक्षा में और उसके नज़दीक घूमना है जाके, तो ऑर्बिटर तो पहुंच गया टाइम से। उसके बाद ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर अलग हो जाएगा प्रज्ञान को लेकर, वो अलग भी हो गया, लेकिन लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट था कि चंद्रमा की सतह पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाना, जो कि बहुत ज़रूरी था, उसका वेग इतना ज़्यादा था, लेकिन फाइनली वो हम कराने में असफल रहे और उसकी हार्ड लैंडिंग हुई जिसके कारण से वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसकी लोकेशन तो पता चल गई लेकिन वो अब काम करने में अक्षम है, ठीक है। तो विक्रम लैंडर जो है आपका फाइनली दक्षिणी ध्रुव में इसे उतारना था हमें, ऑर्बिटर पहले दक्षिणी ध्रुव की लोकेशन पर लेके गया, वहाँ इसे हमें उतारना था जहाँ तक आज तक कोई नहीं गया, ठीक है। तो दक्षिणी, ये मतलब दक्षिणी ध्रुव आज तक किसी ने नहीं देखा हमें, आपको पता ना चंद्रमा का हम सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं, दूसरा हिस्सा नहीं देखते, क्यों, क्योंकि उसकी परिक्रमण गति और घूर्णन गति सेम है जिसके कारण से उसका एक ही हिस्सा में दिखाई देता है, एक हिस्सा तो किसी ने देखा ही नहीं। तो हमने उस हिस्से में जोखिम लिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं जाती है। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी चूंकि नहीं जाती है जिसके कारण से उसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके जो चार जो ट्राइपॉड थे उनमें से एक ट्राइपॉड के सेक्शन ने काम नहीं किया जिसके कारण से वो पलट गया होगा, उल्टा हो गया होगा और सिर के बल गिर गया होगा। तो लोगों के अलग अलग अभी कथन है, उस पर डेटा एनालिसिस चल रहा है, देखो कब तक आंकड़े आते हैं। चलो तो इसमें हुआ क्या, ये मिशन में दक्षिणी ध्रुव में लैंडर और रोवर को उतरना था, डेट याद रखिएगा 7 सितंबर 2019 को, ये 1:53 का टाइम था उसके उतरने का, लेकिन वो 2.5 किलोमीटर पहले ही अपना संपर्क, उसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया और इसके तहत जो है विक्रम लैंडर से रात को लैंडिंग के दौरान जो है संपर्क टूट गया। लेकिन इसरो प्रमुख ने क्या कहा है, इसरो प्रमुख के नाम तो आप जानते हैं, के सिवान साहब, अभी इनको एक पुरस्कार भी तमिलनाडु सरकार ने दिया है, चर्चा करेंगे। तो इसका संपर्क टूट गया और रोवर जो प्रज्ञान था, देखो रोवर ज़्यादा 26 किलो का रोवर था, ज़्यादा वजनी नहीं है, 26 किलो में आप लोग के तो जस्ट डबल है, आप 26 किलो का रोवर था और लैंडर था आपका 1477 किलो का, तो शायद वजन ना पूछ ले तो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा होता, वो सॉफ्ट लैंडिंग होती, इसके बाद वो रोवर निकलता और टहलता घूमता, ठीक है, और वहाँ से उसके आंकड़े, उसके ज़मीनी जो भी जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनके थ्रू उसको पहुँचाता हमारे तक, जो सेंसर लगे हुए हैं उसके थ्रू जानकारी मिलती। चलिए अगला चलते हैं, जयपुर को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है, किसने किया है, यूनेस्को ने किया है, कब किया है, अभी किया है, 43वां सम्मेलन अभी आपका आयोजित हुआ है अजरबैजान की राजधानी बाकू में, तो वहाँ पर ये विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ है, इस प्रकार से भारत का 38वां स्थल बन गया जयपुर, ठीक। अगला पॉइंट, अगला है विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी चाइना का हो जाता है, कभी अमेरिका का हो जाता है ना, तो इस समय अमेरिका का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है जिसका नाम है समिट, है ना, समिट नाम है इसका, समिट जो है विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है और भारत का प्रत्यूष जो है 53वें नंबर पे, टॉप 500 की अभी लिस्ट जारी की गई है उसमें से प्रत्यूष भारत का जो 53वें स्थान पर है, ठीक है। फोनी के बारे में आपने सुना ही है, 3 मई को आया था 2019, 3 मई को ये उड़ीसा के पुरी तट से चक्रवात टकराया था और इसके कारण से भारी भीषण तबाही होती है जब भी कोई आपदा आती है, ठीक। फोनी याद रखिएगा, फोनी उड़ीसा तट से अभी चक्राया। अगला है मलेरिया का टीका ढूंढ लिया गया है, पहली बार एक देश है जिसका नाम है मलावी, मलावी में टीका लॉन्च हुआ है, इसका नाम है RTS-S-Maxuarix, ठीक है, ये टीका ध्यान रखिएगा। विश्व में मलेरिया का पहला टीका खोजा गया है मलावी में, RTS-S-Maxuarix, ठीक है, इस टीके का नाम है। अगला मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के बारे में आपने सुन रखा है, आसान भाषा में समझाओ तो कुछ नहीं, उपग्रह भेदी मिसाइल मिशन है ये,
उपग्रहों को भेद देना, उनको खत्म कर देना, जिंदा उपग्रहों को मार देना, यानी उपग्रह गतिशील होता है, उसको जाकर उसकी लोकेशन पे उसको मार के चले आना। अभी ये संभव हुआ, भारत चौथे चार देशों में सम्मिलित हो चुका है। तो मिशन शक्ति के तहत उपग्रह भेगी मिसाइल परीक्षण है, जिसमें 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में एक सक्रिय उपग्रह था, जिसको सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। किसने ध्वस्त किया? इसने ध्वस्त किया। मिशन शक्ति के तहत अब भारत भी उद्देश्यों में आ चुका है। इसरो का सबसे वजनी उपग्रह अभी लॉन्च किया गया, सबसे ज्यादा वजन वाला उपग्रह GSAT-11, ठीक है, 6 टन का है ये, 6 टन श्रेणी का पहला उपग्रह है। इसरो का सबसे वजनी उपग्रह इसरो द्वारा निर्मित है, इसको GSAT, ये 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट जो आपकी, जिसको बोलते भू स्थिर कक्षा, उस पे ही ये जा करके घूम रहा है। इसको फ्रेंच गुयाना से ही छोड़ा जाता है, एरियन रॉकेट से ही छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका GSAT, ध्यान रखिएगा, GSAT-11 इसरो का सबसे भारी उपग्रह है, 6 टन श्रेणी में, ठीक है, और ये आपका भू स्थैतिक कक्षा पे घूमता है, ठीक, जो GPS वाली कक्षा है वहीं पर जाके घूमता है। अगला है गगनयान। इसरो क्या करना चाहता है, 2022 में भारत से मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजना चाहता है, मानव को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है इसरो खुद, अभी तक नहीं हुआ, अभी नासा के माध्यम से ही कुछ भारतीय गए हैं, कल्पना चावला हो गई, राकेश शर्मा हो गया, अब भारत भी करेगा इस काम को। और इसके लिए मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री अभी चल रहा था ट्रायल्स, वायुसेना के कुछ सदस्यों को लिया गया है और इसरो के भी कुछ सदस्यों को इसको लिया जाएगा, संयुक्त रूप से दोनों जाएंगे, ठीक है। अगला, इसके लिए एक कृत्रिम इन्वायरमेंट बनाया गया अंतरिक्ष में रहने का, यहीं पे बंगलुरु में बनाया गया है, उसमें वो लोग रह रहे हैं और रह करके अब धीरे धीरे अंतरिक्ष की चुनौतियों को वो कृत्रिम रूप से समझ रहे हैं और अभी ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है। जब ट्रेंड हो जाएंगे तो 2022 में जो भी समय होगा निर्धारित किया जाएगा, इसरो इसकी डेट बताएगा और फिर ये भेजा जाएगा। मिशन का नाम है गगनयान, ठीक, मिशन गगनयान। अगला है ये जो मैंने आपको बताया FDI में सबसे ज़्यादा FDI विदेशी निवेश हमको मॉरीशस भेजता, RBI का भी डेटा आया था, $13.42 बिलियन जो है मॉरीशस से आता है, फिर सिंगापुर से आता है, फिर नीदरलैंड से आता है। तो 3 टॉप FDI वाले देश याद रखिएगा, मॉरीशस, पूछता है क्वेश्चन आता है मॉरीशस, सिंगापुर और नीदरलैंड, है ना, सबसे ज़्यादा FDI इन 3 देशों से आता है हमें। अगला क्वेश्चन है आपका, 25 जनवरी को एक डेटा निकल के आया, ये डेटा दिया वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने बताया कि भारत कच्चा इस्पात उत्पादक देशों में दूसरे स्थान पे आ गया है, अभी तक तीसरे में था। कच्चा लोहा जो है ना, जो कच्चा स्टील उत्पादन है, भारत अब दूसरे नंबर पे है। तो ये डेटा हो सकता है करंट का है, चेंज हुआ है, अभी तक दूसरे नंबर पे जापान था, अब भारत आ गया है, ठीक है। तो कच्चा इस्पात उत्पादक देशों में भारत दूसरे स्थान पे आ चुका है, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे जापान है, ठीक। तो ये हो गए आपके जितने भी विज्ञान प्रौद्योगिकी और इकोनॉमी से जुड़े हुए जो भी जरूरी क्वेश्चंस थे उसके बारे में जानकारी। अब मैं आपको खेल परिदृश्य के बारे में बताऊंगा। थक गए? नहीं ना, चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत अच्छे से अब देखो ये डेटा धीरे 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 आपको आसानी से, डेटा है ऐसे ही होता है, डेटा एनालिसिस करने में टाइम लगता है ना, मैंने इसीलिए बोला था ब्रेन को खाली करके आना, नहीं तो हैंग हो जाएगा, ज़्यादा डेटा दे रहा हूँ मैं, मेमोरी है नहीं आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खेल परिदृश्य। हर साल लॉन टेनिस की 4 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएँ होती हैं, ठीक। पहले, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन फिक्स है, हर साल में 4 प्रतियोगिताएं, बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर US ओपन, ये 4 होती हैं और 4 को जीतने वाले भी फिक्स हैं, है ना, कभी वो जीतता है कभी वो भी, यही जीत रहे हैं, 3-4 ही हैं ये, तो आपस में जीतते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 जोकोविच ने जीता है, ठीक है, पुरुष एकल में, मैं मिश्रित एकल नहीं बताऊंगा, भारतीय तो वही नहीं तो काय को बताएं। तो यहाँ पे जोकोविच ने पुरुष एकल में पूछता है, इनमें से कोई ना कोई एक तो हमेशा पूछ लेता है। महिला एकल में नाओमी ओसाका ने जीता है,
नाओमी ओसाका। अब ये क्वेश्चन यही सब पूछ रहा है केबीसी में, आप देखोगे ये, आप करंट अफेयर्स देखोगे ना बहुत से, जैसे कि अभी पूछा था उसने, मैं देख रहा था एक क्वेश्चन पूछा था एस्ले बाल्टी के बारे में था क्वेश्चन। एस्ले बाल्टी जो है ये अभी ये जीती है लॉन टेनिस में, इसने जीता था एस्ले बाल्टी ने फ्रेंच ओपन, और ये क्रिकेटर भी रह चुकी है ऑस्ट्रेलिया में। तो पूछा था कि कौन सी लॉन टेनिस की खिलाड़ी है जो क्रिकेटर भी है और ये भी है ना। तो ये क्वेश्चन जितने भी है सब इसी से ही निकल के आएंगे। तो यहाँ पे पहला है आपका यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में और महिला एकल में नाओमी ओसाका। ठीक ठीक कि नहीं ठीक? हाँ। अगला है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है, स्पेन का है ये। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और ये राफेल नडाल आपके स्पेन के हैं, ये फ्रेंच ओपन जीते हैं। चार ओपन है, गड़बड़ाओगे आप पक्का। फ्रेंच ओपन को एसएल बाल्टी ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की है। दो यू है, देखो पुरुष अलग है महिला, प्रतियोगिता अलग है, पुरुष अलग खेलेंगे महिला अलग खेलेंगे, मिश्रित में दोनों मिलकर खेलते हैं। तो मिश्रित में बताऊंगा नहीं, ज़्यादा आदमी हो जाएंगे नहीं तो उसमें, है ना, दो आदमी काहे को ज़्यादा पढ़ें जब अपने से मतलब नहीं है। तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल पुरुषों में और अकेले एस्ले बाल्टी इन्होंने जीता। विंबलडन, पहले सेरेना विलियम्स का नाम बहुत आता था, लेकिन जब से उनका प्रेग्नेंट हुई, बेबी हुआ उसके बाद से, है ना, इसीलिए कह रहा हूँ विवाह मत करो, उसके बाद ही दुर्भाग्य खराब होता है। तो ये जो है विंबलडन 2019 को जोकोविच ने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जोकोविच ने जीता, दो गेम जो है जोकोविच ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। सिमोना हापेल ये रोमानिया की हैं, इन्होंने महिला एकल में विंबलडन को जीता है। ठीक है, यूएस ओपन राफेल नडाल, फ्रेंच और यूएस को राफेल ने जीता है, है ना, तो दो कॉमन हो गए, इतना ध्यान रखिएगा। एक को याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये जोकोविच है, तो बाकी के दो जो है राफेल के हैं, राफेल नहीं फ्रेंच और यूएस ओपन जीता है। और इसमें जो है यूएस ओपन में जो हैं ये कनाडा की हैं बियांका एंड्रियोस्क्यू, तो इन्होंने जो है महिला उसमें जीता है। सेरेना विलियम्स के सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है ना। और अभी जो है देखा जाए तो ओवरऑल रोजर फेडरर जो हैं इन्होंने 20 जीत रखा है, जोकोविच के शायद अभी 19 हुए हैं, है ना, तो अभी अभी तो फेडरर सबसे ज़्यादा, इस बार फेडरर नहीं जीते कहीं पर भी, नहीं तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पे ये भी आ जाते हैं। चलिए क्रिकेट, है ना, बहुत जानते हैं क्रिकेट के बारे में आप लोग। वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2019 में, क्या गजब का मैच था, मैच देखा कि नहीं देखा आप लोग, है ना, अंत वो बेईमानी कर, क्या नियम बनाया आईसीसी ने, बेईमानी के तहत इंग्लैंड को जिता दिया, है ना। ऐसा कौन सा नियम होता है कि भैया जिसके बाउंड्री ज़्यादा होंगे, अरे सुपर ओवर फिर से कराते हैं, कवर होता है ना तो फिर मज़ा आती, बेचारा मैच उसको बेईमानी करा दिए, उन्हें पता होता कि सुपर ओवर में ऐसा रूल है तो ज़्यादा चौके मारते, है ना, तो हरा दिया वो बेईमानी के कारण से। संयुक्त विजेता घोषित करना चाहिए था, दोनों को कभी वर्ल्ड कप नहीं मिला, एक शील्ड ज़्यादा ही लगती है और क्या, पैसा आपस में बांट लेते आधा आधा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का 12वां संस्करण हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स की संयुक्त मेजबानी थी, 30 मई से 14 जुलाई तक मैच चला था और विजेता इंग्लैंड बना दिया गया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज सब जानते हैं, कैप्टन था न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को मिला, और मैन ऑफ द मैच यही आदमी, ये और बेईमान था, इसने तो बैट लगाया था, 4 रन इसी कांड गया था। तो ये जो है ये बेन स्टोक्स हैं, ये जो है इसने माफ़ी मांगी थी लेकिन बेचारे ने, है ना, तो इसका इंटेंशन नहीं था, वो धोखा किस्मत है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना, उस दिन बैट के रूप में थे। तो बेन स्टोक के द्वारा बहुत अच्छा खेला इन्होंने, प्रॉपरली बहुत अच्छा खेला। तो और दूसरा उसमें आर्चर को जानते होंगे, क्या गजब की गेंदबाजी करते हैं वो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है बंदा कि दो हेलमेट लेके आना भाई, है ना, मेरे साथ खेलना है तो हेलमेट संख्या बढ़ा लेना, क्योंकि पीटूंगा जरूर मैं, कहीं ना कहीं तो जाएगा आपका, और बहुत सारे लोगों को घायल करके मुस्कुराता बहुत है वो। ठीक है, अगला जो है ये हो गया आपका, तो इतना याद रखना है, पहला कि इंग्लैंड ने जीता है इस बार का, और प्लेयर ऑफ द सीरीज वगैरह पूछ सकता है क्योंकि इसी साल हुआ है, इसमें तो पूछ सकता है वनडे एग्जाम में, आमतौर पर ऐसे पूछता है। आईपीएल हुआ है आपका 12वें नंबर का हुआ है, ठीक, आईपीएल में 12वें नंबर का हुआ है, 23 मार्च से 12 मई के बीच में हुआ है, डेट की जरूरत नहीं है, हैदराबाद में हुआ था ये फाइनल मैच और मुंबई इंडियंस जीत गई। ठीक है, चौथी बार जीती है मुंबई इंडियंस, कहाँ से ना अमीर बन जाएं मुकेश अंबानी। अगली बार नेक्स्ट, अब देखो एक और मैंने नया कुछ पढ़ा, नया क्या अब पता नहीं, मुझे भी कल मिला तो मैं काफ़ी इस पर रिसर्च करता रहा, सोचता रहा,
एक ओलंपिक एक नहीं होते, कई प्रकार के ओलंपिक होते हैं, ठीक। एक प्रकार के ओलंपिक अगले साल होने हैं जापान में, टोक्यो में होने हैं, ठीक है, जिसको ग्रीस में ओलंपिक कहते हो, जिसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। ये पता नहीं कहाँ से आ गए और इनका नाम ओलंपिक किसने रख दिया। इसमें तो मैं देखा, जब मैंने भारत के पदक देखे, मैंने कहा ये कौन है, इतने पदक कैसे जीत गए। इसका नाम सुनिए, 15वें विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये अलग खेल है, भारत बहुत जीता है इसमें। 15वें विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं, 2019 में हुए हैं, आबू धाबी में हुए हैं, ठीक है। और ये इसमें भारत ने 85 स्वर्ण मेडल जीते हैं, 100 देश थे इसमें भी, ऐसा नहीं था कि भारत अकेले खेल रहा था, ठीक है। 85 स्वर्ण, 154 रजत, 129 कांस्य, 368 पदक। पता नहीं क्या खा पी के गए थे, ठीक है, एक ही बार में 368 पदक इन्होंने जीते। और यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया ने 14 महिलाओं को भेजा था एथलीट में, तो लोग इसे भी देखने आए थे कि अरे सऊदी अरेबिया से महिलाओं को अधिकार मिला, पहली बार महिलाओं को अधिकार सऊदी अरेबिया में अब मिल रहे हैं, जैसे वोटिंग राइट। सलमा बिंद का नाम आपने सुना होगा, सलमा बिंद को 2016 में शायद पहली बार चुनाव लड़ने का, पहला चुनाव जीती थी सलमा बिंद, वहाँ पे पहली बार मताधिकार भी मिला महिलाओं को, वहाँ पे अभी तक मताधिकार नहीं था। अरब स्प्रिंग के बारे में आपने सुना होगा। अरब स्प्रिंग कुछ नहीं है, आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल अरब जितनी भी कंट्रियाँ हैं, गल्फ कंट्रियाँ हैं, अरब सागर के आसपास जुड़ी कंट्रियाँ हैं, इन सभी कंट्रियों में, अरब प्रायद्वीप से जुड़ी हुई कंट्रियाँ हैं, इन सभी कंट्रियों में तानाशाही चल रही है, सैन्य शासन चल रहा है, लोगों के अधिकारों की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर बड़े स्तर पर व्यापक जन आंदोलन हो रहे हैं। 2011 से अरब स्प्रिंग चालू हुआ था, इस समय 2.0 चालू हो चुका है ना। और जो है अरब स्प्रिंग के तहत देशों में लोकतांत्रिक सत्ता को बहाल किया जा रहा है, बस ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके तहत अब अधिकार दे रहे हैं अरब राष्ट्र, तो अरब स्प्रिंग के अंतर्गत ही इसे देखते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की बहाली, पहली बार महिलाओं को खेल में भेजा विशेष ओलंपिक में सऊदी अरेबिया ने, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 15वें विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2019 में हुए थे इसी साल, ठीक। और ये इसमें भारत बहुत जीता, 368 पदक जीता है, जिसकी कोई चर्चा नहीं की गई। यहाँ पे विशेष शीतकालीन ओलंपिक भी होता है, एक ही ओलंपिक रखते, पता नहीं ओलंपिक के नाम पे तीन तीन चार चार ओलंपिक, पैरालंपिक अलग खिलाएंगे, ओलंपिक अलग, विशेष ओलंपिक अलग। ये विशेष ओलंपिक है, ये वो ओलंपिक नहीं है, वो ओलंपिक होगा अगले साल, उसको हम उसी में, उसमें हम दो नहीं ले पाते, तीन में पसीना छूट जाता है, एक गोल्ड मेडल लाने में लगता है पसीने, कपकपी हो जाती है हमें, है ना। अभी तक कितने गोल्ड मेडल के नाम पे हम कुछ नहीं पाए। हॉकी में कभी आया करते थे जब भारत गुलाम था, तब आते थे, और अभी अभिनव बिरेंद्रा ले आए थे, उसके बाद वो भी शांत हो गए, वो बोले एक ही बार होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे भारत में उस ओलंपिक में हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या। यहाँ पे आप देखिए, अगला है आपका, ये विशेष शीतकालीन ओलंपिक होना है 2021 में, स्वीडन में होगा। तो विशेष वाला अभी हुआ था ग्रीष्मकालीन अबू धाबी में, और ये आपका शीतकालीन होने वाला है स्वीडन में। अगला, नेक्स्ट, प्रथम क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ये नई चीज़ है, पहली चालू हो चुकी है। रिजल्ट कब आएगा? टेस्ट मैच है, टेस्ट चैंपियनशिप है, आराम आराम से आता रहेगा। कब आएगा रिजल्ट इसका, कब इसका फाइनल खेला जाएगा? हाँ, 2021 में, देखने की लत मत लगा लीजिएगा, पता चला दो साल इसी में निकल गए, है ना। टेस्ट चैंपियनशिप है, हाँ, तो टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार चालू की गई है आईसीसी के द्वारा, आईसीसी की प्रतियोगिता है जिसका कारण चालू हो गया। इसमें होगा कि जो लास्ट में दो टॉप टीमें बचेंगी, जिनको बड़े ज़्यादा अंक मिलेंगे, उन्हीं के बीच में मुकाबला होगा। तो इसका 2021 में फाइनल मुकाबला इंग्लैंड में खेला जाएगा। विश्व कप, अगला विश्व कप होना है 50-50 वाला, वर्ल्ड कप 2019 का तो हो गया इंग्लैंड और वेल्स में, अगला हमारे यहाँ होना है 2023 में भारत में होगा, देखते हैं। इस बार हम चूक गए, ठीक है, न्यूजीलैंड हार गई, उसका हमें दुख भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके कारण हम भारत बाहर हुए थे, है ना। भारत के लोग बड़े स्तर पर अघाए सांस लेते हैं, ठीक है। आपको शायद पता ना हो, फाइनल में भारतीयों ने सारी टिकटें खरीद रखी थी, न्यूजीलैंड वालों को खूब ब्लैक में भेजा, एक एक टिकट 50-50 लाख रुपए की भेजी है भारतीयों ने, सब खरीद रखा। हमें कॉन्फिडेंस इतना था कि हमारी टीम जाएगी कहाँ, इतना अच्छा फॉर्म सब कुछ चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य था उस दिन का न्यूजीलैंड की टीम से। और न्यूजीलैंड की टीम, वो पहली इनिंग देखिए आप, पहली इनिंग में तो इधर है क्या, ये बच्चे आगे खेलने, है ना। दूसरी इनिंग में हमें पता चला कि हम भी बच्चे हैं अच्छा खासा कूट दिया उसमें। नेक्स्ट, अगला
अगला कहाँ है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आपका इंग्लैंड में होना है, 50-50 वाला भारत में, T20 अगले साल, T20 का 2020 2020 में T20 का वर्ल्ड कप होना है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा, ये पूछेगा ये। अगला है आपका ये महिलाओं का वर्ल्ड कप, महिलाओं का भी विश्व कप है, 2018 वाला हुआ था, भारत यहाँ से भी हार गया था और सेमीफाइनल से बाहर हो गया था, वेस्ट इंडीज में हुआ था ये मैच, ऑस्ट्रेलिया जीता था और इंग्लैंड उप विजेता के रूप में था इसमें। और इसके बाद जो है अगला जो होना है इसका 7वां संस्करण, ये अगले साल है ऑस्ट्रेलिया में ये होना है, ठीक है। इसके बाद उस समय शायद T20 में हरप्रीत कौर हैं, उसकी कैप्टन है, और 50-50 में मिताली राज रहती हैं इनका जो है, ठीक है। अगला है 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में और पालेमबांग में शहरों में संपन्न हुए हैं। भारत इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए 15 गोल्ड मेडल, 24 स्वर्ण रजत मेडल, 30 कांस्य मेडल, 69 टोटल पदक हमें मिले और हम 8वें नंबर पर रहे सम्मान के साथ, टॉप 10 में जगह हमने बनाई, चीन पहले नंबर पर था, ठीक है। तो अभी जो हुए हालिया समय 18वें एशियाई खेल, ज़्यादातर संभावना ये है कि पूछे कि कहाँ हुआ है, तो इंडोनेशिया में हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और भारत 8वें स्थान पर रहा ये भी ध्यान रखिएगा। फीफा विश्व कप 2018 में हुआ था, रसिया में हुआ था, पहले नंबर पे फ्रांस आया था, क्रोएशिया, सब बड़ी बड़ी जितनी भी टीमें थी सब बाहर हो गई, शुरुआत में ही बाहर हो गई, बड़ा आश्चर्यजनक फीफा हुआ था ये, जर्मनी बाहर हो गया, ब्रिटेन जितना ब्राज़ील बाहर हो गया, है ना, जो बड़े बड़े देश हैं जिनमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सब बाहर, अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना में मेसी जैसे। चलो आगे नेक्स्ट, अगला है आपका ये तो विश्व कप फीफा हो चुका है 20 में, अगला जो है 22वां फीफा जो अगला होना है 2022 में होगा वो कतर में होगा, और 23वां फीफा 2026 में कनाडा में होगा। तो अगला फीफा जो होगा 4 साल बाद वो यह ध्यान रखना कतर में होगा, इस साल का रूस में था, और उससे अगला वाला 4 साल बाद कनाडा में होगा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में है, जिसकी तैयारी चल रही है, 23 और उसके बाद फिर 4 साल बाद पेरिस फ्रांस में होने हैं, तो अभी से ही 3-4 साल के बता दीजिए। 34वां भी कब होना है 2028 में लॉस एंजलिस में होना है, ठीक है। 32वां इससे पहले वाला कहाँ हुआ था, अभी जो हो के गया वो कहाँ हुआ था, हाँ लंदन में हुआ था, अब जो होना है वो टोक्यो जापान में होना है, उसके बाद जो 4 साल बाद होगा वो फ्रांस में होगा, उसके 4 साल बाद जो होगा वो लॉस एंजलिस में होगा। आप अगले साल बराबर याद रखें, टोक्यो याद रखिए, टोक्यो के अगला वाला वो याद रखिए, पेरिस फ्रांस वाला 33वां तक याद रखिए, उसके आगे मत जाइए, और पुराना याद रखिए लंदन वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होने, शीतकालीन ओलंपिक का दिया है बीजिंग चीन में होना है, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बनेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हुआ था, पीवी सिंधु का नाम आपको पता है, दो लोगों का नाम याद रखना, बी साई प्रणीत का नाम याद रखना है और पीवी सिंधु का याद नाम रखना, ये क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 स्विट्जरलैंड में हुई थी, है ना, यही अभी हालिया समय में संपन्न हुई 19 से 25 अगस्त के बीच में, इसमें महिला एकल में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और बी साई प्रणीत ने कांस्य मेडल प्राप्त किया था, ठीक है। गोल्ड मेडल इसमें जापान के हैं, इनका नाम है केंटो मोनोटा जो है, ये पुरुष में प्राप्त हुए थे और बी साई प्रणीत कांस्य मेडल में थे, ठीक। राष्ट्रीय खेल 2022 में होने, मेघालय में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम, इनको लग रहा था कुछ पैसा कम मिल रहा है तो कॉमनवेल्थ गेम में अब क्रिकेट को भी सम्मिलित कर लिया गया है, यानी कि अब कॉमनवेल्थ गेम यदि होंगे तो उसमें क्रिकेट भी सम्मिलित होगा, तो अभी महिलाओं का जो क्रिकेट है कॉमनवेल्थ गेम में सम्मिलित कर लिया गया है, कॉमनवेल्थ गेम में भी अब महिलाएं जो है क्रिकेट मैच खेलेंगी, उसका भी गोल्ड मेडल भारत लेके आएगा, ठीक। अभी पुरुष का नहीं सम्मिलित करेंगे, ये सिर्फ पुरुष का इतनी प्रतियोगिताएँ हैं, है ना, वैसे भी क्रिकेट देख देख के मन, महिलाओं का देखते हो आप लोग, है ना, नहीं पता ना, तो महिलाओं के लिए, महिला वुमन एम्पावरमेंट उसके लिए, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट, कहाँ पहुँचे हम, हाँ कॉमनवेल्थ, अपूर्वी चंदेल का नाम याद रखिएगा, अपूर्वी चंदेल ने अभी 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड में गोल्ड प्राप्त किया है, अपूर्वी चंदेल ने निशानेबाजी में पहली भारतीय विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जर्मनी म्यूनिक में ये प्रतियोगिता थी। अगला बहुत ये दुख की बात,
लगती है क्योंकि युवराज सिंह सबके फेवरेट थे, अचानक से इन्होंने सरप्राइज कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से छुट्टी ले ली है। गौतम गंभीर को देखिए, संन्यास लिया, चुनाव लड़ लिया तुरंत, है ना, दूसरी चीज जगह में पहुंच गया। ऐसे दिमाग होना चाहिए, लेकिन अब ढूंढ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, है ना, तो अब कहीं बाहर खेलने। और तो युवराज सिंह जो है अचानक से चले गए, सरप्राइज कर गए, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे, भारत के लिए बहुत कुछ किया है। याद करिए 2007 के बाद भी 11 युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज थे, है ना, उनके वजह से ही आपने जो मुझे जैसे याद है क्वार्टर फाइनल मैच जो था युवराज सिंह ने निकाला था, सेमीफाइनल सचिन ने निकाला था, क्वार्टर फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था युवराज सिंह ने निकाला था, और फाइनल में गौतम गंभीर और धोनी लगे हुए थे, है ना, वो मैच अभी भी दिमाग में तरोताजा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहाँ पहुँचे हम लोग, पहुँचे युवराज सिंह के आईपीएल। तो ये डेट है 10 जून 2019 की, इसमें ये इन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। अब देखो फार्मूला वन रेस होती हैं बहुत सारी, ये भी बहुत जगह पे अलग अलग होती रहती हैं, इसमें फिक्स होता है दो ही तीन लोग होते हैं, वही जीतते हारते हैं। बहुत लोग एक साथ फार्मूला, यहाँ पे बुद्धा सर्किट है, आप जाएंगे ग्रेटर नोएडा से पास वहीं पे, तो वहाँ पे बुद्धा सर्किट है, आपका जो एक्सप्रेस वे है ना, यमुना एक्सप्रेस वे, इसी पे आपका बना हुआ है, तो वहाँ पे भी ये फार्मूला वन रेस भारत में भी होती है। तो इसमें जो है कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ बहुत ईजिली समझाना चाहूँ, कई सारी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं फार्मूला वन की, है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हैं, ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ऑस्ट्रेलिया 2019 और अजरबैजान 2019। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है वाल्टेरी बोटास, ये फिनलैंड के हैं और जर्मन मर्सिडीज कार से ये चलते हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस के विजेता हैं। इसके अलावा जो है आपके कनाडा, मोनोको, स्पेनिश, बहरीन, यहाँ के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं, लुईस हैमिल्टन जीतते हैं, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बहुत आसान है, इसमें आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से अजरबैजान, ठीक है, ये फिक्स रहेंगे, साल भर देखेंगे इन्हीं दो में से चलता रहेगा, वो कहता है तुम अपनी गाड़ी निकाल लो, उसकी गाड़ी निकलवा देता है, सब फिक्स होता है इसमें, कुछ नहीं होता, पैसा बहुत इसमें, एक एक टिकट बड़ी महंगी बिकती है, ठीक है। ये हो गया आपका खेल, इतना ही था खेल और कुछ नहीं। अब मैं आपको लेके आता हूँ पुरस्कारों में, मैं आपको पुरस्कार बताता हूँ, पुरस्कार बहुत आसानी से समझते जाइएगा। भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, दो प्रकार के पुरस्कार होते हैं, सैन्य पुरस्कार और नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, है ना, और यदि देखा जाए ओवरऑल उधर, तो उधर परमवीर चक्र सबसे बड़ा बेदार होता है, है ना, सैन्य में, वो युद्धकालीन परिस्थितियों में जो हमारे देश के जवान होते हैं उनके शौर्य कौशल के लिए वो दिया जाता है, जब युद्ध जनिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि मनोज पांडे और बहुत सारे लोग हैं जिनको दिया गया था, अब तो नहीं, अभी शांति टाइम पे कीर्ति चक्र और वीर चक्र ये सब दिए जाते हैं, कीर्ति चक्र सबसे बड़ा है। चलिए इसमें पुरस्कार समझते हैं, भारत रत्न 2019 घोषित हो चुके हैं, किसको दिया जा रहा है, नाना जी देशमुख, आरएसएस से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे समाज सेवी थे, कभी आप चित्रकूट जाएंगे तो आरोग्य धाम इनकी बहुत अच्छी संस्था है, वहाँ पे निशुल्क इलाज भी होता है और वहीं पे इन्होंने बना रखा है नई दुनिया करके, नन्ही दुनिया, है ना, दीनदयाल शोध संस्थान के संचालित, अभी इनके बेटे हैं वो चलाते हैं, तो नाना जी देशमुख इनको दिया जा रहा है, समाज मरणोपरांत दिया जा रहा है। भूपेन हजारिका, ठीक है, ये संगीतकार हैं, इनको भी ये जो है मरणोपरांत दिया जा रहा है, संगीतकार और गायक हैं, और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भी ये सम्मान दिया जा रहा है, तो तीन लोगों को, ठीक है, क्या मिल रहा है, भारत रत्न, ठीक है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि मानवीय उद्यम के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, इसमें कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं है कि किसी भी क्षेत्र का दिया जा सकता है, ठीक है। आपने देखा था सचिन तेंदुलकर वाले मुद्दे में काफ़ी विवाद हुआ था, रीजन सिर्फ इतना सा था क्योंकि खेल में उससे पहले जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे, कभी पहली बात मिला नहीं था, दूसरा उनकी उम्र भी कम थी, और तीसरा जो है उससे पहले भी देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद्र जैसे ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको पहले पुरस्कृत करना चाहिए, आने वाले समय पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन ठीक है, वोट बैंक की राजनीति कुछ भी करवाती है, और सचिन योग्य हैं, वो भारत रत्न के काबिल हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, इसलिए उनको मिलना भी चाहिए था और वो डिजर्व करते थे, लेकिन विवाद का विषय उसे बना दिया गया था, ठीक।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो ये आपका मानवीय, किसी भी मानवीय उद्यन के लिए ये दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। अगला रेमन मैक्सेस पुरस्कार, ठीक है, बिहार के एक लाल को मिला, NDTV के पत्रकार को मिला, रवीश कुमार को मिला, ठीक है। तो रवीश कुमार जी को ये इस बार का पुरस्कार 2019 का भारत में मिला है। अकेले नहीं है, इनके साथ चार लोग और हैं, ये भारत के नहीं है लेकिन, ठीक है, कहिए तो बताऊँ, कहिए तो ना बताऊँ, बता देता हूँ। कोसीबिन म्यांमार के हैं, अंगहाना नील पाइजित थाईलैंड के हैं, रेमंड फिलीपींस के हैं, किम जोंग किंग दक्षिण कोरिया के हैं, ये जो है आपके चार लोग और हैं, याद कर लीजिएगा अपना शॉर्टकट बना के, जो भी कोसी, अंगहाना, रेमंड, किम जोंग की जो भी है, कम से कम एक बार इनको ध्यान रखिएगा। रवीश कुमार 11वें व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार, 11वें भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है, और पत्रकार के रूप में 6वें व्यक्ति हैं। समझ रहे बात को? हाँ, समझदार तो हैं आप लोग। अगला नेक्स्ट, 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म के रूप में हेल्लोरा को मिला है। हेल्लोरा एक गुजराती मूवी है और इसको मिला है देश का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है। लोरा गुजराती की मूवी है। एक्टर, दो एक्टरों को साझा मिला। आयुष्मान खुराना का नाम आपने सुना है, इसके एक मूवी है अंधाधुंध, देख सकते हैं। अंधाधुंध में क्या था? हाँ, अंधाधुंध मूवी जो है उसमें ये अंधा बना रहता है ना, और फिर मर्डर, कुछ मर्डर वर्डर हो जाता है, होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, उसमें तब्बू रहती हैं शायद, है ना, और उस मूवी पे ये अंधा बना रहता है, म्यूजिशियन भी रहता है बहुत अच्छा, तो जाके देख लेता है उस मर्डर को, और बाद में पकड़ा जाता है, कूटा जाता है, बस वही मूवी है और कुछ नहीं, इतना ही है उसकी, उसको पकड़ ले जाते हैं, किडनी उडनी निकालते हैं, लेकिन अच्छी एक्टिंग की है, बहुत शानदार मूवी है, दे रहे हैं आयुष्मान जी। आयुष्मान और दूसरा विक्की कौशल, उरी के लिए इनको दिया गया है, तो दो लोगों ने साझा किया है, ये दोनों को याद रखिए, पूछेगा। एक और इम्पोर्टेंट है, खेल क्षेत्र में काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा है राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसका नाम अभी पोतेंगे, है ना, ठीक है, लेकिन जब तक बना के रखें तब तक ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 ये किसको किसको मिला है? बजरंग पुनिया कुश्ती में है ये, ठीक है, दीपा मलिक का नाम आपने सुना होगा, पैरा एथलेटिक्स हैं, और आपके, हाँ, दो ही लोग तो हैं, दो ही को मिला है, ठीक है। अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अभी गिनी गए थे, तो वहाँ पे सर्वोच्च नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है गिनी के द्वारा, ठीक है, तो इनको मिलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी को तो बहुत कुछ मिला है, तो मोदी जी को UAE ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। बहरीन गए थे तो वहाँ द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेशा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये मोदी जी को दो, बहरीन और UAE के दो सर्वोच्च पुरस्कारों से अभी इनको सम्मानित किया गया है, पूछा जाए तो आप जान जाएंगे। कीर्ति चक्र मिला है प्रकाश यादव को, और वीर चक्र मिला है अभिनंदन वर्तमान को, ठीक है, आप जानते हैं इनके बारे में। तमिलनाडु सरकार के द्वारा के सिवान जो हमारे इसरो चीफ हैं उनको अब्दुल कलाम अवार्ड अभी इनको मिला है। कपिल देव को भारत गौरव पुरस्कार मिला, भी एक और पुरस्कार बनाया जा रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, उसमें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तो देखिए वो कब तक होता है। कपिल देव जी के को मिला है भारत गौरव पुरस्कार। मिस इंडिया, इन्हें जरूर याद रखिएगा, मिस इंडिया 2019 सुमन राव राजस्थान की हैं, ये मिस इंडिया 2019 सुमन राव राजस्थान की हैं। इसके बाद जो है आपकी, इनको भी देख लेते हैं, दो तीन और बना दी गई हैं ये, मिस यूनिवर्स, मिनी मिस यूनिवर्स हैं आपकी कैट्रियोना ग्रे, ये फिलीपींस की हैं, 2019 की हैं। मिस अर्थ 2019 की हैं, ये हैं फोंग कॉन गेन, ये वियतनाम की हैं, फोंग कॉन गेन वियतनाम की हैं। और मिस वर्ल्ड 2019 वेनेसा पोंसे हैं, ये मैक्सिको की हैं, एक बार देख लीजिएगा इनको, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आपकी 2019 की मिस वर्ल्ड जो हैं वो हैं वेनेसा पोंसे मैक्सिको, मिस यूनिवर्स आपकी कैट्रियोना ग्रे फिलीपींस, मिस अर्थ 2019 पोंसो कान गयेन ये वियतनाम की हैं, और मिस इंडिया आपकी सुमन राव राजस्थान की हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले में चलते हैं, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पूछता है,
ये भी पूछता है लगातार। 54वां ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले दो प्रमुख पुरस्कार हैं, एक है ज्ञानपीठ और दूसरा साहित्य अकादमी। ज्ञानपीठ 24 भाषाओं में दिया जाता है और साहित्य अकादमी 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो शेड्यूल्ड है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये अंग्रेजी और संस्कृत दो भाषाओं में और दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इस बार अंग्रेजी को, अंग्रेजी में अमिताभ घोष को मिला ये। अभी ये 2018 वाला ही है, दिसंबर में मिलेगा अगला, जो दिसंबर आएगा तब अगला मिलेगा। दिसंबर 2018 में अमिताभ घोष को ये मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 का चित्रा मुदगल को मिला है। ठीक है, इनकी एक इनका एक साहित्य है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, है ना, एक नंबर एक इन्होंने एड्रेस लिख दिया है उसी के अंदर पूरी साहित्य है इनका, तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 इनकी पुस्तक है ये चित्रा मुदगल जी की, और इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी का। ठीक, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, इसमें हर लैंग्वेज मिलता है, हिंदी में चित्रा मुदगल जी को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, कुछ सुनने में समझ में आ रहा है, हिमा दास का नाम सुना है आपने? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण महिला है। दरअसल जब ये अवार्ड पे अवार्ड जीत रही थी तभी बरेली में एक घटना हो गई थी, वहाँ पे एक बच्ची भाग गई थी किसी विधायक की, तो पूरी मीडिया उस पर फोकस हो गई। ये बच्ची खूब भागी, इसको किसने नहीं देखा, वो किसी और के साथ भाग गई, सब ने उसी को दिखाया। पूरा का पूरा ये हिमा दास को 5 गोल्ड मेडल पाई है ये बच्ची, 5 गोल्ड मेडल इसको मिले हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल इसको जो मिले हैं वो आपके मिले हैं 200 मीटर प्रतिस्पर्धा में, और एक गोल्ड मेडल 400 मीटर रिले पे मिला है इसको। तो एथलेटिक्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, पिछले साल अर्जुन अवार्ड भी मिला था ढींग एक्सप्रेस को। ठीक है, तो ये हिमा दास बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में, चूंकि आप लोग देखते भी वही सारी चीज़ें हैं, है ना, तो कोई वैसा भाग जाए तो आप लोग को बहुत आनंद आता है, मीडिया भी यही चाहती है। ठीक, तो वो जो मुद्दे कारण से बच्ची रह गई, हिमा दास जो है इसने 5 गोल्ड मेडल एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये 2019 में इन्होंने पाए हैं, अभी हाल फिलहाल का ये मामला। अगला चलते हैं, तो ये हो गए मोटे मोटे सारे, अब इसके हो गए पुरस्कार, भारत रत्न हो गए, रेमन मैक्सेस मैंने आपको बता दिया, और भी बाकी मैंने आपको बता दिया, राजीव गांधी से लेकर ज्ञानपीठ सारे हो गए। इसको 2-3 बार सुनना है बस, इसी से आपका काम हो जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा पक्का। जितने खेल मैंने बता दिए खेल भी इनफ हैं, जितने पुरस्कार बता दिए मैं ये भी इनफ हैं। अब आ जाते हैं सूचकांकों में, सूचकांक भी आसानी समझ लो, थोड़ा सा ज़्यादा हैं, थोड़ा सा हैंग होगा इसमें दिमाग, ठीक है, लेकिन इसको दोबारा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा सूचकांक नहीं किए हैं, मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचकांक किए हैं। अब चूंकि कोई भरोसा नहीं कहाँ से आ जाए, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जितने भी हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं या कोई बहुत ही बड़ी संस्था के हैं जिसके, उन्हीं को मैंने रखा है, बाकी तो नहीं रखा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 आ चुका है, ठीक है, कुछ 2019 के हैं कुछ 2018 के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार जो है क्वेश्चन में घुमा देता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 आ चुका है, जिसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है इनोवेशन में। भारत को इनोवेशन में कौन सा स्थान मिला है, भारत की आप समझते जाइए, जो डाक जो हम करते हैं ना, है ना, क्या बोलते हैं डाक का वर्ड, अभी नवीन नवरात्रि में लगने वाले हैं, उसके कारण ये हालत है हमारी हर जगह पे, भारत के युवाओं के कारण ये सब पूरा रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कर लीजिए डाक का वर्ड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 के तहत स्विट्जरलैंड, ठीक, भारत को 52वां स्थान मिला है। यदि आप मुझसे पूछें, इसमें 60 ही देश थे, नीचे से हैं हम, ज़्यादा नहीं है। ब्लू वर्ग वैश्विक नवाचार सूचकांक, ब्लू वर्ग वैश्विक नवाचार सूचकांक की दूसरी संस्था, एक वैश्विक नवाचार सूचकांक इसको बिपो इनसीड प्लस GII द्वारा दिया जाता है, और ये ब्लू वर्ग एक खुद संस्था, ये भी एक नवाचार सूचकांक करती है, जिसमें दक्षिण कोरिया को नंबर एक और भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में दुखी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, भारत में लोग प्रसन्न नहीं रह रहे हैं, उस चक्कर में हमारे देश में अब देखिए कहानी कहाँ पहुँच गई है। फिनलैंड सबसे खुशी देश है, ठीक है, भारत इस समय रैंक और कम हुई हमारी, 144वें में पहुंच गया, पिछली बार शायद 138वें में थे मेरे ख्याल से, 136वें में थे, 4 रैंक और हमने गिराई हैं, तो 140वें में अभी रिपोर्ट आई है, भारत में दुखी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। ठीक, तो ये दिखाता है कि UPSC में तैयारी करने वाले बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं। अगला नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट ने कहा है, अब ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि ना बताऊं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 आई है, इसने कहा है कि जो
गुरुग्राम है, गुरुग्राम को गुड़गांव ये है, कहते हैं सबसे खराब हवा है यहाँ की, ठीक, सबसे खराब हवा गुड़गांव की है, दूसरे नंबर में गाजियाबाद है, ठीक है जहाँ बैठे। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, तो ये जो है आपका थोड़ा सा अगला, नेक्स्ट अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। नंबर एक में बौद्धिक संपदा समझते हैं ना, बौद्धिक संपदा है मेरी, ठीक है, जितना काम किया कुछ भी किया, जो भी आप क्रिएटिव करते हैं इनोवेटिव करते हैं उसमें आपका अधिकार रहे, है ना, आपके दिमाग की सोच, तो उसे बौद्धिक संपदा के रूप में आंकते हैं। तो यह भारत में क्या है, कट कॉपी पेस्ट, है ना, दुनिया मास्टर वीडियो बनाने लग गई, है ना। तो वो क्या हो गया कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की यहाँ रक्षा नहीं होती, यहाँ पे कोई टीएम कुछ नहीं, कोई कॉपीराइट पेंटेंट कुछ नहीं चलता है। उस चक्कर में हम कहाँ हैं, देखिए अमेरिका नंबर एक है, इसी कारण से अमेरिका भारत में इंडस्ट्रियल लैब नहीं बनाता, उसे पता है कि जैसे ही भारत में प्रोडक्ट आएगा जुगाड़ लगा के उसी का डुप्लीकेट निकाल देंगे, मेरा पेटेंट राइट चूंकि यहाँ पे सुरक्षित ही नहीं रह पाएगा, है ना। पता चला माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आके अपना हब लगा दे तो हम क्या जुगाड़ से सीधा दूसरी विंडो बना दे, यहाँ ऐसे ही चलता है, कितने लाइसेंस में विंडो चलाते हैं बताइए, की वगैरह का जुगाड़ कहाँ से कर लेते हैं, नहीं होता तो अपडेट अपडेट करके उसको चलाते रहते हैं, सेटिंग फिट रहते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में पैरेसी होती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों की कोई नहीं, क्योंकि भारत के लोग पैसा नहीं देना चाहते, ठीक, और चाहते हैं कि दूसरों की चीज़ों को वो हनन करें। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये वैश्विक संपदा अधिकारों के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके सिलेबस में भी है, मैं पढ़ाऊंगा भी इसको। वैश्विक, इसके तहत भारत की जो भारत को इसमें मिला है, यूएसए अमेरिका नंबर एक में है, भारत 36वें नंबर पर है, ज़्यादा लोग नहीं इसमें, इसमें 40 लोगों की रिपोर्ट थी, तो 40 में हम 36वें में, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति, कितने शांति प्रिय देश भारत है, आइसलैंड सबसे शांति प्रिय देश है, जहाँ पे जाप रहोगे तो खुश रहोगे, है ना। भारत में 141वें नंबर पे आता है शांति के मामले में, है ना, सब एक दूसरे को अशांति, खुद भी अशांत है, तो शांति के मामले हम इस हालत पे हैं, डाक कांवड़ हम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, देखो हम बोलते हैं हम लोकतंत्र सब कुछ है, हमारे यहाँ पे मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में नॉर्वे नंबर एक, फ्रीडम वे प्रेस फ्रीडम के लिए भारत 140वें नंबर, देखो कितनी सेंसरशिप है, और अंग्रेजों को कहते थे कि आप सेंसर करते थे, तो यहाँ पे वाक्य एवं अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, पत्रकारों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, है ना, दुनिया भर के कानून बना दिए गए हैं, तो ये 140वें नंबर पे भारत है। अगला बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचारी कितने हैं हम लोग, भ्रष्टाचार, याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, ये सूचकांक में डेनमार्क नंबर एक में है, 2018 का डेटा है, अभी आएगा 19 का डेटा, ये डेनमार्क मतलब सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र है, जहाँ पे भ्रष्टाचार है ही नहीं, भारत 78वें नंबर पे है, कुछ सुधार है लेकिन अभी भी बहुत भ्रष्ट देश है, ठीक है, देखा जाए तो अभी भी बहुत देश है, 100 देशों की एक सूची में भारत 78वें नंबर पे, तो हम बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं है, ठीक। अगला जो है नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक बहुत है, देश में हमें कोई भी व्यापार खोलना है तो आसानी से खोल पाएं, इसके लिए पहले नंबर पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में आपको व्यापार खोलना है तुरंत जाइए खोल लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको मिल जाएंगे, भारत में खोलने में बहुत टाइम लगेगा, दुनिया भर के क्लियरेंस, दुनिया भर के रूल्स, है ना, दुनिया भर का यहाँ पे भीड़, टाइम, वेटिंग सब कुछ चलता है, तो 77वें नंबर पे भारत है, लेकिन एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, कभी हम 130 नंबर में होते थे पिछले साल, अभी भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, जितने कानूनों को हमने ख़त्म किया उस आधार पर हम 77वें में आ गए हैं, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत जल्द जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये पूछी जाए, ध्यान रखें, क्योंकि इसमें 130 से 100 की छलांग और 100 से 77 की छलांग पे बैठे हैं हम लोग, बहुत तेजी से इस पे सुधार हो रहा है, सरकार इस पे काम कर रही है। अगला वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, हम कितने प्रतिस्पर्धी देश हैं, नंबर एक में अमेरिका है, भारत 58 नंबर पे, 58, ठीक है, तो यहां पे भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 58। मानव विकास सूचकांक 2018 की रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये पूछी जाती है, मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है, है ना, UNDP UN का एक, है ना, संगठन है, तो UNDP के द्वारा ये नॉर्वे नंबर एक, नॉर्वे में मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में तीन चीजें होती हैं, क्या, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और
स्वास्थ्य का स्तर है ना, जीवन प्रत्याशा जिसे बोलते हैं, कितना जीते हैं, इन तीनों मानकों के आधार पर एक इंडेक्स बनाया जाता है और उसके आधार पर ये आपको, तो ये जो है आपका मानव विकास सूचकांक में भी भारत बहुत पीछे है, हम 130वें नंबर पे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे है ना, बहुत बुरी कंडीशन में है अभी। अगला है आपका वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड नंबर एक है, 2019 का है ये। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में स्विट्जरलैंड नंबर एक में, भारत 80 नंबर पे। नेक्स्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, इसमें जो है भारत का कोई भी देश नहीं है, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, इसमें भारत का कोई भी टॉप 10 छोड़ो टॉप 100 में नहीं है, कोई भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है हमारी, जबकि हम IIT और दुनिया भर पे इतना गर्व करते रहते हैं। MIT है ना, ये आपकी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है आपकी अमेरिका की, MIT को पहले नंबर की रैंकिंग मिली है। हाँ, IIT बॉम्बे जो है 152वें स्थान पे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, अभी IIT बॉम्बे 192वें स्थान पे आता है इनके मानकों के आधार पे। अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सूचकांक 2019। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सूचकांक 2019 में अमेरिका नंबर एक, भारत 16वें नंबर पे। भारत पे अभी FDI उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, अमेरिका में खूब जा रहा है पैसा। अगला अक्षय ऊर्जा देश अकार्बनता सूचकांक 2019, इसमें चाइना सबसे ज़्यादा जो है आपका है ना बड़े स्तर पे जो है कार्बन को उत्सर्जित कर रहा है, और भारत अभी चौथे नंबर पे है। भारत भी कार्बन उत्सर्जित देश है लेकिन चौथे नंबर पे अभी हम हैं। अगला है अस्थिर राष्ट्र सूचकांक, कौन देश कितना अस्थिर है ना, हमारे देश इतना अस्थिर नहीं है, इस मामले में तो हम अच्छे हैं। यमन सबसे अस्थिर राष्ट्रों में से है, यमन संकट आप लोगों ने सुना होगा कई बार, यमन संकट में लेकर भारतीयों को लेकर बहुत सारे अभियान भी चलाए गए हैं है ना, यमन के लेकर के एक मूवी भी बनी थी शायद मुझे, हाँ कुवैत संकट पे थी, हाँ माफ कीजिएगा कुवैत संकट पे थी। यमन पे जो जनरल BK सिंह थे उनके टाइम पीरियड पे पूरा एक अभियान चलाया गया था, वहाँ से भारतीय नागरिकों को और विदेशी बहुत सारे नागरिकों को वहाँ से लेकर के सुरक्षित जगहों पे पहुँचाया गया था यमन संकट को लेकर। हाँ ठीक है, तो अगला है आपका, ये आपका सबसे अस्थिर राष्ट्रों में भारत भी अभी 74वें स्थान पर है, भारत भी अस्थिर राष्ट्रों की सूची में 74 स्थान पे है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019, इसमें स्वीडन नंबर एक में है, भारत 76वें स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 2019 में भारत हांगकांग नंबर एक में है, यानी हांगकांग में आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है, सभी व्यापार कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कम है, और यहाँ पे भारत 129वें स्थान पे, इस पे भी बहुत कम है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में स्वीडन नंबर एक में है, भारत 11वें नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट समावेशी विकास सूचकांक 2011 में नॉर्वे नंबर एक में है, और स्वीडन भारत 62वें नंबर पे है। समावेशी विकास सूचकांक 2018 नॉर्वे नंबर एक, भारत 62वें स्थान पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018, इसमें स्विट्जरलैंड नंबर एक में, भारत 177वें नंबर पे। तो हर जगह भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगला है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2018, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इराक में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, भारत भी आतंकवादी से घिरते थे तो 7वें नंबर पे भारत का भी नाम आता है। इराक सबसे ज़्यादा वहाँ पे ISIL और ISIS जैसे संगठन हैं जो पूरी तरीके से इराक को अस्थिर देश घोषित किए हुए हैं, और यहाँ पे भारत 7वें नंबर पे आता है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2018 में इराक नंबर एक, भारत 7वें नंबर पे। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 है, इसमें नंबर एक आइसलैंड है, भारत 108 नंबर पे है। विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक 2018 में सिंगापुर नंबर एक, भारत 115वें नंबर पे। सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2018 के तहत स्वीडन नंबर एक, भारत जो है 112वें स्थान पे है। ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019 में सिंगापुर नंबर एक में, भारत 113वें नंबर पे। तो बहुत बुरे हाल है भारत का बहुत जगहों पे। आप इसको एक बार दोबारा सुनिएगा, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। मैं एक बार जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है वो फिर से बताता हूँ, ठीक, एक बार इम्पोर्टेंट फिर से बताता हूँ। वैश्विक नवाचार सूचकांक के इम्पोर्टेंट है, नवाचार में स्विट्जरलैंड नंबर एक, भारत 52वें नंबर पे है। 2019 का है ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019। इसके बाद अगला है आपका वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2019, प्रसन्नता
सबसे दुखी लोग हैं, जैसी प्रसन्नता का नाम आए भारत 140वें नंबर पे चला जाता है। 121 सबसे प्रसन्न देश कौन सा है? फिनलैंड, वहाँ के लोग खुश रहते हैं। अगला है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में गुरुग्राम, देखो वायु गुणवत्ता नापी जाती है पर्टिकुलर मैटर पीएम पे नापी जाती है। दरअसल 2.5 पीएम के जितने भी उत्सर्जक पदार्थ हैं वो वायु में कितने डेंसिटी में है म्यूटर क्यूब में उसको नापा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये आपके गुड़ग्राम में है, फिर गाजियाबाद में है, और इस हिसाब से जो है गुड़ग्राम में तो 135 के आसपास जो है पूरा मीटर क्यूब में जाता है। ठीक है, तो ये आपका है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 के तहत। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक नंबर 1 यूएस। बौद्धिक संपदा इंपॉर्टेंट है भारत, उसमें शांति सूचकांक भारत 141वें, आइसलैंड नंबर 1, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे नंबर 1, भारत 140, भ्रष्टाचार वाले को रट लो भारत, ये 2018 वाला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 नंबर 1 डेनमार्क और भारत 78 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रटा होना चाहिए, 2019 की रिपोर्ट है, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, भारत 77वें नंबर पे पहुंच चुका है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक 1 नंबर पे भारत, माफ कीजिए 1 नंबर पे अमेरिका और भारत 98वें नंबर पे, 1 नंबर पे कहाँ आने देंगे। मानव विकास सूचकांक ये भी याद रखिएगा 130वें नंबर पे हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक में, नॉर्वे नंबर 1 में है, 2018 की रिपोर्ट है, 2019 की जब आएगी तो अपडेट कर लीजिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2018 नंबर 1 बेलारूस, भारत 103 नंबर पे। इसके बाद जो है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सूचकांक जो आपका है, इसके तहत भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ IIT बॉम्बे वो भी 193वें स्थान पे है, MIT USA जो है वो पहले नंबर पे है। इसके बाद जो है आपका अस्थिर राष्ट्रों में यमन नंबर 1 में, भारत 74वें में। इसके बाद जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हांगकांग है आपका, और हांगकांग नंबर 1 में, भारत 129वें नंबर पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 जो है नंबर 1 स्वीडन और भारत 11वें नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको एक दो बार आपको सुनना है और आपको इससे चीज़ें मिल जाएंगी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 आइसलैंड, और ये तो आती रहती है रिपोर्ट, इनको अपडेट भी कर लेना है, आप इनकी पूरी एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी ये रिपोर्टें एक बार लिस्ट बना लेना है और एक दो बार इनको देख लेना है, काम हो जाएगा। एक दो नंबर की पूछी जाती हैं आमतौर पर, तो गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान चीज़ है, आप इजिली नंबर ला सकते हैं, इसलिए इसको गलत करके मत आना। ठीक है, बहुत आसानी से इस पर नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक हो ना? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, भरोसा नहीं है मुझे आप लोगों पे, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूपी में आ गए हैं, है ना, और यूपी में चीज़ें ठीक नहीं हैं, और बिहार उससे भी बुरा है कंडीशन के हिसाब से। बिहार की कंडीशन मैं आपको बताऊँ, मैं तो भाई योजनाएँ ढूंढ रहा था कि बिहार में योजनाएँ कुछ पास भी हो रही, काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा था, सब पूरा 2006 की योजना है, वहाँ करंट अफेयर 2006 का पड़े, कुछ करंट ही नहीं बना रहे, वो बना रहे मुझे लग रहा है वहाँ पे पत्रिकाओं वालों को देते नहीं है, जारी नहीं करते, बहुत कम करंट मुझे मिला, मैं काफ़ी मेहनत करके, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, शायद मुझे डेटा नहीं मिला हो, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी लेकर आया हूँ आपके काम का जितना मटेरियल है यहाँ पे, मैं यूपी बिहार दोनों में ले आया हूँ। यूपी में भी मैं सोच रहा था, लेकिन यूपी के पुराने, जैसे एक यूपी का मास्टर वीडियो है, एक बिहार का मास्टर वीडियो है, दोनों को अलग अलग देखिए, दोनों में बहुत जानकारी है, गजब का, उसमें मैंने जितना मटेरियल भर दिया है, अब यहाँ पे वो चीज़ें जो मिलेंगी वो अपडेट करूँगा मैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ पे? कानपुर, हाँ बिल्कुल, रट लो इसको, उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क। अभी शायद पता नहीं दिल्ली में तितली जनगणना कर रहे हैं, टाइम नहीं तो बस टाइम पास यही कर लो, तितलियों की जनगणना कर लो, कुछ दिन बाद जो है जुगनू की जनगणना कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी होता है, करना चाहिए। तो 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया, पूछेगा पक्का, सरकार इन्हीं की है। तो 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया, ठीक है, और ये आयोजन की थीम थी सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, ठीक है, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, नारा दिया गया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, चलो कुंभ, चलो कुंभ, है ना, चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो कुंभ, चलो कुंभ चलो, ऐसे कुछ है, चलो कुंभ चलें, ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है कुंभ में 3 रिकॉर्ड बने, 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड ये बना
कि बहुत सारी बसों का संचालन एक साथ किया गया, लोगों को, यात्रियों को, आवागमन तो परिवहन सिस्टम को लेकर 503 बसों को एक साथ संचालन में विश्व रिकॉर्ड बना लिया। इसके बाद एक दीवार थी उसमें पेंटिंग एक साथ कई बच्चों ने लगाए, हैंड पेंटिंग, 7664 स्कूली बच्चों को बुलाया गया और उनसे हाथ से एक साथ छपाई कराई, एक रिकॉर्ड ये बनाया, और 10,250 सफाई कर्मियों द्वारा एक साथ झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। ये तीन रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में हम लोग साफ सफाई रखें यही बहुत है हमारे लिए, है ना। मैंने बताया ना, सब जगह के स्टूडेंट बहुत क्लियर है, यूपी बिहार वाले जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं वो आईएएस पीसीएस के लिए फोकस्ड होते हैं, ठीक है। आप बम्बई वाले में चल जाइए, गुजरात वाले में चल जाइए, उद्योगपति बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। साउथ में चले जाइए, साउथ वाले बिल्कुल फिक्स हैं कि हमको इसरो में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, साइंस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। यूपी में आ जाइए तो डाक कावड़ है ना, फिर इसके बाद उनका फिक्स है हमारा, गणेश चतुर्थी आ रही है उसके लिए चंदा वसूलने निकल पड़ते हैं। इसके बाद अभी ये राम वाला ये पूरा आ रहा है, नवरात्रि वाला, तो उसके लिए हम उसमें बनते हैं अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, है ना, महामंत्री, सचिव, वो क्या मतलब यही काम करते रहे, वो पर्चियां भर के बस चंदा वसूली का काम। होली के टाइम पे अलग चंदा वसूलना है, उस टाइम पे अलग उनका चलता है, क्यों, होलिका दहन करनी है उनको। दीपावली के टाइम पे उस टाइम पे भी चंदा वसूलेंगे, फिर दीपावली के टाइम में जगाते हैं, है ना, कार्ड खेलते हैं उस समय, धनतेरस की पूरी रात जगाते हैं, और जिसकी नहीं जगती वो अगली दीपावली में दूसरे की जगा देता है, इसीलिए रात भर लोग जागते हैं दीपावली की रात को, चोरियां बहुत होती हैं। तो यूपी में इस तरीके के रोजगार विकसित हैं और हम लोग बढ़िया आसानी से, ठीक है। तो डाक कावड़ इन सब में अपना बड़ा अजीबो गरीब है, डाक कावड़ बताए, कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही दौड़ लगा जा रहे, भाई साहब थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दो, दौड़ो ओड़ो तो आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकते हो, इतनी मेहनती हो आप तो, रिले कर लो, आप लोग 500 किलोमीटर फर्जी दौड़ रहे हो, इसके बाद माता पिता के पैर, माता पिता से पैर चपवा रहे हो, काहे के काहे का ये सब चीज़ें, मतलब यूपी वाले करते रहते हैं क्या, कहाँ पे हैं हम लोग। हाँ, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाए थे सफाई वफाई करके। इसके बाद जो है 2019 में वैचारिक कुंभ, ये जो है कुंभ से पहले वैचारिक कुंभ है ना, 5 जिलों में वैचारिक कुंभ का आयोजन किया गया। 5 जिलों के नाम सुनिए, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, वृंदावन, अयोध्या। फिर से सुनिए, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, वृंदावन, अयोध्या, ये वैचारिक कुंभ जो है, ठीक है। अगला है आपका 11 मार्च 2019 को, इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, यहीं पे पड़ोस में है, ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया। अभी 25 सितंबर गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म है ना, जन्म पुण्यतिथि का, पुण्यतिथि नहीं है, जन्मदिवस होता है, हाँ जन्मदिवस, पुण्यतिथि शायद 11 फरवरी को होती है, हाँ 11 फरवरी, हाँ मैं बिल्कुल बताया ना, मैं तो उनका भक्त हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, है ना, जब तक सरकार है तब तो सबसे बड़ा भक्त हूँ मैं। अगला नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट अगला है, यूनाइटेड नेशन ने यूपी के ग्रेटर नोएडा और नोएडा को अपने वैश्विक समावेशी शहर 2025 के पहल में, इन्होंने क्या किया, लोगों इनको चुना है दोनों को, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को, कि वैश्विक समावेशी शहर के रूप में 2025 में इसको, इनको 2025 तक जो ये इनोवेशन है इसमें रहेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को विकसित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रारंभ किया है, ठीक है। अब मैं कैटेगरी नहीं बता सकता, हर जिले के लिए अलग अलग उत्पाद बनाया गया, मैं 75 लिखता तो आप भी दुखी हो जाते, मैं भी हो जाता, तो वो देख लीजिएगा। अभी ये योजना जो है 2018 में चालू हुई थी, एक जिला एक उत्पाद, ताकि हर जिले को आइडेंटिफाइड करके वहां पे ऋण उपलब्ध करा के लोगों को रोजगार प्राप्त किया जा सके। अगला है आपका, 29 जनवरी 2019 को कुंभ मेला में प्रयागराज में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट, आपने देखा था सब स्नान करने गए थे, यूपी की पूरी मंत्रिमंडल वहां बैठी थी और बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए थे, क्या क्या डिसीजन लिए थे वहां पे, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की अहम बैठक में प्रयागराज में 2 एक्सप्रेसवे, जो आपका आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसके तहत एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाना है उनको, है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, झांसी वाला पूरा रूट जोड़ते हुए हमीरपुर बांदा इधर इधर निकल जाएंगे, और दूसरा आपका मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे, 2 एक्सप्रेसवे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिनके लिए भूमि अधिग्रहण का काम प्रारंभ हो चुका है, ठीक है।
अगला है आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री और क्या नाम था इनका दूसरे, इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय द्वारा दोनों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के दादर कला में यूपी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। ठीक है, मिर्जापुर का ये दादर कला क्षेत्र है, यहाँ पे प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रो ने ये काम किया। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रधानमंत्री ने आईआईटी बीएचयू के लिए परम शिवाय के नाम से सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया है, और ये जो आपके क्या कहते हैं जो नवोदय विद्यालय हैं इनको लेकर के ये काम करेगा, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एटॉस फ्रांस की एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है परम शिवाय को। तो बीएचयू में परम शिवाय जो है 833 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया गया है। मुखबिर योजना है भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए। यदि कहीं पर भी अवैध लिंगानुपात, लिंग जांच कराई जा रही है, बच्चियों को पेट में ही मार दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी यदि आपके पास हो तो सरकार को बता दीजिए, सरकार आपकी जानकारी को गोपनीय रखेगी, साथ में आपको 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देगी। तो मुखबिर योजना है, अब इसमें इसके चक्कर में किसी को फंसा मत दीजिएगा। बेटियों को जन्म लेने से रोकने वाली कड़ी कार्रवाई देना है, और भ्रूण हत्या की जानकारी देने पर आपको 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देगी सरकार, यह भी इसके तहत है। अगला है दस्तक अभियान भी उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। दस्तक अभियान है दिमागी बुखार, दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, और दिमागी वो बिहार में चालू हुआ था ना चमकी बुखार, है ना, लोग जो है लीची खा के चमकी, मुजफ्फरपुर जिले में 170-180 बच्चे अस्पताल में, आपने देखा बहुत बड़ी घटना हुई, तो वो अभी मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। तो उसी तरीके से दिमागी बुखार पर रोकथाम, दिमाग में देखो यदि आपके टेम्परेचर बढ़ गया ना तो फिर आप नहीं बच सकते हो, या तो आप ब्रेन हेमरेज के शिकार हो सकते हो, या तो आप कोमा में चले जाओगे, या तो आप निपट भी सकते हो। इसलिए बुखार को कहो कि दिमाग से नीचे ही रहे, इसीलिए दिमाग में ठंडा पट्टी रख लिया करो, और या फिर यदि कभी भी बुखार आता, दिमाग में पट्टी इसलिए रखी जाती ताकि इसका टेम्परेचर ठंडा रहे, यहाँ बुखार चढ़ा तो फिर आप गए, ठीक है, उससे पहले। तो ये जो है दिमागी बुखार पर रोकथाम और उपचार के लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान चलाया गया है। ठीक है, अगला है राज्य का पहला टाइगर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। इसके तहत क्या हो रहा है, मानव और टाइगर की भिड़ंत हो जा रही है। कई जगह पे ऐसा होता है कि मानव और टाइगर आपस में, कई सारे टाइगर जो है, तो उसके कारण से बहुत सारे लोग भी मर रहे हैं, टाइगर भी मर रहा है। तो उत्तर प्रदेश ने राज्य का पहला टाइगर रेस्क्यू सेंटर पीलीभीत में बनाया है, और भी बाकी कई जगहों पर बनाना है राज्य को। ठीक है, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत हो भी तो भी बैठना है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अगला चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। फिर से सुनिए, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ बनाया गया है, लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं है, लखनऊ में इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया, ओडीएफ फ्री कर दिया गया इनको भी, और 177 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया गया है कागजों में। ठीक है, बहुत सारे दिख जाते हैं लेकिन ज़्यादातर कागजों में तो हैं। तो 177 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पे है, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ये ध्यान रखिएगा। 177 करोड़ और सभी के सभी जिले हमारे खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, ये ऐसा जानकारी है। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश ने जो आपका आरक्षण व्यवस्था जो आपने मोदी सरकार ने दी कि अब हम जो है आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो लोग हैं इनको भी हम सवर्ण आरक्षण देंगे, तो 10% आरक्षण लागू करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया। पहला राज्य कौन था, गुजरात, दूसरा राज्य कौन था, झारखंड, और तीसरा यूपी, तीनों बीजेपी के राज्य थे। ठीक है, अदर राज्यों ने इस पर अभी थोड़ा सा विचार करने की सोची तो करने दीजिए उनको। अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है, कहाँ, बनारस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनारस है तो बनारस में हो रहा है, और ये राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र वहीं पर है, उसी के परिसर के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बनारस में बनाया जा रहा है। ठीक है, आने वाले समय में लखनऊ से बनारस राजधानी परिवर्तित भी हो जाए तो कोई संकोच करने की बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी का जो क्षेत्र है उसका विकास समय बड़े स्तर पर हो रहा है। बनारस जाओगे आने वाले 5 साल बाद, हो सकता है जब बनारस की एक अलग तस्वीर देखो, बड़े पूरी तरीके से, पहली बात तो उसको खोद डाला गया है ना, बड़े स्तर पे अभी देखेंगे आप, ये यहीं पे जो घाटों पे काशी विश्वनाथ वाला पूरा मंदिर था, कॉरिडोर बनाया जा रहा है सीधा,
बहुत आश्चर्यजनक बात है कि बहुत सारे घरों को जब तोड़ा गया उससे मंदिर निकल आए। घरों के अंदर लोगों ने क्या कर रखा था कि एक्वायर कर रखा था, बहुत प्राचीन मंदिर थे, उन प्राचीन मंदिरों को घरों के अंदर छुपा दिया गया था। तो अभी उस पर पूरी तोड़फोड़ हुई है बड़े स्तर पे, और सीधा जो है आप घाट से गंगा नदी से सीधा काशी विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर आपका सिंगल बनाया जाए। तो अभी काम चल रहा है वहाँ पे, बनारस पे बहुत जल्द मेट्रो की भी सुनने में आ रहा है कि मेट्रो ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक योजना है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार जो है बच्चियाँ यदि पैदा होंगी और ग्रेजुएट तक जाएंगी, ग्रेजुएशन करेंगी, तो पैदा होने से ग्रेजुएशन तक 3 लाख रुपए देगी, 3 लाख नहीं, कितना दे रही, 15,000 रुपए देंगी। बस पैदा होने से ग्रेजुएशन करने तक में सरकार आपको इस योजना के तहत 15,000 रुपए देगी यदि आपके पिताजी की इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो। ठीक, बहुत बड़ी रकम है जो सरकार मदद कर रही है आपको। अगला है यूपी सरकार के वित्त मंत्री, नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा ये एजेड भी हैं, सबसे ज़्यादा कह सके अनुभवी भी हैं, 73 साल से ज़्यादा हैं, गुप्ता जी हैं, राजेश अग्रवाल साहब। तो राजेश अग्रवाल जी जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 का वित्त बजट जो है 7 फरवरी 2019 को सदन में प्रस्तुत किया। ये बजट टोटल कितने का है उत्तर प्रदेश का, टोटल बजट था 4,79,701 करोड़ रुपए, 4,79,701 करोड़ रुपए का बजट था, और ये इनका तीसरा बजट था, और पिछले बजट से 11.9% अधिक था। ठीक है, तो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है 4,79,701 रुपए का। ठीक है, अगला चलते हैं। 2 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी अलकनंदा क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, जो आपका गंगा नदी, आसान भाषा में कहूँ कि क्रूज सिस्टम चलाया जाएगा वहाँ पे, एक तरीके से स्टीमर प्रणाली है, पर्यटन उससे अच्छा होगा, लेकिन नदियों का प्रदूषण भी बढ़ सकता है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। मेट्रो बननी है, कहाँ कहाँ मेट्रो बनती है ध्यान रखिए। कानपुर और आगरा के लिए अभी पैसा फंड पारित किया गया है, केंद्र सरकार ने भी कुछ फंड दिया है कानपुर और आगरा के लिए। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है, लखनऊ की संचालित हो रही है, चल रही है, प्रयागराज में आपके बनना है। ठीक है, प्रयागराज में बनना है, वाराणसी में बनना है, मेरठ में बनना है, गोरखपुर में बनना है, झांसी में बनना है, यूपी में गाजियाबाद में मेट्रो चल रही है ना, नोएडा में मेट्रो चल रही है, कई जगह यूपी में कई जगह पे मेट्रो है, लेकिन ये DMRC के द्वारा संचालित है, ये वहाँ की लोकल अथॉरिटी है। ठीक है, लखनऊ में अपनी खुद की अथॉरिटी है वहीं की, तो वो सारा काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपके फिर से एक बार सुनते हैं, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, झांसी। ठीक है, ये याद रखिएगा एक बार इनको सबको। अभी उत्तर प्रदेश ने पहली बकरी प्रजनन प्रयोगशाला मथुरा में बनाई है, बकरी प्रजनन है ना, बकरी प्रजनन प्रयोगशाला मथुरा में बनाई है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, पूरी नहीं है ये, कुछ जानकारी है। ठीक है, दिमाग का टेम्परेचर ठीक है ना, बुखार ना चढ़ने पाए वहाँ तक, है ना, बता दीजिएगा जैसा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं आपको बिहार के बारे में बताता हूँ, बिहार राज्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में सबसे पहले IIT पटना में एक भूकंपरोधी जो है, एक तो एक परियोजना चलाई जाइए, हर घर नल का जल परियोजना। दरअसल एक लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक सभी घरों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए, तो हर घर नल जल का योजना करके चालू हो रहा है, और ये इस पे काम कर रही है बिहार सरकार। एक तो ये योजना है इनकी इम्पोर्टेंट, दूसरी IIT पटना में भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र बनाया गया है। IIT पटना में भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट, बिहार की एक मुंगेर जिला निवासी हैं और इनका नाम है मोना दास। अमेरिका में सीनेटर बनी है, सीनेट का चुनाव जीती हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बिहार की हैं, बिहार मूल की, मुंगेर के क्षेत्र में रहती हैं, वहाँ पे दरियापुर का करके गांव है, वहीं से मोना दास आती हैं और बिहार में सीनेट के थ्रू वो सीनेट में पहुँची हैं। ठीक है, सीनेटर बनी है। अगला, बिहार में पौधे लगाने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया गया 1 अगस्त से 15 अगस्त 2019 तक चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। अगला, लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे, है ना,
पिछली बार हाथी ने अंडा दिया था, इस बार लालटेन वैसे भी, हाँ तो इस बार लालटेन चली गई। 40 सीटें थी टोटल बिहार में, एनडीए को 39 मिली, ठीक है, भाजपा और उसके जो घटक दल हैं उनको 39 मिली, कांग्रेस एक पा गई लेके, ठीक है। तो इसमें जो है 40 सीटों में याद रखना है बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और लोजपा को 6 मिली। लोजपा ये वही है, किनकी है ये पार्टी, हाँ रामविलास जी की है। अगला हुकुम नारायण देवर लोहियावादी, एक छोटी सी पत्ती ऐसे एक कॉपी लिए रहते हैं, है ना, सुना होगा इनका भाषण आपने, गजब के बात पर्सन है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लोहियावादी व्यक्ति, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। तो हुकुम नारायण देव जी को पद्मश्री मिल रहा है इस बार का 2019 का, ये मधुबनी से संसद चुन के आते हैं और काफ़ी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और संसद को खुश रखते हैं, ठीक है। अगला है आपका पत्रकार सम्मान पेंशन योजना इन्होंने चालू की है, जो पत्रकार 20 साल से ज़्यादा काम करके अपने आप को रिटायर्ड यानी रिटायर हो जाएंगे तो बिहार सरकार उनको 6000 रुपये मासिक पेंशन देगी, ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। पटना विश्व का 7वां सबसे प्रदूषित शहर है, पटना विश्व का सबसे पहले नंबर में गुरुग्राम आता है, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है और 7वें नंबर पे पटना आता है, ठीक है, ऐसा कहना है विदेशियों का। और भारत कहता है, यूपी कहता है कि हमारा सबसे स्वच्छ शहर तो गाजियाबाद ही, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला चलते हैं, ये थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता दूं, राज्यपाल हैं आपके श्री फागू चौहान जी, महामहिम फागू चौहान जी राज्यपाल हैं वहाँ के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दोनों का कार्य मिला हुआ है सुशील कुमार मोदी जी को। बिहार विधानसभा अध्यक्ष यहाँ के हैं विजय कुमार चौधरी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित जी, बहुत अच्छे वरिष्ठ स्तंभकार हैं, हृदय नारायण दीक्षित हैं वहाँ के, और बिहार के हैं विजय कुमार चौधरी। विधान परिषद के सभापति हैं हारून रशीद, बिहार में हारून रशीद साहब विधान परिषद के सभापति हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, है ना, नाम से ही तेजस्वी हैं ये। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है बिहार के, मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, शिशिर सिन्हा है। अच्छा यूपीपीसीएस के अध्यक्ष कौन है, बहुत बेहतरीन व्यक्ति इस बार यूपीपीसीएस के अध्यक्ष चुनके आए, डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर प्रभात कुमार, बहुत अच्छे इंसान, बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं अभी, है ना, तो बीपीएससी में ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष हैं शिशिर सिन्हा और डॉक्टर प्रभात कुमार जी यूपीपीसीएस के हैं। आगे चलते हैं, बिहार के रोहतास में शुगर फ्री धान की खेती हुई है। देखो ऐसे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछता, बिहार में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बहुत देख सुन के ऐसी चीज़ें मैं आपको लेकर आया हूँ। बिहार के रोहतास में शुगर फ्री धान की खेती की गई है। वर्ष 2019 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य कर्मण पुरस्कार मिला है, ये याद रखिएगा, कृषि राज्य कर्मण पुरस्कार 2019 का बिहार को ही दिया गया है। बिहार के गोपालगंज जिले में 100 घंटों में कितना बड़ा काम कर दिया, बिहार के गोपालगंज में 100 घंटों में 10,000 से ज़्यादा शौचालय बना के रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, बहुत सारे मिस्त्रियों ने लग के बहुत तेज़ी से काम किया और शौचालय बनाए 10,000 से ज़्यादा और एक नया रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जिसने सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तैयार किया है। दरअसल आपदा प्रबंधन को लेकर के कार्य योजना जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जिसको हम सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। बिहार ने इस एग्रीमेंट को मानते हुए देश अपने राज्य में आपदा प्रबंधन को लेकर एक फ्रेमवर्क जारी किया है 15 वर्ष के लिए। अगला चलते हैं, पटना में साइंस सिटी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाई जाएगी। पटना में साइंस सिटी बनाई जानी है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे होगी। वानिकी महाविद्यालय बनाया जा रहा है मुंगेर में, एक वानिकी महाविद्यालय की बात चल रही है। इसके बाद जो है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, चंपारण में, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर चंपारण में बनाया जा रहा है, चंपारण जिले में केसरिया गाँव है वहाँ पर निर्मित हो रहा है ये। अगला है, बिहार ने मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना करके एक पेंशन योजना की है, जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है तो बिहार सरकार 400 रुपया महीना की पेंशन देगी, यदि कोई 80 साल से ज़्यादा उम्रदराज हो गया तो 500 रुपये महीना की पेंशन देगी, ठीक है। तो जो लोग 400 रुपये, जो 60 साल से ऊपर उन्हें 400 रुपये पेंशन और जो 80 साल से ऊपर उन्हें 500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगला है, दिसंबर 2019 तक
जितने भी खेती करने के पंप सेट लगे हुए हैं, दरअसल अभी क्या होता है बिजली की बहुत अनुपलब्धता है बिहार में, तो उसके कारण से लोग डीजल के माध्यम से पेट्रोल के माध्यम से पंप सेट चलाते हैं, जिसके कारण से किसानों को अतिरिक्त कार्यभार है। तो सरकार चाहती है कि कम मूल्य पे उनको विद्युत उपलब्ध करा करके जितने भी पंप सेट हैं बिहार के सभी को विद्युतीकरण कर देना, सब तक विद्युत पहुँचा देना एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है सरकार का। तो इसके लिए इन्होंने खेती करने वाले पंप सेटों को दिसंबर 2019 तक बिजली कनेक्शन दिए जाने की योजना बनाई है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें लड़की को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक, लड़की को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक 54,100 रुपए, 5,400 रुपए दिए जाने की व्यवस्था दी गई है। यूपी से तो अच्छा है, यूपी में 15,000 दे रहे हैं, ये 50,000 से ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, 5,400 रुपए दे रहे हैं ये। अगला है, नेक्स्ट है आपका मुख्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना। उद्यमियों को एक, इसमें ये है आसान भाषा में बताऊं कि एक योजना बनाई है इन्होंने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना। इसके तहत जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े उद्यमी हैं उन सभी को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कराने के प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, बजट देख लेते हैं। बजट यूपी का आपको मैंने बताया कि ये 4 लाख कुछ में गया, इनका बहुत कम है, बिहार में बजट ही बहुत कम है, बहुत बुरी स्थिति है। प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम बिहार की है, सबसे ज़्यादा गोवा की है, सबसे कम बिहार की है। बिहार में तो वार्षिक 4 लाख के ऊपर चली गई है, गोवा में 4 लाख से ज़्यादा एक व्यक्ति वार्षिक कमा रहा है औसतन। बिहार की बात करें तो बिहार में 43,000 रुपये वार्षिक है औसत है एक व्यक्ति की, यदि आप सही से ढूंढें तो पता चलेगा कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इनका बजट देखते हैं। वर्ष 2019-20 का बजट जो है वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 12 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किया गया। कुल बजट का आकार कितना निकल के आ रहा है, कुल बजट का आकार निकल के आ रहा है आपका 2 लाख, ठीक है, 2,501 करोड़ रुपए, यूपी के बजट से आधा है लगभग, ठीक है, 50% ही मानिए इतना है। और पिछली बार से ये बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ गया है, और इस बार जो है जो राज्य सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है उसको आंका गया है कि इस बार जो है बिहार जो है 5,72,887 करोड़ रुपये का राज्य SGDP बोलते हैं, स्टेट GDP बोलते हैं उसको, जो है वो डेवलप करेगा, ऐसा अनुमान इन्होंने लगाया है। प्रति व्यक्ति आय की मैं दो रिपोर्ट बता रहा हूँ, एक तो बिहार सरकार ने खुद दी है, एक दिया है भारत सरकार का जो नेशनल सैंपल सर्वे या केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड है जिसका काम होता है ये सारा। तो सांख्यिकी संगठन ने कहा है कि बिहार का आदमी 43,822 रुपया कमाता है वर्ष भर में औसतन, ठीक है। दूसरा जो है बिहार सरकार कहती है नहीं नहीं बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप, बिहार सरकार कहती है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका लगभग दो तरीके की होते हैं, एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर 2011-12 को रखा गया है, यदि बेस ईयर पे निकालें तो आपका 31,316 रुपये आ रहा है, और यदि चालू वर्ष यानी वर्तमान में निकालें तो कितना आ रहा है 42,242 रुपया, इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है बहुत कमी है, आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उसके आंकड़ों को मानना है। 43,822 रुपये बिहार का सबसे कम, सबसे भारत में न्यूनतम है ये डेटा आप याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। चमकी बुखार, 3-4 नाम है इसके, चमकी बुखार, दिमागी बुखार, जापानी इन्फ्लेटाइटिस, इसके बाद नाभिकीय बुखार, मस्तिष्क ज्वर, ये गंभीर बीमारी है, 1 से 15 साल के बच्चों को हो रही है ज़्यादातर, ये मुजफ्फर जिले में ही हो रही है, ऐसा कहा जाता है कि लीची को लेकर के उससे ही ये वायरस निकल के आया। और इसके बाद इसके तहत इसके कुछ लक्षण हैं, बदन में ऐठन होना, बच्चा क्या करता है दांत के ऊपर दांत भी चढ़ा लेता है ना, दोनों दांतों को किटकिटाता बड़ी तेज़ी से, और इसके तहत जो है तेज बुखार आता है, बार बार बेहोशी के लक्षण देखे जाते हैं, और सरकार चाहती है कि सही हो जाए। 170 से 130 लोग एक साथ जो है बड़े स्तर पे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, बच्चों को एक साथ दिक्कत आई थी। एक योजना चालू, यहाँ पे महादलित शब्द है, हमारे यहाँ दलित शब्द है, वहाँ महादलित शब्द है। महादलित शब्द कहता है कि ये जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, है ना, अनुसूचित मतलब वहाँ पे टोटल 22 अनुसूचित जातियाँ हैं, 22 अनुसूचित जातियों में बिहार सरकार ने 21 अनुसूचित जातियों को बहुत पिछड़ी अनुसूचित जातियों के बीच में घोषित किया, उन्हें महादलित के नाम से उन्हें जानते हैं, ठीक है,
महादलित के नाम जानते हैं। अब इसके लिए क्या है, बहुत सारी योजनाएं इनके सशक्तिकरण के लिए चलाई गई, मैं उन योजनाओं को यहाँ पे मैंने लिखा है। पिछड़े अनुसूचित जाति को सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजनाएं चलाई गई, जैसे दशरथ मांझी कौशल विकास मिशन चलाया गया, दशरथ मांझी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। बिहार मित्र एक योजना चलाई गई है, रेडियो योजना चलाई गई है, अक्षर आंचल योजना चलाई गई है, सहायता कॉल सेंटर चलाया गया है, है ना। तो बिहार के 22 अनुसूचित जातियों में से 21 अनुसूचित जातियों को कमजोर जातियों या महादलित श्रेणी में रखा गया है, ये भी यहाँ पे ठीक है। बिहार पोलियो मुक्त हो चुका है, बिहार क्या पूरा भारत पोलियो मुक्त है, तो बिहार को पोलियो मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। 2010 से लेकर अब तक कोई भी मामला नहीं आया है, भारत भी पूरा पोलियो मुक्त हो चुका है। अगला, बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिलों में से पटना जो है आपका सबसे ज्यादा शहरीकृत है, 43% शहरीकरण है, बाकी वहां भी अभी ग्रामीण है, बहुत कमी है देखा जाए। मुंगेर उसके बाद आता है, उसके बाद आपका बेगूसराय आता है, ठीक है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है पटना की। इसके बाद सबसे कम शहरीकरण में कैमूर जिला, फिर शिवहर आता है, शिवहर भी छोटा सा है, कैमूर और शिवहर आता है। तो ये बिहार से जुड़ी हुई कुछ मोटा मोटी जानकारी थी, ठीक। अगला है नियुक्तियां, थोड़ा सा इनको जान लेते हैं, प्रमुख नियुक्तियां कौन क्या है इस समय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रेग्जिट का मुद्दा चल रहा है, थोड़ा सा ये है, अभी अभी चुनाव हुए थे, कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव लड़े ये, थेरेसा मे के जगह ये बन गए, तो ये बोरिस जॉनसन साहब, याद रखिएगा इनको, बिहार पीसीएस या फिर यूपी लोअर में पूछा जा सकता है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है हमारे, है ना, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर रट लो इसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हमारे कौन है, रंजन गोगोई, 17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये याद कर लो 46वें नंबर के हैं, 46 नंबर के हैं, रैंक भी पूछ लेता है। 2015 के लोअर पीसीएस में पूछेंगे तो पहला ही क्वेश्चन यही था, उस समय दीपक मिश्रा थे शायद, 43वें नंबर के ऐसे कुछ थे, हाँ ऐसे ही था, मुझे अभी अब मैं भूल गया हूँ, ठीक है। अगला है आपका पटना का भी मैंने ले लिया, पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है। नीति आयोग का भी फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया है, लेकिन उपाध्यक्ष फिर से उन्हीं को बना दिया गया है, राजीव कुमार जी को, प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं, उपाध्यक्ष हैं, बाकी उनके साथ टीम है, टीम का नाम नहीं बताऊंगा। अगला, थाईलैंड में भी चुनाव हुए, और प्रयुत चान ओचा जो है ये प्रधानमंत्री चुने गए, और यहाँ पे अभी एक नए राजा भी बने हैं थाईलैंड में, जिनका नाम है महावजीरा लोंगकोर्न, इनका पूरा नाम है महावजीरा लोंगकोर्न, ये थाईलैंड के नए सम्राट बने हैं। और थाईलैंड के जो चुनाव हुए थे तो प्रयुत चान ओचा जो है, यहाँ पे थाईलैंड में जुंटा शासन लगता रहता है, यानी तख्ता पलट हो जाता है, सैन्य तख्ता पलट यहाँ पे आमतौर पर एक आम समस्या बन गई है। अगला है अल सल्वाडोर में भी अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे, यहाँ पे नायब बुकेल जो है राष्ट्रपति बने हैं। ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए हमारे स्कॉट मॉरिसन जो है पीएम है यहाँ के, स्कॉट मॉरिसन, अभी ये भी चेंज हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी के जेम्स मराबे प्रधानमंत्री अभी बने हैं। इंडोनेशिया याद है जोको विडोडो, है ना, बिल्कुल फेमस रटा हुआ नाम है जोको विडोडो, फिर बने हैं। वेनेजुएला में भी हुए हैं तो निकोलसन मादुरो यहाँ पे राष्ट्रपति के तौर पे आए हैं, निकोलसन मादुरो। DRC कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो के अभी चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे फिलिक्स सिरिकेसी ये भी राष्ट्रपति के रूप में आए हैं। पनामा में लारेंटिया कार्तिजो ये भी राष्ट्रपति के रूप में आए हैं। उत्तरी मैसेडोनिया में स्टीवो पेंटादरिस्की ये भी अभी आए हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रभात कुमार के बारे में मैंने आपको बताया, UPPCS के अध्यक्ष हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, रट लो इसको, सुनील अरोड़ा जी हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी। RBI के गवर्नर चेंज हो चुके हैं, शक्तिकांत दास जी हैं। IMF चेंज हुआ, IMF चीफ जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ है या चेयरमैन है वो चेंज हुए हैं, इनका नाम है क्रिस्टालीन जियर जीविका, ठीक है। क्रिस्टालीन जियर जीविका भी क्रिस्टालीन लिगार्ड थी, तो अब वो शायद मेरे ख्याल से कोई दूसरी संस्था है, कोई बड़ी संस्था, मुझे अभी नाम याद है, वो भी इसी से जुड़ी हुई, इकोनॉमिक फेरम से जुड़ी हुई है, नाम आएगा तो मैं भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे इनका नाम भी, इसको मोटा मोटी यदि याद रखना है आपको, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्रिस्टालीन जीआरजीविका ये जो है इसकी इससे हैं। रॉ चीफ अभी चेंज हुए हैं, रॉ चीफ बने हैं अभी सामंत गोयल, और IB चीफ भी चेंज हुए हैं, IB चीफ हैं अरविंद कुमार।
ठीक है, बाकी की जितनी पोस्ट हैं सब आप जानते हो लगभग लगभग, मोटा मोटी मुझे अभी यही बताना था इसमें से। अभी थोड़ा सा कुछ आपका मिसलिनियस में है, मिसलिनियस में आपको बता देता हूँ। एक आपका लेह लद्दाख क्षेत्र में जो है ये उत्कृष्ट जो है सैन्य भागीदारी के लिए मैत्री ब्रिज जो है एक प्रतीक रूप में एक ओवर ब्रिज बनाया गया है वहाँ पे, मैत्री ब्रिज के नाम से इसको जानते हैं। लेह लद्दाख क्षेत्र में उत्कृष्ट जो है ये नागरिक सैन्य संबंधों का प्रतीक है, नागरिक सैन्य यानी वहाँ की नागरिक और वहाँ की सेना के साथ जो अच्छे संबंधों के प्रतीक के रूप में एक ब्रिज बना है, उसका नाम रखा गया है मैत्री ब्रिज। ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्रिज में जो है इसको जो है ये रखा गया है, अभी इसका उद्घाटन किया है 89 वर्ष के थे युद्ध नायक फुकोंग सोंगवान। ये जम्मू कश्मीर के लेह से सिंधु नदी पर बना हुआ है, सिंधु नदी के ऊपर, और ये भारत का सबसे बड़ा केवल सस्पेंशन ब्रिज है, यानी जो केबलों में केवल टिका हुआ है तो सबसे बड़ा है ये, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मैत्री ब्रिज केबल सस्पेंशन। जैसे कि यहाँ पे आपका दिल्ली में बना है क्या नाम है सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज आपने देखा होगा, छोटा है ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंग्लैंड के एक ब्रिज के तर्ज पे बनाया गया, बड़ा लंबा टाइम चल गया, उद्घाटन में तो अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिली थी, मारपीट नहीं हुई, नहीं और मजा आता। नेक्स्ट जो है अगला है प्रोजेक्ट कनम्मा, प्रोजेक्ट कनम्मा आपका जो है ये आपका है कहाँ पे, तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु में रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ मद्रास और चेन्नई शहर में 7 सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उनमें उनकी 300 छात्राओं को सैनिटरी पैड इन्होंने, तो कभी आ जाता है प्रोजेक्ट कनम्मा, ये सैनिटरी पैड से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है उससे। स्ट्राइड योजना, स्ट्राइड योजना UGC की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत युवा प्रतियोगियों को पहचान करना है, उनके अंदर अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना है और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देके मजबूत करके उनमें क्षमता निर्माण करके उनका विकास करके अर्थव्यवस्था का विकास करना है, देश का विकास करना है, राष्ट्रीय विकास को बढ़ाना है। तो स्ट्राइड योजना UGC के द्वारा आप लोगों के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत आप लोगों की रुचि अनुसंधान क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए है, अनुसंधान यानी कि शोध कार्यों में, PhD में, इन सब चीज़ों में, ताकि राष्ट्रीय विकास हो, ठीक है। इसके अलावा अगला है संस्कृत हिमाचल प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में रखी गई है, इससे पहले उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा थी, है ना, और अभी ये हिमाचल प्रदेश की भी रखी गई है द्वितीय आधिकारिक भाषा। तो ये भी जो है अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 17 में भाषाओं से जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर दिया गया, उसके तहत आप अपनी आधिकारिक भाषाएं चुनते हैं, राज्य की प्रथम। ये अंतिम टॉपिक आपका बचा है सैन्य अभ्यास, थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़िए, लास्ट है, सुनिए, एक एक सुनना है, बहुत सारे इनके नाम सुनना है, किसके किसके बीच में ये सुनना है बस, मैं ये नहीं बताऊंगा इस साल के मैंने वैसे डाले हैं जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, लेकिन ये आमतौर पर पता होना चाहिए किसके किसके बीच में हुए हैं। थल सेना, देखो सैन्य अभ्यास क्या है, देश में सेनाएं जो हैं वो सक्रिय रूप से अपने रण कौशल को विकसित करने के लिए, विश्व की भावी चुनौतियों से निपटने के लिए समय समय पर युद्ध अभ्यास करती रहती है। अभ्यास बहुत जरूरी चीज़ है ना, जैसे हम लिखने का अभ्यास करते हैं वो लड़ने का अभ्यास करते हैं, आपस में लड़के देखते हैं कि कौन जीतता है, प्रतिस्पर्धा होती है उससे, तो अमेरिका की सेना भारत आ जाती है, भारत की सेना अमेरिका, अल्टरनेट चलता रहता है ना, जापान की सेना यहाँ आ गई, तो अलग अलग युद्धाभ्यास हैं, देशों के बीच में आपस में संबंध बने हुए हैं, कभी नेवी लड़ लेते हैं, कभी इंडियन आर्मी और वहाँ की कोई आर्मी, ऐसे करके युद्धाभ्यास होते रहते हैं, बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं जो अब बहुत बड़ी संख्या है, हर देश के साथ भारत की सेना युद्धाभ्यास करती है, भारत की एयरफोर्स युद्धाभ्यास करती है, भारत की नेवी युद्धाभ्यास करती है, तो उसी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मालाबार, एक युद्धाभ्यास है मालाबार जिसमें 3 सेनाएँ हैं, जापान, भारत और अमेरिका, इससे चाइना डरता है, ठीक है, इससे चाइना बहुत डरता है ये तीनों के गुटों से, तो भारत चाइना बने, ये इनकी नौसेना है, ये नौसेना आपस में ये एक प्रैक्टिस करती है, ठीक है, मालाबार। इसके बाद एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास, ये भारत सिंगापुर के साथ है, बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से, है ना, थल सेना इस पे दोनों की जुड़ी है, अभी झांसी में हुआ था इसका कार्यक्रम। अगला है आपका मित्र शक्ति भी भारत श्रीलंका के मध्य है, मित्र शक्ति मैत्रीपाल सिरिसेना, है ना, मित्र शक्ति आपकी ये श्रीलंका के साथ है। अगला है एफिडेक्स 2019 में, ये आपका भारत और 17 अफ्रीका
है ना, 17 अफ्रीका देशों के साथ एफिडेक्स है, ये भी थलसेना के साथ ही है, थलसेना थलसेना। अगला है अलनगाह, ये अलनगाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के साथ होता है ना, ये नाम से ही समझ में आता है, भारत और ओमान के। ओमान आपने देखा गल्फ कंट्री है, यहाँ पे अरबियन प्रायद्वीप में सबसे नीचे है ओमान। अगला जो है आपका नेक्स्ट कहाँ पे है, अगला है संप्रीति, संप्रीति जो है भारत बांग्लादेश के बीच में है, थल सेना है। इसके बाद अगला है आइम्बेक्स, आइम्बेक्स 2018-19, ये भारत म्यांमार के बीच का, हैंड इन हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत चाइना के बीच में, हैंड इन हैंड, भारत चाइना हैंड इन हैंड, ठीक है, थल सेना के बीच में। अभी चीन में हुआ था इसका। इंद्र 2018, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत रूस, इंद्र 2018, भारत रूस, इंद्र 2018, या कोई भी इंद्र 18-17-19 सब भारत रूस ही होगा, ठीक है। इसके बाद एक है आपकी धर्म गर्जियन, धर्म गर्जियन भारत जापान के बीच में है, थल सेना की, धर्म गर्जियन भारत जापान के बीच में। अगला है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के बीच में, वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में, युद्धाभ्यास के नाम से केवल, ये भी भारत अमेरिका के बीच में। इसके बाद जो है आपका नोमेडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच में है, नोमेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में है। इसके बाद आपका मैत्री, मैत्री भारत थाईलैंड के बीच में है, मैत्री भारत थाईलैंड के बीच में है। वरुण आपका भारत फ्रांस के बीच की नौसेना के बीच में है। सिम्बैक्स आपका भारत सिंगापुर के बीच में है। इसके बाद जो है आपका कोंकण, कोंकण याद रख लीजिएगा भारत और ब्रिटेन के मध्य में है। मालाबार भारत जापान अमेरिका, कोंकण भारत ब्रिटेन, ठीक है। इंद्र भारत रूस, मैत्री भारत थाईलैंड, ऐसे दिमाग में आपको रटी होनी चाहिए, तो इनको दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे भी कुछ हैं, इन बैक्स, इन बैक्स भारत वियतनाम के बीच में है, इन बैक्स आई एन से इंडिया, बी ए, ये वियतनाम के नाम से है ना। बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक भारत की तीनों सेनाएं आपस में करती हैं अभ्यास, ठीक है, थल सेना वायुसेना जलसेना आपस में मिलकर बुल स्ट्राइक करती हैं, तो बुल स्ट्राइक जो है भारत की तीनों सेनाएं आपस में जब युद्ध अभ्यास करती हैं। गगन शक्ति, गगन शक्ति है भारत की वायुसेना, भारत की वायुसेना पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर वाले क्षेत्र में आराम से इंजॉय के साथ गगन शक्ति करती है। अभी देखा था जब बालाकोट से पहले किया था तो लोगों को लग रहा था डराने के लिए कर रहे हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे थे। तो गगन शक्ति समय समय पे होता रहता है, वायुसेना का युद्धाभ्यास है, ये अकेले करता है उसमें, खुद वो ट्राई करता रहता है कि कितना फिट मार पाता है। अगला है आपका एक्यूपेरिन, एक्यूपेरिन भारी भारत और मालदीव की थलसेना के बीच में है। अगला है आपका अजय वारियर, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के, भारत ब्रिटेन के बीच में, कोंकण और अजय वारियर, ये भी भारत ब्रिटेन के बीच में थल सेना का। अगला है आपका खंजर, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच में है, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में है। अगला है इम्बैक्स, इम्बैक्स भारत म्यांमार के बीच में है, इम्बैक्स दो हो गए, एक भारत वियतनाम और एक भारत म्यांमार के बीच में, थल सेना के बीच में। गरुण शक्ति, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। और एक अंतिम है हरी, हरी मऊ शक्ति है भारत और मलेशिया के बीच में। बस इतने से स्थान ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, मेन मेन इसमें याद रखिएगा, मालाबार रट लीजिए, कोंकण रट लीजिए, इंद्र रट लीजिए, वज्र प्रहार रट लीजिए, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये आपके सैन्य अभ्यास हैं, है ना। तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अभी कुछ बचा नहीं। हमने शायद जो है यहाँ पे ये वाला पूरा सेक्शन राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया, हमने विधिक घटनाक्रम देख लिया, हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया, हमने पर्यावरण वाला इशू देख लिया, हमने आर्थिक घटनाक्रम देख लिया, हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देख लिया, हमने प्रमुख सूचकांक देख लिया, हमने खेल परिदृश्य देख लिया, हमने पुरस्कार देख लिए, सारे के सारे, कोई नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, उत्तर प्रदेश विशेष देख लिया, बजट देख लिया, सैन्याभ्यास देख लिया, हमने राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ पे भी सारे देख लिए, बिहार राज्य का विशेष देख लिया, हमने प्रमुख नियुक्तियां देख ली और मिसलिनियस भी देख लिया। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है जो भी टॉपिक था मेरे द्वारा कवर करा दिया गया है। आपका काम है इसको दो बार तीन बार सुनना, आराम आराम से सुनना, जितनी कैपेसिटी हो, जिसके पास जितनी मेमोरी हो उतना ही सुनना, ठीक है, कोशिश करो मेमोरी बढ़े, ठीक है। तो आज जो है आपका काम है इसको सुनना और सुनने के बाद जो है अपने नोट, ठीक, चलो कोई जाएगा नहीं कहीं।